अच्छा जी, लास्ट क्लास आप लोगों ने सर हमूद से ही ली थी, उससे पहले आई थिंक सो मैंने दी थी आप लोगों को क्लास। और बाकी ये कि इस लेक्चर में इंशाल्लाह ताला हम सेलर सेंट्रल की थिंग्स जो है तमाम ए टू जेड डिस्कस करेंगे। बेसिकली चक्कर ऐसा होता है कि आपको प्रोडक्ट हंटिंग हर कोई कर लेता है। प्रोडक्ट हंटिंग का ये सीन है कि आपको कोई भी बंदा मिल जाएगा जो प्रोडक्ट हंटिंग आप लोगों के लिए कर लेगा, और या आप लोग लेट्स सपोज जल्दी सीख जाएंगे। क्विक लर्निंग वाला ये बेसिकली वो होता है, प्रोसेस होता है सारा जो आप लोग करते हैं। तो उसमें ये है कि आपको जो ये सेलर सेंट्रल की थिंग्स है ये लाजमी आनी होनी चाहिए। अब मेरे साथ एक बार ऐसा हुआ कि मैं नया नया काम आता था, बिल्कुल क्लाइंट आया हमारे पास, तो हम भी ना समझते, तब उम्र भी इतनी नहीं थी, कोई तकरीबन मैंने जब स्टार्ट लिया था ये कोई 18-19 साल का था मैं, तो वो उस वक्त ना तजर्बा थोड़ा कम होता है। मैंने भी उन्हें ना वो बस बोल दिया जब क्लाइंट वगैरह हमने हंट किया है कि यार आप मेरे पास तकरीबन 2-2.5 साल का एक्सपीरियंस है, मैं FBA होलसेल और प्राइवेट लेबल और ड्रॉप शिपिंग जो है ये मैं इजीली बैठ के कर लेता हूँ। अच्छा, मैंने उनसे ये भी कहा कि आप मुझे ना काइंडली अपने सेलर सेंट्रल की एसेस दे दें, ताकि मैं ये चेक कर लूँ कैटलॉग में जाके कि आइदर जो मैं प्रोडक्ट्स निकाल रहा हूँ उसमें से कोई सेलेबल है या सेलेबल नहीं है। अब चक्कर ऐसा होता था कि वो उसने मुझे एसेस नहीं दी अकाउंट की। मैंने कहा ठीक है, कोई इशू नहीं है, क्योंकि उसको लग रहा था कि शायद मुझे काम लेट सपोज नहीं आता। मैंने उससे अकाउंट की एसेस वगैरह बड़ी मुश्किल से जाके गई, उसने मुझे कोई महीने दो बाद दी, बट उससे पहले उसने मेरा टेस्ट लिया। वो मुझे कहता है क्या सेलर सेंटर पे आपको शिपमेंट प्लान बनाने आता है या नहीं आता, हालांकि उससे पहले जिंदगी में मैंने शिपमेंट प्लान नहीं बनाया था, मैंने सिर्फ वीडियो देखी हुई थी। मैंने सामने अपनी लड़से को उस किताब खोली, उसके ऊपर से सारी रीडिंग शीडिंग की, और उसको मैं साथ साथ पॉइंट्स बताता रहा कि सेलर सेंटर का अगर आपको काम आता हो ना एक्सपर्ट लेवल का, और आपको सब चीजें ए टू जेड पता हो सेलर सेंटर के अंदर से, कि अकाउंट हेल्थ मैंने कहाँ से देखनी है, परफॉर्मेंस हिस्ट्री मैंने कहाँ से देखनी है, मैनेज इन्वेंट्री कहाँ से देखनी है, शिपमेंट प्लान कहाँ से लेके आना है, केस लॉग लेट सपोज मैंने कहाँ से असेस करना है, अमेजोन के साथ कोई इश्यू हो जाता है मेरा उसको केस को किस तरह ओपन करना है, अगर किसी एसन के लिए अपील करनी है वो किस तरह करनी है, लिस्टिंग को एडिट करना है वो किस तरह करना है, रिप्लेनिश अलर्ट्स भेजने हैं, रिप्लेनिश इन्वेंट्री भेजनी है, वो हमने तमाम चीजें किस तरह भेजनी है सारी, और किस तरह प्रोसेस करना है, किस तरह उसको एडमिट करना है, किस तरह उस चीज को देखना है, तो वो आप लोगों को सारा ए टू जी आना होना चाहिए। और इसके लिए कि बेशक अभी आप लोग स्क्रीन या आई थिंक से मोबाइल यूज कर रहे होंगे, इसके लिए वैसे रिकॉर्डेड होगा लेक्चर। मेरे ख्याल में जो बेसिकली लिखने वाला काम होता है ना, जब आप एक चीज लिख लेते हैं अपने पास, तो वो आई थिंक सो टाइम बचा लेती है। आप रिकॉर्डेड लेक्चर भी दोबारा देख लेंगे, जब आपके पास क्लाइंट लेट्स सपोज आएगा या अकाउंट आएगा आप लोगों के पास, तो आप कहेंगे कि यार लेट्स सपोज मैं वीडियो खोल लेता हूँ और उसको चीजें देख के, तो मैं वो डबल वीडियो दोबारा देखूंगा, लेक्चर दोबारा सुनूंगा और वो तमाम प्रोसेस तब करूंगा। तो इसमें कोशिश किया करें कि ना ये कुछ मेन इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं, जब आप लोग एक चीज सामने खोल लेती है ना, वो आपने कंप्यूटर जब साइंस पढ़ी होगी अपने स्कूल में बचपन में, तो उसमें वो प्रॉपरली आपको एक, मुझे उसका नाम तो नहीं, डायग्राम बनवाते थे, उसका फ्लो होता है बेसिकली, जैसा कैश फ्लो बता दिया, कंपनी का फ्लो बता दिया, सप्लाई चेन मैनेजमेंट के हम चार्ट्स बनाते हैं, कंप्यूटर साइंस में चार्ट होते हैं कि जी मदरबोर्ड से एक चीज निकली वो सीपीयू में गई, फिर वहां से आउटपुट आया स्क्रीन की तरफ, वो चीज आ गई, तो वो एक प्रॉपरली वो एरो लगा के हम चीजें करते थे। इस आज वाली गेम सारी वही वाली है, आप लोगों ने फ्लो चार्ट्स वगैरह समझे बनाने हैं। इसमें आपको मतलब कि फ्लो चार्ट से ये मुराद है कि एक लाइन में लिख दिया, एरो लगा दिया, आगे चीजें सारी। तो कोशिश किया करें कि अपने साथ ना वो एक किताब हो आपके, ताकि लेट्स सपोज जब आप काम कर रहे हो हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस के लिए, तो आपको बार बार किसी से पूछना ना पड़े या आपको बार बार लेक्चर खोल के ना देखना पड़े, आप उसी वक्त अपना वो लेट्स सपोज नोट्स ओपन करेंगे, सामने देखेंगे, आपको उसी वक्त क्लिक कर देगी कि यार ये ऑप्शन मैंने लिखा हुआ है, ये इस पेज पे होगा, ये इस पेज पे होगा, और मैं इसको जाके असेस कर लूंगा। अच्छा, इसमें आपको मैं सेलर सेंट्रल की सारी चीजें बताऊंगा, इसमें मैं आपको स्टैंडर्ड इन्वेंटरी का बताऊंगा, फिक्स किस तरह की जाती है, उसके बाद FBM करना है, FBA करना है, और अगर लेट्स सपोज आप शिपमेंट प्लान या कोई ऐसी चीज बना रहे हैं, कोई प्रोडक्ट वगैरह आप लिस्ट कर रहे हैं, तो उसमें किस तरीके से जो है आप वो करेंगे, प्रोडक्ट को लिस्ट करेंगे, और ये चेक करने के लिए कि ख्वाह शिपमेंट प्लान इस प्रोडक्ट का बाद में बन जाएगा नहीं बन जाएगा। अक्सर कुछ प्रोडक्ट्स ऐसी होती हैं कि आपने लिस्ट तो कर दी, वो लिस्ट हो जाती है इजीली, बट जब आप शिपमेंट प्लान में जाते हैं अक्सर वो हैजमेंट निकल आती है, आप लोगों ने पहले चेक नहीं किया होता, वो हैजमेंट निकल आएगी, वो आपको उस वक्त लाले पड़ जाते हैं, यार ये प्रोडक्ट तो मेरे वेयर हाउस में पड़ी हुई है, अब सेलर रिफंड भी नहीं लेगा या ब्रांड रिफंड भी नहीं लेगा, तो आपको एक अलग टेंशन होना शुरू हो जाती है, फिर आप किसी हैजमेंट वाले सेलर को ढूंढते हैं, अपनी प्रोडक्ट सारी तमाम कि उनको सेल करते हैं। तो अभी हम सेलर सेंट्रल की तरफ जाएंगे। जी जी रिकॉर्डिंग ऑन है। अच्छा जी,
रिकॉर्डिंग स्टार्ट है ठीक है रिजवान भाई। अच्छा सेलर सेंट्रल का सबसे पहले आप लोगों को इंटरफेस समझाऊंगा कि बेसिकली इसमें होता क्या है, क्या क्या चीजें इसके साथ आपको नजर आ रहा है, इसके अंदर क्या क्या चीजें जो हैं वो तमाम हमें देखनी पड़ती हैं, इसका इंटरफेस कैसा होता है। तो बेसिकली ये एक पूरा एल्गोरिथम आप लोगों के सामने आ रहा होता है और इसमें काफी ज्यादा चीजें आपको दिखाई दे जाती हैं। अगर तो सेल्स आज की आ रही हैं तो ये प्रॉपरली यहाँ पे सेल्स का बता देगा ये। अच्छा ये स्टोर फ्रंट का ऊपर नाम आ जाता है, मार्केट प्लेस आ जाती है। इसी अगर दूसरी मार्केट प्लेसेस में आप लोग सेल करना चाहते हैं, अक्सर बच्चे पूछते हैं जी हमने अकाउंट बना लिया, अब हम मार्केट प्लेस किस तरह स्विच करें, कैसे सेलेक्ट करें, तो यहाँ से मैं किसी भी रेलिवेंट जो मुझे पसंद होगी या मैं उस पर कारोबार करना चाह रहा हूँ, यूनाइटेड किंगडम है, कनेडा है, यहाँ से मैं इजिली सेस कर चुका हूँ, कर सकता हूँ। जहाँ पे लेट्स सपोज सेलर सेंट्रल डॉट अमेजोन डॉट कॉम आ रहा है, वहाँ पे अगर कनेडा में जाऊंगा तो डॉट सीए आ जाएगा, आपको पता लग जाता है कि आपके इस मार्केट प्लेस में सब बैठ के सेल कर रहे हैं। अच्छा यहाँ पे जो मेन सरसरी से कॉलम्स वगैरह आ रहे होते हैं वो मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, जिस तरह ये सेल्स आ रही होती हैं। सेकंडली ये ग्राफ आजकल नया आया है, ठीक है ये पहले नहीं होता था हमारे दौर में, आजकल ये नया आया है जो नीचे ग्राफ भी बता रहे हैं कितने यूनिट बिके। अब ये जीरो सेल थी, ये $159 की अगस्त 3 की सेल है और ये $639 की गस्ट 4 की है आज की लगभग, क्योंकि इन्वेंट्री अभी एक्टिव हुई है जो लास्ट मंथ सारी हम लोगों ने इसमें डाली थी, तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी $639 है, यही आगे आज की उम्मीद है ये 1500 $2000 पे जाएगी। अब $639 पे भी अच्छी बचत है आपको, तकरीबन आप 150 से $200 इजिली बना लेते हैं, हाई टिकट आइटम्स होती है 2 से 3 यूनिट निकले हुए होंगे। अच्छा ये मार्केट प्लेसेस का आपको आ गया बता दिया कि यार ये आपके जो सेलर सेंट्रल में इस वक्त 3 मार्केट प्लेसेस आपको टोटल अवेलेबल है, यूनाइटेड स्टेट्स, कनाडा, मेक्सिको। ये बिल्कुल सरसरी सी चीजें मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, वैसे कोई इतना वो कोई बड़ी साइंस नहीं है, बिल्कुल असल गेम बाद में आएगी। अच्छा जी ओपन ऑर्डर्स आ गए कि आपके 2 ऑर्डर्स इन प्रोसेस लगे हुए, कस्टमर ने या तो पेमेंट नहीं की होगी कंप्लीट, या अमेजोन ने अभी तक प्रोडक्ट शिप नहीं की होगी, तो उन्होंने बता दिया 2 आपके ओपन ऑर्डर्स लगे हुए हैं, हालांकि पूरा अकाउंट एफबीए पे चल रहा है। बायर के मैसेजेस इस कॉलम को लाजमी देखना है जब भी सेलर सेंटर ऑन करना है कि बायर का कोई मैसेज तो नहीं, अगर बायर कोई चीज क्वेश्चन कर रहा है उसका रिस्पॉन्स रेट होता है कस्टमर का, वो आपको लाजमी आना होना चाहिए कि यार आने होने से मुराद ये है कि आपको उसका मतलब कि लिमिटेड टाइम में आपको रिप्लाई देना चाहिए, तकरीबन 12 घंटे 18 घंटे या 24 घंटे का तकरीबन लगभग टाइम होता है आपको रिप्लाई देना पड़ता है कस्टमर को। बट आपने कोशिश यही करनी है कि आपने बस बायर मैसेज आता जाए उसी वक्त को एक रिस्पॉन्स करना है, बायर ने अगर लेट्स सपोज कोई कंप्लेन भी करनी है प्रोडक्ट गलत पहुंची हुई उसके पास तो वो ये काम नहीं करेगा। फ्यूचर ऑफर्ड है जी इसमें, ये आपका बेसिकली बता रहा था पहले इधर आ रहा होता था बाय बॉक्स का, बट फ्यूचर ऑफर परसेंटेज जो इसकी आ रही है ये आपका बाय बॉक्स बता रहा है कि आपकी कितनी प्रोडक्ट्स का जो है सॉरी यूनाइटेड स्टेट्स में आप ये आपकी टोटल ओवरऑल बाय बॉक्स की जो परसेंटेज है विनिंग की वो क्या आ रही है आपकी आ रही है। अच्छा ये इन्वेंट्री परफॉर्मेंस हिस्ट्री है, इस पे स्कोर तकरीबन इतना ही रहना चाहिए, 650-700 तक भी चला जाए तो वो ज्यादा अच्छा है, मगर ज्यादातर यही टोटल इस पे आ रहा होता है। अच्छा ग्लोबल प्रमोशनल सेल्स है, लेट्स सपोज ये आपको मैंने यहाँ पे बताया था कि आपकी ये 3 मार्केट प्लेसेस आप कनाडा में भी सेल कर रहे हैं, मेक्सिको में, या आप इधर ऊपर चले जाते हैं और आपकी यहाँ पे जर्मनी शर्मनी में सेल कर रहे हैं, वो आपको टोटल प्रमोशनल सेल्स बता देगा ग्लोबल कि आपके जितने और दूसरे डिफरेंट अकाउंट्स हैं उसमें कितनी सेल्स अभी तक टोटल हो चुकी हैं। इसी तरह नीचे आ जाते हैं, ये बेसिकली फीचर्ड आपको बता रहा होता है कि यार रिकमेंडेड इन्वेंट्री इतनी है, इसका वो निकालना पड़ेगा रिजवान भी आपको ना कॉलम सा जो है। अच्छा इसमें आपको डिफरेंट इन्वेंट्रीज का बता देता है जी भाईजान, रिकमेंडेड क्वांटिटी इतनी होनी चाहिए, फलानी चीज इतनी होनी चाहिए, और अक्सर प्राइस का भी दे रहा होता है कि प्राइस आप प्रोडक्ट की यहीं से चेंज कर लें, इसको चले देख लिया करेंगे यार ये सेलर सेंट्रल क्या कह रहा है, और अपनी जाके लेट सपोज वो सेल्स चेक कर लिया करें कीपा के ऊपर के यार उधर कितनी सेल्स आ रही है, या आप अगर लेट सपोज प्रीवियसली बेच चुके हैं प्रोडक्ट्स वगैरह तो वो आपकी कितनी निकली थी और अभी ये रिकमेंडेड क्वांटिटी कितनी कह रहा है, हमेशा इस पर रिलाई नहीं करना। जिस तरह ये 111 कह रहा है क्वांटिटी, इसने सिर्फ सेल देखी हुई है, मगर इस प्रोडक्ट पे हो सकता है अभी हमें बचत ना आ रही हो, इस प्रोडक्ट पे हो सकता है हमें अभी बचत ना आ रही है, मगर ये तो यही रिकमेंड कर रहा है कि 111 पीस डालो, इसको तो नहीं पता कितने सेलर और आ जाएंगे, तो हमने तो एक मिनिमम देख के चलना होता है। इसको सिर्फ आप एक सरसरी से नजर मार लिया करें कि यार कौन कौन सी प्रोडक्ट की क्या क्या सजेशन जो है ये लेट सपोज हमें दे रहा है। अच्छा नीचे ये डिफरेंट थिंग्स आती होती हैं, इनसे हमारा कोई लेना देना नहीं है, ये कोई इनके अपने प्रोग्राम जो चल रहे हैं कि लिस्ट ग्लोबली एंड ट्राई बाय प्राइम, ये इनके प्रोग्राम्स वगैरह चल रहे हैं डिफरेंट, आपको वो ये बता रहे होते हैं, ये न्यू है होम पेज है बेसिकली, अभी आपको बताया रिसेंटली जो है ये वो हुआ है अपडेट हुआ है। अच्छा इसमें हम लोग ये आता है कि साइड पे ये 3 बार्स आ रही हैं आपके सामने और इसको आप क्लिक करके अगर देखते हैं इसमें डिफरेंट आपके पास ऑप्शंस आ जाते हैं, मैं एक एक ऑप्शन को डिस्क्राइब भी कर देता हूँ, उसके अंदर ऑप्शंस भी बता देता हूँ, और जिसके साथ आपका रोज का काम होगा सेलर सेंट्रल के अंदर जो आप रोज चीजें खोलेंगे वो भी मैं आप लोगों को सारी बता देता हूँ जो मस्ट होती हैं आप लोगों ने खोलनी पड़ती पड़ती है खोलनी। सबसे पहला हमारे पास इसके अंदर ऑप्शन आ जाता है कैटालॉग का। अब कैटालॉग को नाम पढ़ते ही मतलब समझ आ गया यार, कैटालॉग
केस के अंदर तमाम चीजें अमेजोन पे जो लिस्ट हुई हैं वो अवेलेबल पड़ी हुई होंगी। अब इसके लिए डिफरेंट ऑप्शंस आ जाते हैं, अपलोड प्रोडक्ट भी है या एड प्रोडक्ट भी है, अपलोड कंप्लीट और ड्राफ्ट्स, इससे हमारा कोई लेना देना नहीं अपलोड इमेजेस, क्योंकि हम तो लिस्टिंग की असेस ले लेते हैं प्रॉपरली पूरी। अब इसमें अगर लेट्स सपोज हम जाते हैं जी एड प्रोडक्ट के अंदर, ऐसा ना आप लोगों को सबको होता है प्रोडक्ट का आइडेंटिफायर होता है, यहाँ पे आके हम लोग प्रोडक्ट को सर्च कर लेते हैं कि ये प्रोडक्ट प्रॉपरली सर्च किस तरह इसका, आइदर ये हमारे अकाउंट पर सेलेबल है या नहीं है। इसमें और भी डिफरेंट काफी फीचर्स हैं जो आप सेलर सेंटर के अंदर करते हैं। इसके अंदर मुझे खाली एक बच्चा ये बता दे कि आप लोगों को जेनेरिक शेरिक का भी इसमें फाइंड करने का सारा कुछ बताया हुआ, जल्दी से मुझे मैसेज करके जरा बता दे, मैं जरा फिर ब्रीफ लेके चला जाता हूँ, नहीं तो फिर अगर आपको बताया हुआ है तो मैं फिर उसमें नहीं जाता मजीद। नहीं बताया हुआ जेनेरिक का कोर्स हुआ है ना अभी तक? नहीं हुआ कवर है? लास्ट में करना था? नहीं आज सेलर सेंट्रल का ना पूरा, मैं कह रहा हूँ मैं फिर ब्रीफ ले जू इनको बता दूँ। हाँ ठीक है। अच्छा जी ठीक है, मुझे पता लग गया। अच्छा ये सेलर सेंट्रल के ऊपर ना ये डिफरेंट आप काम कर सकते हैं, जैसे कि लेट सपोज मैं चला जाता हूं जी इस वक्त amazon.com में। amazon.com की ये जिस तरह की सर्च बार है ना, यहाँ पे आप लोग कोई भी चीज सर्च करते हैं वो रेलिवेंट आती है। इधर अगर लेट सपोज आप आते हैं, आप कुछ भी सर्च करते हैं, आप लेट सपोज करते हैं जी हेयर ड्रायर, एक बात करूं सिंपल सी, तो ये बेसिकली ऐसा कैटलॉग है, ये अमेजोन का पूरी चीज आपको बता देता है, सेल्स रैंक भी बता देता है, उसके बाद ऑफर्स बता देता है, यूपीसीई एंड तमाम चीजों का आपको बता देता है, डिफरेंट ब्रांड्स आप लोग हंट कर सकते हैं। कुछ बच्चे हैं वो कहते हैं लेट सपोज हमारे पास, या हम ऑनलाइन आर्बिट्राज करना चाहते हैं और हमारे पास सिस्टम ऐसा है कि यार हम कुछ लिमिटेड प्रोडक्ट्स या लिमिटेड ब्रांड्स में हम लोग अनगेटेड हैं और हमें उसकी प्रोडक्ट्स चाहिए, जबकि हमारे पास कीपा लेने के भी पैसे नहीं है या हीलियम लेने के भी पैसे नहीं है, या हम उस चक्कर से आप बाहर निकलना चाहते हैं क्योंकि वहां पे हाई रेटेड आइटम्स आती हैं, हमारे फिल्टर स्टफ लगते हैं, उन बच्चों के लिए सबसे आसान ये है या एक मजीद डीप तरीका है हंटिंग करने का प्रोडक्ट्स की, कि वो ये वाला प्रोसेस यूज कर सकते हैं कुछ भी। अब लेट सपोज मैं एग्जांपल ले लेता हूं, मैं बारबी में लेट सपोज मैं अनगेटेड हूं, ठीक है, मैं यहाँ पे बारबी सर्च कर लूंगा, बारबी के तमाम ब्रांड की प्रोडक्ट्स मेरे पास आ जाएंगी, मैं चेक कर लूंगा कि किस, अच्छा मजे की बात है इसमें कुछ प्रोडक्ट्स की जो मेन कैटेगरी होती है उसमें आप लोग गेटेड होते हैं, कुछ प्रोडक्ट्स की सब कैटेगरी होती है जहां पे आप लोग अनगेटेड होते हैं। अब जिस तरह ये प्रोडक्ट है मुझे कैसे पता लगा कि गेटेड हूं मैं, यहाँ पे अप्लाई टू सेल आया हुआ है, यहाँ पे ये नहीं आया हुआ कि यार ये यहाँ पे लेट सपोज सेल दिस प्रोडक्ट नहीं आया हुआ या कोई और कंडीशन नहीं आई हुई, मैं यहाँ से जाके कंडीशन सेलेक्ट करूंगा, अप्लाई टू सेल पे क्लिक करूंगा, ये आप लोगों ने करते जाना है, अक्सर आपका अकाउंट डज नॉट क्वालिफाई पे भी आ रहा होगा, बट मैं रिक्वेस्ट अप्रूवल करूंगा। यहाँ पे दो काम होते हैं, या तो ये देखें अप्रूव्ड हो गया, आप लोगों के सामने अभी वार्नर ब्रोस, बेसिकली इसका ब्रांड था वार्नर ब्रोस का सब, अब वार्नर ब्रोस लेट्स सपोज इस पे अनगेट हो गए तो वही जैन में नहीं था, इसकी बड़ी अच्छी प्रोडक्ट्स हैं वार्नर ब्रोस की, मैं बल्कि वो टिप दे दूंगा जिस बच्चे का ये अकाउंट है कि यार ये आप वार्नर ब्रोस की भी आपका जो है अनगेट हो गया, तो इसमें दो काम होंगे, या तो आप अनगेट हो जाओगे या अनगेटेड हो जाओगे। अच्छा तीसरा एक और काम होता है, आपके पास एक सॉफ्ट अप्रूवल आ जाता है। अब सॉफ्ट अप्रूवल में मैं जरा बोलता फास्ट हूँ, आप लोग काइंडली समझ लीजिएगा, नहीं तो रिकॉर्डिंग वापस देख लीजिएगा, चीजें ज्यादा कवर करनी है टाइम कम है। अच्छा आप लोगों का लेट सपोज ये जब चीज अप्रूव हो जाती है उसमें आपके पास एक सिनेरियो ऐसा आता है सॉफ्ट अप्रूवल का। अब सॉफ्ट अप्रूवल का कोई वर्ड भी अगर आप लोगों से पूछता है तो आप लोगों ने उसे बताना है क्या सॉफ्ट अप्रूवल का सिंपल इज दैट, ये मतलब है कि ये रिजवान में फिलहाल लॉक कर दें डोर। अच्छा इसमें ऐसा चक्कर होता है आप लोगों का कि सॉफ्ट अप्रूवल, उसके अंदर कुछ ऑप्शंस होते हैं, अभी अगर ऐसी कोई प्रोडक्ट आ जाती है हमारे सामने तो मैं आप लोगों को उसी वक्त जो है वो रैंडमली बता दूंगा, उसमें तीन चार पांच ऑप्शंस है। अगर किसी के पास सॉफ्ट अप्रूवल हमें अक्सर होता है मिल जाती है प्रोडक्ट, अक्सर होता है सॉफ्ट अप्रूवल वाली प्रोडक्ट हमें नहीं मिलती, अगर अभी ऐसा कोई सिनेरियो आ गया तो मैं आपको वो पॉइंट सारे याद करवा दूंगा टोटल। और इसके अंदर जो ऑप्शन एक हमारे पास आ जाता है, जिस तरह मैं यहाँ पे सर्च कर लेता हूँ जी कोई बड़ा ब्रांड कर लेता हूँ, मिल वॉकी कर लेते हैं जी सर्च। अच्छा ये तो अनगेटेड है मिलवॉकी में, तो अकाउंट बड़ा जबरदस्त है ये वाला, यहाँ पे अगर लेट्स सपोज नेट गियर है इनकी बड़ी अच्छा ना, इनका ऑनलाइन आर्बिट्राज हो जाता है इन प्रोडक्ट्स में, नॉट अवेलेबल नॉट अवेलेबल, ये भी अप्रूव्ड है, नेट गियर भी अप्रूव्ड है, लाइक इस अकाउंट में ना ये पुराना अकाउंट है तकरीबन 7-8 साल आप कह सकते हैं इस अकाउंट को, काफी ज्यादा पुराना अकाउंट है। अच्छा इसके ऊपर अभी हम कोई और चीज सर्च कर रहे थे, या हम डिफरेंट किसी भी ब्रांड का जो है रैंडमली जाके इधर एसन लेके आते हैं, जो हमने चीजें बेसिकली ऐड करनी होती हैं, चेक करना होता है कि यार कौन सी चीज हम बेच सकते हैं या कौन सी चीज हम नहीं बेच सकते। अब ये प्रोडक्ट है इसका हम एसन कॉपी कर लेंगे। अच्छा ये डिफरेंट, अच्छा ये अभी खुली नहीं है प्रोडक्ट,
अच्छा ये अब प्रोडक्ट हमारे पास आ गई जी फॉसल्स मेंस की, और ये गेटेड है हमारे अकाउंट पे, न्यू है, अप्लाई टू सेल करते हैं, दो काम होंगे, या तो सॉफ्ट अप्रूवल मिल जाएगा या कोई और चक्कर हो जाएगा। अब ये वाला बेसिकली मैं आपको चक्कर बता रहा था, आप कहते हैं जी के प्रोडक्ट एंड इन्फॉर्मेशन सेलर डिस्ट्रीब्यूटर है। अच्छा नीचे ये ऑप्शंस आ गए डिफरेंट, इसमें आपको इनवॉइस जो है वो करनी पड़ेगी, सबमिट करानी पड़ेगी मैन्युफैक्चर पे भी और बोथ पे भी, बिल्कुल ऐसे ही होगा चक्कर। यहाँ पे डिफरेंट और भी ऑप्शन आ जाते हैं जो आपको उसी वक्त सेलेक्ट करने पड़ते हैं और सॉफ्ट अप्रूव होना पड़ता है। इस प्रोडक्ट के लिए आपको लाजमन जो है वो अप्रूवल लेटर चाहिए होगा ब्रांड से जो आप लोग सेल करना चाहते हैं, बाकी जो पीछे प्रोडक्ट्स मैंने आपको दिखाई है वो सॉफ्ट अप्रूवल है। अच्छा लेट्स सपोज जी इस वक्त हम सबसे पहले जाते हैं मेन थिंग की तरफ जो शिपमेंट प्लान है, उसके बाद में आपको सेलर सेंटर की ना मैं आप इसकी राम कथा मैं थोड़ी सी आपको ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा पहली बार हो रहा है, ऐसा हुआ नहीं कभी। ऐसा कभी हुआ नहीं है, ग्रुप में मैसेज है, आप इधर कमेंट बॉक्स में बता दें आप लोग, ब्लर है। छोड़ दें, कौन है? बातें बच्चे कह रहे हैं सेट है, कोई कह सेट है, कोई कह रहा है नहीं सेट, ऐसा होता नहीं है। तो गूगल मीट है, पेड वर्जन है इसका। अच्छा ये अप्लाई टू सेल की तरफ थे, हम रैंडमली कोई भी प्रोडक्ट निकाल रहे थे जो हमारे अकाउंट में अनगेटेड हो या कोई ऑलरेडी जो हमने प्रोडक्ट बेची भी हम वो ले लेते हैं। यहाँ से चले जाते हैं जी दोबारा सेलर सेंट्रल के ऊपर, और यहाँ से लेट्स सपोज ये प्रोडक्ट हम बेचना चाह रहे हैं दोबारा से। शिपमेंट प्लान किस तरह बनता है बेसिकली आपका, उसी तरह दोबारा ऐड प्रोडक्ट्स में आप लोग चले गए कैटलॉग के बाद, और आई थिंक सो क्लिक नहीं हुआ। अच्छा यहाँ पे आके आपने एस एन पुट कर दिया, कंडीशन आपने न्यू सेलेक्ट की, सेल दिस प्रोडक्ट कर दिया आप लोगों ने। क्वांटिटी इधर बेसिकली लोग अक्सर ऐसा करते हैं, कर रहे एफबी होते हैं, वो कहते हैं हाँ यार हमने सेलर से लड़ से वो 10 पीस खरीदे हैं, 10 पीस लिख दिए, ये बेसिकली एफबी वालों के लिए होता है। इधर आपने सिंपल आके इसकी प्राइस चेक करनी है जी, लड़ से वो इसकी प्राइस जा रही है 132, मैं यहाँ पे 132 पूरी प्राइस जो है इसकी लिख दूंगा। अगर यहाँ पे आप कंट्रीब्यूशन एसक्यू आप डालना चाहते हैं, अपना कोई एसक्यू बनाना चाहते हैं, तो आप कुछ भी कर सकते हैं। लड़ सपोज फर्स्ट प्रोडक्ट, सेकेंड प्रोडक्ट, थर्ड प्रोडक्ट, इसमें फर्स्ट लिख दिया, आगे अमेजोन अपना भी एसक्यू नंबर थोड़ा सा इसके साथ अटैच कर देगा। अच्छा करेंसी कन्वर्जन हमें नहीं चाहिए, ऑफरिंग टाइप है जी हमारी तो न्यू कंडीशन है, हालांकि हम पीछे सेलेक्ट करके आए हैं बट इधर दोबारा पूछ रहा है। अभी तक ये दोनों ऑप्शन ये वाला लाल है। इसके बाद आ जाते हैं मर्चेंट फुलफिलमेंट, अगर तो मैं मर्चेंट पे रहता हूं तो फिर मुझे इधर क्वांटिटी पुट करनी पड़ेगी, और इधर माइग्रेटेड टेम्पलेट भी अगर आप लेट्स वो बनाना चाहते हैं, नहीं तो अमेजोन विल शिप एंड प्रोवाइड कस्टमर सर्विस, चुप करके ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करें एफबीए के लिए, क्योंकि हम लोग एफबीए करते हैं, वो ऑप्शन ऑटोमेटिकली गायब हो जाएगा। अगर आप मल्टीपल मार्केट प्लेसेस में सेल करना चाहते हैं उस पर ये सेल आपकी अच्छी आ जाती है, अगर आप करना चाहते हैं उसमें, क्योंकि ऐसा है कि जब आपके पास डिफरेंट ज्यादा प्रोडक्ट्स हो ना, आपके यहाँ जी 20 25 30 प्रोडक्ट है मेरे पास, 40 प्रोडक्ट मैं लिस्ट कर रहा हूँ, तो तब आप डिफरेंट मार्केट प्लेसेस में सेलेक्ट करें, क्योंकि कनाडा में अलग पैसे कटेंगे, मेक्सिको में अलग कटेंगे, यूके में अलग है, जर्मनी में अलग है, फ्रांस में अलग है, सब जगह अलग पैसे कटेंगे। जो आपकी मंथली सब्सक्रिप्शन फी होती है वो सारी कंट्रीज की जो है वो अलग खुलेंगी। तो इधर आप अगर करना चाहते हैं वेल एंड गुड, नहीं करना चाहते नॉट नॉट अ बिग डील, ठीक है। अच्छा यहाँ पे जब आपने ये ऑप्शन, अच्छा मजे की बात है कि आप सिर्फ यूनाइटेड स्टेट्स ही में प्रोडक्ट एफ पी ए कराएंगे, आप बेशक सारी मार्केट प्लेसेज एक्टिव करते हैं, अमेजोन खुद फुलफिलमेंट प्रोवाइड करेगा उनको, यही एफ पी ए का मजा है। सेव एंड फिनिश वाला ऑप्शन है नीचे, आप सेव करेंगे, हमने सिर्फ यूनाइटेड स्टेट्स में लिस्ट करनी है लेट्स सपोज। अच्छा जी यहां पर आ जाता है दो ऑप्शन हमारे पास इसके अंदर, ये बड़ा लाजमी स्टेप है, इसमें आपने कोशिश ये करनी है कि मैन्युफैक्चर के बार कोड नहीं यूज करने किसी भी प्रोडक्ट में। अगर आप कोई बेशक मैन्युफैक्चर से ले रहे हैं, अक्सर आपकी प्रोडक्ट घूम जाती है, अमेजोन का एल्गोरिथम इतना अच्छा नहीं है मैन्युफैक्चर बारकोड पे, क्योंकि मैंने जब भी मैन्युफैक्चर बारकोड पे प्रोडक्ट भेजी है तो इन्वेंट्री घूमी है, लास्ट टाइम $8,000 की इन्वेंट्री लॉस्ट हुई है, हालांकि बस वो जिस बच्चे ने लिस्ट की उसी ने भिजवाई है, उसने ये गलती कर दी है जो वो उसने अमेजोन के बारकोड नहीं एक्सेप्ट किए, FNSQ लेबल नहीं सेलेक्ट किया, उसने मैन्युफैक्चर बारकोड किया जिसने खराब कर दिया हमें। तो हर बार आपने ये लाजमन चीज देखनी है, एक बार ऑटो पे वैसे सेव हो जाता है, प्रिंट एंड अप्लाई अमेजोन बारकोड माई सेल्फ
कंफर्म किया मैंने। उसके बाद अक्सर लोग क्या करते हैं, खाली लिस्ट एस एफ बी ए करके प्रोडक्ट शिपमेंट इन्वेंट्री में चली गई, बस उसके बाद नेक्स्ट प्रोडक्ट के ऊपर आ गए, हाँ ये हम बेच सकते हैं और हम खरीद भी सकते हैं। ऐसा हरगिज नहीं करना आपने अभी। वैसे मुझे पता है कि ये हैजमेंट नहीं है प्रोडक्ट, बट जस्ट फॉर कंफर्म करने के लिए हम लोग ये लाजमी ऑप्शन इसको जाएंगे लिस्ट एस एफ बी एंड सेंड टू अमेजोन। अब हमारे पास आ गए जी शिपमेंट प्लान। इधर आप आए, आपने देखा कि यार ये वाला ऑप्शन दे रहा है मुझे, ठीक है यहाँ से मैं लेबलिंग सेलेक्ट करूंगा, कोई एरर नहीं दे रहा, कोई ताला नहीं बना हुआ आ रहा, लाल कलर का येलो आ रहा है, वो कह रहा है प्रेप की सर्विसेज आप दें। अब ये बेसिकली इंटरफेस है शिपमेंट प्लान का। इसके इसके तक पहुंचने के लिए आपके पास दो ऑप्शन होते हैं। अच्छा सेकेंड ऑप्शन है ना इसमें इन्वेंट्री वाला, यहाँ पे ये सारी चीजें आ रही होती हैं, इसमें आपके पास मैनेज ऑल इन्वेंट्री आ रही होती है, और नीचे किसी ऑप्शन में हमारा इतना ज्यादा काम नहीं आया। फिर भी अगर आपने देखना है डैशबोर्ड पे आप जा सकते हैं, डायरेक्ट आपको पता है जो आपको मैंने अभी पहले दिखाया है, एफ बी इन्वेंट्री है, शिपमेंट्स है, अपॉर्चुनिटी शिपमेंट्स में हमारा काम होता है, डिफरेंट बात है जो हम शिपमेंट प्लान को देखते हैं। अच्छा मैनेज ऑल इन्वेंट्री में गए, अब ये प्रोडक्ट है मेरी जो मैंने लिस्ट की हुई है अभी इनकम्प्लीट आ रही है। यहां से मैं अगर शिपमेंट प्लान इस प्रोडक्ट का बनाना चाहता हूँ, मैंने लिस्ट एफ बी ए किया हुआ सिर्फ, तो यहाँ पे मैं ऑप्शन सेलेक्ट करूंगा जी अभी ये इनकम्प्लीट आ रही है लिस्टिंग, क्योंकि हम इसके पीछे हमने प्रॉपर्ली खोला हुआ है, हम किसी भी रैंडम प्रोडक्ट के ये दूसरी इसकी लिस्टिंग आ गई है। अब मैं इस प्रोडक्ट को दोबारा भेजना चाह रहा हूँ, एक बार मैं बेच चुका हूँ और दोबारा भेजना चाह रहा हूँ, तो सेंड रिप्लेनिश इन्वेंट्री वाला आपके पास एक ऑप्शन आ जाता है। ये भी आपको सेलर सेंटर पे उधर ले आता है, शिपमेंट प्लान के ऊपर ले आता है, बिल्कुल सेम एज इट इज आपके पास आएगा। ये सारी चीजें आ रही हैं, ठीक है। अच्छा इसको फिलहाल हम जो है क्लोज कर देते हैं, हम वहां से ही कंटिन्यू करते हैं जहां से हमने छोड़ा था। प्रेप एंड लेबलिंग डिटेल्स नीडेड, यहाँ से आपने इसको क्लिक किया, ये अभी थोड़ा आई थिंक सो आजकल इस पे ग्लिच भी आया हुआ, मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ जरा। अच्छा प्रेप एंड सर्विसेज नीडेड पे इधर हम करेंगे रीस्टार्ट, प्रेप कैटेगरी सिलेक्शन प्रोसेस है, इधर से हम आ जाएंगे कहेंगे जी नो प्रेप नीडेड। वो कहता है जी प्रेप वगैरह कोई आपकी प्रोडक्ट को नीडेड है, हम लोग कहते हैं जी कोई प्रेप हमारे प्रोडक्ट को नहीं नीडेड। इधर से हमने सेव किया, अब वो कह रहा है जी हु प्रेप्स दी यूनिट्स, ठीक है लेबल कौन करेगा उसके ऊपर, एफ एन एस की कौन लगाएगा, हम कहते हैं जी हम लगाएंगे, ठीक है अगर अमेजोन से लगवाने हैं अमेजोन से भी लगवा सकते हैं, मगर हमने नहीं लगवाने हम लोग खुद लगवाएंगे, बेशक 55 सेंट्स ले रहा नॉट अ बिग डील, आप लोग खुद लगवाएं खुद भेजें, प्रोडक्ट कन्फर्म होती है कि यार ये मेरी प्रोडक्ट एक्टिव होगी। भाई सेलर सेलेक्ट किया, यहाँ से आके हम लोगों ने सेव कर दिया, सेव करने के बाद बिल्कुल सब चीजें ओके होगी। अब पैकिंग डिटेल्स है, द क्रिएट न्यू पैकिंग टेम्पलेट इंडिविजुअल यूनिट्स, वो ज्यादा बेस्ट रहती है इंडिविजुअल यूनिट के लिए, आपका अगर आप पैकिंग डिटेल्स बताना चाहते हैं वो लंबा खाता चला जाता है, उसकी जरूरत ही नहीं है। यूनिट्स पे आप आ जाइए जी, लेट्स सपोज मैं इसके भेज रहा हूँ 10 यूनिट्स, मैंने रेडी टू पैक किया। अच्छा यहाँ से हमारे पास प्रिंट ऑल एसक्यू लेबल्स होते हैं, अब इसको मैं क्लिक करूंगा और ये इधर स्टैंडर्ड फॉर्मेट के अंदर ही सारे आपसे मांगते हैं, थर्मल प्रिंटिंग में कोई मांगे वो सिलेक्ट कर लें, बट ज्यादातर यही मांगते हैं। यहाँ पे इनके साइजेस आ जाते हैं डिफरेंट, ज्यादातर लोग ये यूज करते हैं क्योंकि ये पेपर ज्यादा आसानी से मिल जाता है। आप कहते हैं जी प्रिंट ऑल आपने कर दी, अब ये बेसिकली 10 यहाँ पे प्रिंट हुए हैं, अगर आप एक भी प्रिंट करके भेजेंगे ये सेम रहेगा, ता हयात सेम रहेगा, क्यों, क्योंकि आपने जाके जो शुरू में जब प्रोडक्ट लिस्ट करते हुए आपने एक एफ एन एस की यू इसका दिया था फर्स्ट प्रोडक्ट के नाम से, तो उसके हिसाब से ये प्रिंट हो रहा होता है सारी चीजें। ये लेबल्स आए हुए हैं, ये तकरीबन सारे सेम होते हैं, पेंटेयर है ये प्रॉपर एक एक चीज इनकी मैच कर रही होगी। ये आप समझे कि आपने एक की 10 प्रिंट ले लिए, एक भी बेसिक प्रिंट करके उसे भेज दे, दो भी भेज सकते हैं, तीन भी भेज सकते हैं, नॉट अ बिग डील, बट जिस तरह आपकी मर्जी है, मैं एक आपकी वो चीज आपको बता रहा हूँ सारी जो है। ये हमारा एसक्यू नंबर आ गया, पैक इंडिविजुअल यूनिट्स कर देंगे, या आपने बेसिकली अपने 3PL सर्विस प्रोवाइडर को भेजने होते हैं एसक्यू जो भी हमने प्रिंट किए हैं, ये आपको भेजने पड़ते हैं उसे। फिर आप उसे कहते हैं कि यार डब्बा एक लगेगा, दो लगेंगे, 10 लगेंगे, वो कहता है जी एक डब्बा लगेगा टोटल, उस पानी पड़ा हुआ मुझे दीजिएगा, एक डब्बा पड़ा हुआ है टोटल, और एक डब्बे में है ताजा, टेम्परेचर कैसा है इसका, चल जाएगा, अच्छा इसके अंदर दो ऑप्शन आ जाते हैं आपके पास, दो सिनेरियो हैं। वो कहता है जी एवरीथिंग विल फिट इनटू वन बॉक्स, आपने वो ऑप्शन सेलेक्ट कर लिया, कंफर्म करेंगे, वो आपसे डायमेंशन पूछेगा। अक्सर मल्टीपल बॉक्सेस में बच्चों को इशू आ जाता है, वो कहते हैं जी मल्टीपल बॉक्स किस तरह होंगे, सिंपल सिनेरियो है, मल्टीपल बॉक्स वाला ऑप्शन आपने सेलेक्ट किया, आपने इधर बता दिया जी लेट्स सपोज दो डब्बे हैं मेरे पास। अच्छा वेब फॉर्म सबसे बेस्ट है, एक्सेल शीट सीट को गोली मारे, अमेज़न मैनुअल प्रोसेस, 2D बार कोड छोड़े उसको, वेब फॉर्म बहुत जबरदस्त है, इन्होंने नया जो वर्जन दिया है, पहले हमें एक्सेल शीट एक वक्त में वो करनी पड़ती थी, यही इंटरफेस एक्सेल शीट में होता था।
इधर वो बता देता है जी ये बॉक्स वन में कितने यूनिट हैं, बॉक्स टू में कितने यूनिट हैं, और 0 out of 10 है जी, अच्छा बॉक्स के कितना वेट है, वन का कितना वेट है, टू का कितना वेट है, फिर इनकी डायमेंशन आ गई। इधर आपने डायमेंशन लिखी हो, ये डायमेंशन अगर बॉक्स वन की है तो बॉक्स वन सेलेक्ट कर लिया, अगर बॉक्स टू की है तो आपने बॉक्स टू सेलेक्ट कर दिया। अगर मजीद और डायमेंशन ऐड करना चाहते हैं, दूसरा डिब्बे की अलग डायमेंशन है, अलग वेट है, तो आप वो यूनिट्स अलग है उसके, तो आप वो उसकी डायमेंशन को साइन करके उसके सामने टिक कर सकते हैं कि मेरी लेट्स सपोज ये वाला डब्बे का ये सारा सिस्टम है। अच्छा इस पे हम दोबारा जाएंगे जी, एवरीथिंग विल फिट इनटू वन बॉक्स कंफर्म करके। इधर मैं इसकी रैंडम से लिख देता हूँ 10, 10 और 6, यहाँ पे 6 LVs का मैंने वेट कर दिया। वो भी वार्निंग दे रहा है, कहता है आप ये झूठ बोल रहे हैं, ऐसा हो ही नहीं सकता। मैंने कहा चलें फिलहाल बच्चों को काम सिखा रहा हूँ, ऐसा हो सकता है, चेक कर लेते हैं जी, कंफर्म इसको कर देते हैं। और डायमेंशन लिखने के बाद ये इसका वैसे आपने ख्याल रखना होता कुछ नहीं है, फिर भी आपने कोशिश करनी है वार्निंग्स ना आए, आ भी जाती है, नॉट अ बिग डील, इतना कोई इशू नहीं है बड़ा। वो बस आपको एक दो अल्टीमेटम भेजते रहते हैं साथ साथ, ये ऐसे इंप्रूव करें, ऐसे करें, वैसे करें, यही होता है सारा। अच्छा जी यहाँ पर आ जाता है जी कि आपने किस डेट को शिप करनी है। आप बिशप 5 की तारीख डाल दें, 6 की डाल दें, 7 की डाल दें, अगर आप 10 की भी डालेंगे और आज जो शिप कर देगा प्रोडक्ट शिप हो जाएगी, डेट से कोई लेना देना नहीं, जो मर्जी डाल लें आप डेट, उसका नॉट अ बिग डील, क्योंकि उनके जाके ड्रॉप करना पड़ता है 3PL वाला को, तो 3PL खुद ही बुला लेता है उन्होंने, आपकी इन्वेंट्री एक ही दिन में सारी निकाल देता है या जाके दे आता है उनको। अच्छा लेट्स वो जी, मैं सैटरडे की जो है डेट सेलेक्ट करता हूँ, और इधर आपको दूसरे भी शिपिंग कैरियर्स का वो बता देता है कि यार ये वाला शिपिंग कैरियर कर लो चूज, दूसरा कर लो, तीसरा कर लो, चौथा कर लो, तो आपको डिफरेंट शिपिंग कैरियर कैरियर्स जो है वो देता रहता है। अच्छा अभी तो आपने कोशिश करनी है कि अमेजोन पार्टनर कैरियर यूज करना है, 6.90 डॉलर की वो प्रोडक्ट दे रहा है, आपने यही करना है। दूसरे करोगे तो उसमें फिर ट्रैकिंग नंबर शंबर आके डालना पड़ेगा, अक्सर नहीं होता, अक्सर अमेजोन वहां से आपको शिपिंग ही नहीं दे रहा होता, 3PL वाला जहाँ बैठा होता है, फिर आप क्या करते हैं, आप DHL, FedEx या FedEx ग्राउंड वगैरह उससे सर्विस लेके आके, ये काफी सस्ता है एज कम्पेयर टू FedEx, DHL एक्सेट्रा। अच्छा जी यहाँ पे हमने ये चीजें सेलेक्ट कर ली, सब चीजें हमारे सामने आ गई। अब अगर मैं एक्सेप्ट चार्जेस एंड कंफर्म शिपिंग करूंगा तो 6 डॉलर कट जाएंगे, अभी हम प्रोडक्ट भेज नहीं रहे। इसको एक्सेप्ट करने के बाद हमारे पास प्रिंट बॉक्स लेबल्स वाला ऑप्शन आता है, जिसमें हमें बॉक्स लेबल्स जो हैं वो प्रिंट करने पड़ते हैं थर्मल पेपर में, वो हम प्रिंट करते हैं और हम फाइनल स्टेप की तरफ आ जाते हैं, ट्रैकिंग डिटेल्स के ऊपर आ जाते हैं। ये हुआ आपका तोड़ पूरा शिपमेंट प्लान, हम लोगों ने कवर किया। अभी इसमें मैं आपको अब मजीद और डिफरेंट चीजें सेलर सेंट्रल के अंदर बताऊंगा। इन्वेंट्री देखनी हो, इन्वेंट्री पे आप गए, मैनेज ऑल इन्वेंट्री पे आप चले गए, ये वाला इंटरफेस हमारे सामने आ गया, वो इनएक्टिव भी खत्म हो गया यहाँ से। अच्छा इसके ऊपर डिफरेंट प्रोडक्ट्स आपके पास आ रही है, यहाँ से आप प्राइस सेट कर सकते हैं प्रोडक्ट की बैठ के, और यहाँ पे अगर माउस रखते हैं तो अक्सर जो है वो कीपा वाला चार्ट, मेरा ख्याल अभी पीछे मेरा लॉग इन नहीं है या नहीं आ रहा, वैसे इधर कीपा का चार्ट भी आपका आ जाता है रख के इसकी फिलहाल क्या प्राइस चल रही है, इधर से आप प्रोडक्ट खोल सकते हैं। ये SKUs है जी, सारे नंबर्स आए हुए हैं SKUs के, जितने SKUs के ऊपर लिस्ट हुए हैं डिफरेंट उनके नंबर्स आए हुए हैं। ऊपर आपका स्टेटस ऑल क्या, मैं सिर्फ एक्टिव पे क्लिक कर देता हूँ कि कौन से एक्टिव में, फिलहाल कोई एक्टिव नहीं, आई थिंक आउट ऑफ स्टॉक हुआ है या अभी तक इन्वेंट्री क्लियर नहीं हुई है, इसको चेक करना पड़ेगा। अच्छा लेट्स सपोज जी मैं बाय बॉक्स की परसेंटेज देखना चाह रहा हूँ। अक्सर आपसे पूछा जाता है जी, आप कहते हैं जी सेल नहीं आ रही हमारी प्रोडक्ट पे, क्यों नहीं आ रही जी सेल, पता नहीं क्या चक्कर है, सेल नहीं आ रही, बाय बॉक्स मिल रहा है, हाँ ये भी नहीं पता क्योंकि कीपा पे बाय बॉक्स का ऑप्शन नहीं आ रहा। सर अब्दुल्ला ने या सर मोद ने तो यही सिखाया था कि कीपा से हम लोग बाय बॉक्स स्टैट्स देखती है, मगर हमें नहीं मिल रहा अभी तक कीपा से। उसका सिंपल तरीका है, एक प्रोडक्ट का स्पेसिफिक प्रोडक्ट का बाय बॉक्स देखना है, उसके आपने SKU पे क्लिक करना है, आपको उसका तमाम इन्फॉर्मेशन उस प्रोडक्ट की आ जाएगी, आपके पास सेल्स आ जाएंगी, जितने यूनिट आपने इसके बेचे हैं ठीक है, टोटल सेल्स रैंक आ जाएगा आपके साथ। इधर मुख्तलिफ चीजें आप लोगों को ये बता देते हैं, पेशियल लॉन एंड गार्डन की कैटेगरी है, सेल्स रैंक ये है, यूनिट इतने ऑर्डर हैं, लास्ट 30 डेज में 28 ऑर्डर्स हुए हुए हैं, लास्ट 90 डेज में 38 यूनिट इसके बिके हुए हैं, और ये इसकी प्राइसेस जो है एवरेज सेलिंग प्राइस आपकी डिफरेंट रही है। अच्छा ये इंटरफेस इन्होंने काफी चेंज किया हुआ है, सेल्स इतनी आ गई और रेफरल फी, FBF फी आ गई सारी आप लोगों के पास, यूनिट सोल्ड, इसमें दो तरह की फीसेज होती हैं आपके पास, ये रेफरल फी टोटल बता रहा है कि 1100 डॉलर की टोटल सेल हुई हुई आपकी, और टोटल का बता रहा है पर यूनिट पे चले जाएंगे 41 डॉलर जिसकी टोटल अमेजोन के चार्जेस बन रहे हैं, $21 रेफरल फी है ऑर्डर के बाद गिरती है, FBA फुलफिलमेंट भी $15 है इसकी, और प्रोडक्ट बड़ी है क्योंकि, और $3 इसके जो इन बाउंड ट्रांसपोर्टेशन है जो आप शिपमेंट प्लान के वक्त कटवाते हैं, रिफंड एडमिनिस्ट्रेशन फी जो है वो सेंड्स जो टोटल अमेजोन ने काटे हैं आपके रिफंड जो लगे हैं जहाँ से आपको ये असल पैसा अमेजोन बनाता है वो वाला चक्कर होता है। अब यहाँ पर ऑप्शन पहले लिखा होता था बाय बॉक्स, आजकल लिखा हुआ फ्यूचर्ड ऑफर परसेंट लास्ट 30 डेज, ये आपकी बाय बॉक्स परसेंटेज आ रही है विनिंग की 100% में से,
ठीक है, अगर 100% से इतनी आ रही है तो वेल है, बहुत अच्छी है। इसलिए अच्छी है कि हम आउट ऑफ स्टॉक भी हो गए, हमने प्रोडक्ट भी सारी सेल कर दी लिमिटेड स्टॉक से। हालांकि रिकमेंड अमेजोन कर रहा है 111, मगर हम लोगों ने क्या किया कि हम लोग उससे पहले ही आए, लिमिटेड प्रोडक्ट्स लेके आए, बेची और हम लिस्टिंग में से आउट हो गए। तो ओवरऑल 12% ही आउट ऑफ स्टॉक होकर बैठे हैं। ये नीचे और डिफरेंट चीजें आ रही है, इसको आप बाद में पढ़ सकते हैं। रीस्टॉक ये देखें, मैंने अभी आपको बताया 111 यूनिट अमेजोन रिकमेंड कर रहा है। तो अभी फिलहाल ये कि इस प्रोडक्ट का ओवरऑल बाय बॉक्स जो था वो बहुत जबरदस्त है। मैंने आपको बाय बॉक्स परसेंटेज देखने का तरीका बता दिया। अच्छा जी, अब इसमें हमारे पास एक ऑल इन्वेंट्री का ऑप्शन है जिसमें हम ऑलरेडी आए हुए हैं। सर्च सप्रेस लिस्टिंग एंड इनएक्टिव लिस्टिंग। सप्रेस लिस्टिंग इनएक्टिव लिस्टिंग है मतलब होता है जो आउट ऑफ स्टॉक ही नहीं है, और कुछ सप्रेस तो ये होती है उनको आपको खुद ठीक करना पड़ता है। सारा जी स्टॉक का ऑप्शन आ रहा है आप लोगों के सामने। अच्छा जी, इधर हमारे पास आ जाते हैं जी लिस्टिंग क्वालिटी डैशबोर्ड को। आपको क्वालिटीज बता देंगे आपकी लिस्टिंग, अगर आप तो ओए कर रहे हैं, आप तो होलसेल कर रहे हैं, आप तो कुछ और कर रहे हैं, तो आपका इससे जरूरत नहीं है, बट आपसे ये रिकमेंडेशंस मांग रहे होते हैं जी कि ये कौन सी टेलीस्कोप की टाइप है, आप ये बता दें हमें ताकि हम थोड़ी सी इंप्रूवमेंट लिस्टिंग के अंदर कर दें। ये भी मांग रहे हैं तीन इंप्रूवमेंट्स आप दे सकते हैं अगर ये आपको एक्टिव है। ये मैं देख रहा हूँ ये इनएक्टिव हुई है लिस्टिंग, में बच्चे को बता दूंगा कि ये यहाँ से आप जाके चीजें सेलेक्ट करें, इनशाला एक्टिव हो जाएगी लिस्टिंग आपकी, जो इनएक्टिव वाला ऑप्शन आया हुआ है। अच्छा जी, इसके ऊपर पोटेंशियल डुप्लीकेट मैनेज प्राइसिंग भी छोड़ दें, प्राइसिंग भी आज से मैनेज कर लेते हैं। एफबीए का डैशबोर्ड भी आपके सामने, इन्वेंटरी का भी है, रिमूव अनफुलफिलेबल इन्वेंटरी है। अच्छा, इसमें ये वो वाली इन्वेंटरी होती है जो आपका रिफंड लग गया तो और आप दोबारा सेल नहीं कर सकते, ये आपसे आप खोल सकते हैं, और ये क्रिएट रिमूवल ऑर्डर आपको बनाना पड़ेगा। अभी जो अवेलेबल है टोटल एक यूनिट अवेलेबल है इसका और एक यूनिट इसका, इसके अंदर तो तीन ऑप्शन होते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। अच्छा जी, तीन ऑप्शन है आपके पास। एक क्या है लिक्विडेशन, कि आप कौन सा रिमूवल ऑर्डर बनाना चाहते हैं। अब लिक्विडेट में ऐसा होता है लोग पागल हैं, लोग डिस्ट्रॉय कर देते हैं या रिटर्न टू एड्रेस मंगवा लेते हैं, फायदा कोई नहीं है उस चीज का। वो आपसे ये टोटल ना रिटेल प्राइस के 15% नीचे पैसे आपको दे के प्रोडक्ट खरीद लेते हैं, लिक्विडेट जब करते हैं। लेट्स सपोज ये प्रोडक्ट है, बात करूं कि ये टोटा की प्रोडक्ट है, ये $100 की है, एमेजोन पर लगी हुई है $100 की। अब Amazon आपकी प्रोडक्ट जो है वो अगर लिक्विडेट करेगा तो 15% रिटेल प्राइस से ऑफ करेगा। उस पे क्या होगा कि लेट्स सपोज $100 है, 15% कटा तो टोटल आ गया आपका लेट्स सपोज 85 $85 आपको Amazon इस प्रोडक्ट का पे करेगा और ले लेगा। लिक्विडेशन आ जाती है आपके पास, रिटर्न टू एड्रेस है, घर मंगवाना चाहते हो उसके भी चार्जेस Amazon लेता है। डोनेट रिसाइकल अगर करना चाह रहे हो किसी को तो वो Amazon अपने चक्कर से खुद ही कर देता है। डोनेट रिसाइकल की जगह पहले डिस्ट्रॉयगा आ रहा था जो वर्ड है, बट अभी डोनेट रिसाइकल का आ रहा है, वेल एंड गुड है। रिमूवल आईडी बनाए ना बनाए, ऑप्शनल होती है, नॉट अ बिग डील। यहाँ पर अभी आपका वन नॉट अवेलेबल फॉर रिमूवल अभी इन प्रोसेस होगा, कस्टमर से लेके आ रहे होंगे या उधर रखा होगा या आगे भी छुआ होगा, इसका भी एक स्पेसिफिक टाइम होता है रिमूवल का। यहाँ पे आके क्वांटिटी आप लिख सकते हैं, क्वांटिटी अनफुलेबल, क्वांटिटी फॉर फुलफिलेबल, अगर क्वांटिटी आप रिमूव करना चाह रहे हैं, और अनफुलफिलेबल हमें तो अनफुलफिलेबल ही करनी है, वो करके रिव्यू करके ठक काम बंद। रिटर्न टू एड्रेस करेंगे तो 3 महीने लग जाएंगे जो आपका आएगा, और ये कि विल हु विल पे 500 एवरेज सेलिंग प्राइस। ये देखें यहाँ पे मैंने आपको वैसे लमसम 15 बता दिया था, तो वो कह रहे थी परचेज हु विल परचेज इट फॉर 5% 10% ऑफ इट्स एवरेज सेलिंग प्राइस। तो वो कह रहा है कि यू शुड रिसीव पेमेंट 60 से 90 दिनों में आपको प्रोडक्ट वापस आ जाएगी। मेरे पास कुछ इनकी सेलिंग प्राइस जो थी, लेट्स सपोज मैंने वो ओए पे खरीदी हुई थी प्रोडक्ट्स, और उनको मैंने जब चेक किया तो मुझे तो बिल्कुल वो पंजाबी में कहते हैं पो के पाप पड़ रही थी मुझे प्रोडक्ट्स। अब जब मैंने वो सेलिंग के लिए आगे लिस्ट की, उसमें कोई इशू आया, कोई आईपी कंप्लेंट वगैरह हमें आ गई, वो प्रोडक्ट जो है इनएक्टिव हो गई। अब उसकी एवरेज सेलिंग प्राइस पे भी मुझे बहुत बचत थी, मैंने उसकी एवरेज सेलिंग प्राइस देखी 90 डेज की, 30 डेज की, 60 डेज की, फिर ओवरऑल देखी प्राइस ठीक थी, उस पर मुझे अच्छी खासी बचत हो रही थी। मैंने कहा कोई चक्कर नहीं, 60 से 90 दिनों में पैसा वापस आ जाएगा, 100 यूनिट जाएगा, नॉट अ बिग डील, लॉस तो कुछ नहीं हुआ ना मुझे। लेट सपोज प्रोडक्ट पड़ी थी $20 की, वो आगे बिक रही थी $150 की, मुझे तो बचत ही बचत थी। मैं कहा बेशक 30% भी नीचे देते हैं अमेजोन, अमेजोन मुझे पैसे देता है, मैं पैसे पूरे कर दूंगा, और आपको पैसे आ जाते हैं। ज्यादातर कोशिश ये होती है कि 60 दिनों के अंदर आपको दे देते हैं, फिर भी 90 दिनों का एक्सपेक्टेड टाइम इन लोगों ने दिया होता है, और आप चेक कर सकते हैं कि यार मैंने फलानी इन्वेंट्री लिक्विडेट की थी, अभी तक पैसे नहीं पहुंचे मेरे पास। अच्छा, वो आपको मैंने सारा सिनेरियो समझा दिया। दोबारा हम मेन पेज पर आते हैं, और मेन पेज पर आने के बाद अब बारी आती है जी कि हमारी इन्वेंट्री अमेजोन ने घुमा दी है, और अमेजोन से कॉन्टेक्ट करना है और केस खोलना है अमेजोन के साथ। सिंपल तरीका है, हेल्प पे आप गए, हेल्प पे जाने के बाद अब इधर आपको दो तीन चीजें ये बता देता है, एक तो ये इसको इग्नोर कर दें।
यहाँ पे कहता है जी कि नीड मोर हेल्प, गेट सपोर्ट और केस लॉक। अगर आप पुराना कोई केस देखना है तो केस लॉक को ओपन कर लें, गेट सपोर्ट करनी है तो गेट सपोर्ट पे आप लोग क्लिक कर लें। सेलिंग ऑन अमेजोन है, इधर आपने अपना सारा मसला जो है प्रोवाइड करना है। और नीचे से अक्सर ये कहेगा जी कि आपका, लेट सपोज मैं कहता हूँ माई प्रोडक्ट्स आर लॉस्ट, ठीक है। अब मैंने तो कॉल पे बात करनी है, मैं इस कोई ऑप्शन में से सिलेक्ट नहीं करूंगा अगर मैंने कॉल पे बात करनी है, क्योंकि आपको क्या करना, आप कहेंगे जी FBA क्लोज स्टेटस है तो वो आपको कहेगा जी SQ डालो, वो अपने पास ही ये मसले आपके हल करता रहेगा जी ऐसे होगा वैसे होगा, हालांकि आपका मसला कभी भी हल नहीं होगा क्योंकि ये कंप्यूटर है, कंप्यूटर इंटीग्रेटेड थिंग्स आपको दिखाएगा जो उनके पीछे क्लाउड में जो डाटा होता है स्टोरेज होती है उधर पड़ा होगा, या आपको बस खबार ही करता है। आपने यहाँ से कोई ऑप्शन सिलेक्ट नहीं करना, मेरा ख्याल अब ये ऑटो पे हो गया सिलेक्ट, ठीक है। इसको हम दोबारा से रिफ्रेश कर लेंगे और यहाँ पे कहते हैं जी माई, या कुछ भी लिख देते हैं, ठीक है। कंटिन्यू कर दिया, माई इशू इज नॉट लिस्टेड, ठीक है जी। अकाउंट रिलेटेड इशू है या FBA रिलेटेड इशू है या प्रोडक्ट लिस्टिंग रिलेटेड, तो मैं कहता हूँ जी ये, वो कह रहा है आइडेंटिफाई, मैं कहता हूँ जी भाई आइडेंटिफायर ही नहीं है मेरे पास, तो मैं लंबे लंचे में नहीं पढ़ना चाहता। अब इधर मेरे पास ये दो ऑप्शन आ जाते हैं कि या तो कॉन्टैक्ट मेथड ईमेल का कर दें, ईमेल पे आपको प्रॉपर रिप्लाई लिख के अमेजोन भेज देगा, या अगर आप इंग्लिश में फ्लुएंट आप बात करना चाहते हैं आप फोन कॉल पे अभी ले लें, अभी नंबर लिखूंगा, अभी विद इन 3 to 4 seconds के बाद मुझे अमेजोन की कॉल आ जाएगी, कंप्यूटर बोलेगा एक OTP कोड बोलेगा वो मैं लिखूंगा, दो टोटल वो 30 seconds भी की भी कॉल नहीं होती, वो आपको एक बार कोड बोलता है टोटल, हे योर वेरिफिकेशन कोड इज 2314, इतना बोलेगा। अगर आपने लिख लिया 3-4 सेकंड के अंदर अंदर तो ठीक है, नहीं तो कॉल ड्रॉप हो जाती है, उसी वक्त वो कट कर देते हैं कॉल, क्योंकि उनको रश इतना होता है, वो शुक्र कर रहे होते हैं जितना कम टाइम दें ताकि कॉल ड्रॉप हो जाए, हमारे साथ सेलर जो है पहुंच ही ना सके हमारे पास। या आपने केस ओपन कर लिया, एक ऑप्शन आपको उधर बताया था जी मैंने जो के लॉन्च केस लॉक का था, गेट सपोर्ट वाला था, वो अभी मैंने आपको बता दिया, लॉन्च केस लॉक ये खुला हुआ है हमारा। इसमें कह रहे हैं जी कि ये डिफरेंट आपने केस अगर देखने हैं, एक्शन रिक्वायर्ड अपडेट एफ इन्वेंटरी FBA अदर अकाउंट इशू वेबसाइट सप्रेस्ड एसेंस क्वेश्चन रिगार्डिंग माय अकाउंट हेल्थ, ये डिफरेंट केसेस यहाँ पे खुले हुए हैं, आप कोई भी केस खोल सकते हैं। अच्छा जी, अभी मैं कहता हूँ कि मैंने एक शिपमेंट प्लान बनाया हुआ था और मेरे से या तो वो शिपमेंट प्लान गलत हो गया, या मैं उस शिपमेंट प्लान को डिलीट करना चाह रहा हूँ, या मैं उस शिपमेंट प्लान तक पहुंचना चाह रहा हूँ कि ख्वाह मेरी इन्वेंट्री अमेजोन तक पहुंची है या नहीं पहुंची, उसका क्या क्राइटेरिया होगा, उसका क्या सिस्टम होगा। इन्वेंट्री में जाएंगे, इन्वेंट्री में जाने के बाद शिपमेंट्स में चले जाएंगे आप लोग। अल्लाह अकबर, अच्छा जी शिपमेंट्स, शिपमेंट में चले गए, अब ये सारी क्लोज हो चुकी, मैं दो शिपमेंट खोल लेता हूँ, शुक्र है इन ट्रांजिट हमें एक आधी मिल गई है, ये खोल लीजिए ट्रैक शिपमेंट और ये क्लोज वाली ट्रैक शिपमेंट, क्लोज का मतलब है कि तोड़ पहुंच चुकी है प्रोडक्ट। अब ये मैंने खोल ली जी लिस्टिंग, इसमें मेरी लिस्टिंग जो है अभी तक जो प्रोडक्ट है वो शिपमेंट क्रिएटेड है, इन ट्रांजिट है, डिफरेंट लोकेशंस पे अमेजोन या तो ड्रॉप करता हुआ आ रहा है या अभी तक गाड़ी फंसी हुई है या कुछ और चक्कर हो रहा है, अभी तक आपकी शिपमेंट रस्ते में है। अक्सर आपको ऑर्डर्स भी लग जाते हैं रस्ते में ना, तो वो इन ट्रांजिट होती है बट ऑर्डर्स आपको लग जाते हैं, आप प्राइसिंग सेट करते हैं और जब इन ट्रांजिट आ जाती है तो ऑर्डर्स लगना शुरू हो जाते हैं, अमेजोन उनको पहले सेलर को परचेजर को बता देता है कि 20 दिन या 10 दिन या 8 दिन आपके टोटल शिपमेंट अराइव होगी आपकी, अगर आप लेना चाहते हैं ठीक है, नहीं तो क्विक शिपमेंट प्रोवाइड करना चाहते हैं लेना चाहते हैं तो आप फिर क्विक शिपमेंट अलग कर लें, वो फिर किसी और सेलर को ऑर्डर मिल जाता है। अच्छा डिलीवर्ड चेक एंड रिसीविंग, यहाँ से आपको ये चीजें पता लग जाती है। अब मैं कहता हूँ जी कि ये प्रोडक्ट कौन सी है मेरी, ये जो मैंने लिस्ट की हुई है ये प्रोडक्ट कौन सी है मुझे तो पता ही नहीं लग रहा, ये ऊपर डिफरेंट इन्फॉर्मेशन आप लोगों के पास आ रही होती है, शिप टू इधर ये वो लटरम बटरम। अच्छा यहाँ पे मैं चला जाता हूँ जी ट्रैक शिपमेंट पे और थोड़ा रिसर्च होगा, ये इसका FBA का आ गया और ये ट्रैकिंग आ रही होती है UPS की, आप इसको UPS से डबल कंफर्म भी कर सकते हैं चेक करके कि मेरी प्रोडक्ट कहाँ तक पहुंची है, UPS आपको बता देगा। इधर आप कंटेंट्स में जब आते हैं तो आपको पता लग जाता है कि मैं कौन सी प्रोडक्ट जो है सेल कर रहा हूँ या किसका ये लेट सपोज शिपमेंट प्लान है, तो इस पैकेज में 3 यूनिट थे नेटकेयर के और एक था JLHT मोनोकुलर पता नहीं टेलीस्कोप जो थे वो भी था, 3 ये थे 2 ये थे टोटल जो है, और बाकी इसमें अगर कोई प्रॉब्लम्स आई हुई है शिपमेंट में रिम्बर्समेंट होती है, अक्सर अमेजोन इन्वेंट्री घुमा देता है, यहाँ से आपको रिम्बर्समेंट अप्लाई करनी पड़ती है। कंटेंट्स वगैरह भी आपने देख ली जो मैंने अभी आपको दिखाए थे, ये वही है जो प्रॉपरली इधर से ऑप्शन आके सेलेक्ट करते हैं, ठीक है। अच्छा सेकेंडली ये आपने क्रॉस किया और इधर हम आ जाते हैं दोबारा, ये शिपमेंट कंप्लीट हुई हुई है हमारी और मैं कुछ चीजें देख लेती हूँ जो आप लोगों को बता दूं। अच्छा अब लेट्स सपोज आप अकाउंट का इन्फो देखना चाह रहे हैं, बल्कि हम पहले आते हैं अकाउंट हेल्थ के ऊपर, अकाउंट
अकाउंट हेल्थ के ऊपर हम आते हैं जी, इन्वेंट्री है, प्राइसिंग है, प्राइसिंग हेल्थ, मैनेज अकाउंट प्राइसिंग कोई बात नहीं, ऑर्डर्स है, मैनेज ऑर्डर्स आप खोल सकते हैं। अच्छा, अक्सर ऐसा होता है कि आपको पता होता है कि मैं दो नंबर प्रोडक्ट बेच रहा हूँ, मेरी प्रोडक्ट दो नंबर है, मैं प्रोडक्ट लेट सपोज बेच रहा हूँ और मेरी प्रोडक्ट जो है कुछ ना कुछ इशू निकल आया, बट FBA करा चुका हूँ, अब अल्लाह मालिक है, या मुकद्दर या नसीब। आप मैनेज ऑर्डर्स पे चले जाएं, वो भी आपको तरीका बता दूंगा होता क्या। बेसिकली आपने इधर के आपको पता लगा भाईजान कि ये प्रोडक्ट जो है बिकी हुई है मेरी, और एक आपको ईमेल आएगी अमेजोन की तरफ से ओरिजिनल पे कि जो आपका ऑर्डर का रिफंड लगा हुआ है, वो आपको एक ईमेल आएगी, और उस ईमेल का जो है जवाब आप लोगों को देना किस तरह है वो मैं आपको बता देता हूँ। अच्छा, इसमें भी दो तीन चीजें मैं आपको ना अभी क्लियर कर देता हूँ, साथ ही मेरे जहन में आ गई है। अच्छा जी, लेट सपोज इस ऑर्डर आईडी का मुझे रिफंड लगा हुआ है और मुझे ईमेल आई है कि इस ऑर्डर आईडी का जो आपका लगा था आपको रिफंड आ चुका है। आपको पता है प्रोडक्ट में लंच है भाईजन, मैं सेलर को कॉन्टेक्ट करूंगा, परचेजर को। आपने यहाँ पे पेस्ट किया आगे, आपने ढूंढा, आपको पता लग गया जी, लेट सपोज ये भी पेमेंट कंप्लीट हुई है, ऑर्डर लगा हुआ है, लेट सपोज ये प्रोडक्ट जो है अनगेट हो गई है, सॉरी रिफंड लग गया इस प्रोडक्ट का। मैं सिंपल यहाँ से आके मैंने चीजें देखी इसकी, ये ऊपर इसके सेलर का नाम आ रहा है परचेजर का, लिलियाना, क्लिक करूंगा लिलियाना को कॉन्टेक्ट करने के लिए, खरीदियत पूछने के लिए क्या हुआ है, प्रोडक्ट में कोई इश्यू था, आपने रिफंड किया, इधर ऑप्शन नहीं आ रहा, इधर अदर का ऑप्शन आ रहा होता है जहां से आप उसको मैसेज कर सकते हैं किसी भी सेलर को। हम कोई और रैंडम ले लेते हैं, तीसरे दिन का खोल। अच्छा, ये एक रिफंड भी आया हुआ जी, जबरदस्त हो गया जी। ये सेलर का, बायर का नेम आ रहा होता है मैरी, नीचे यहाँ पे भी आ रहा होता है, यहाँ से भी आप चेक कर सकते हैं, अदर का ऑप्शन इधर भी नहीं आ रहा। ऑफर ऑफ फूड ग्रोसरी रिफंड और रिप्लेसमेंट आइटम, ये वाला ऑप्शन भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। इधर भी आप मैसेज जो है ये लिख सकते हैं, अमेजोन ऑटो पे लिख दिए, अगर आप लिखना चाहते हैं आप खुद भी लिख सकते हैं, अदर पे भी आप जाके कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, बट ये अमेजोन के अंडर चीज चल रही होती है कि ये सेलर की तरफ से सिस्टम हुआ है, थोड़ा डिफेक्ट आता है, इसमें अमेजोन को पता नहीं लगता कि क्या सिस्टम है। मैंने अक्सर जो है प्रोडक्ट्स भेजी हैं कस्टमर्स को और उनसे अच्छा रिव्यू भी लिया। अच्छा, मजे की बात है कि इधर आप बायर को ना तमाम परचेजर्स को कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, अदर पे जाके, अदर पे चले गए आप और इनको आपने जाके कॉन्टेक्ट करना है। रॉबर्ट भी खोल लेते हैं जी, नीचे एक और आ गया जी, इसका नाम नहीं आ रहा, पेंडिंग है अभी, इसलिए जॉन खोल लेते हैं जी, जॉन पकड़ेगा कौन। अच्छा जी, यहाँ पे आ गए हम, इधर भी अदर का नहीं आ रहा ऑप्शन, इधर आ रहा है अदर का, इधर अदर क्लिक किया और शुगल मेरा लगा लिया, गपशप लगा लिया, हाँ जी कैसे हैं आप, ठीक हैं, सेहत भी ठीक है, आपने रिसेंटली जो है एक प्रोडक्ट परचेज की थी, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि हमारी फुलफिलमेंट कैसी रही, हमारी प्रोडक्ट आपको कैसी लगी, और क्या आप ऐसा कर सकते हैं कि एक अच्छा रिव्यू मुझे दे दें, जिस तरह की प्रोडक्ट लेट्स सपोज सेल हुई हुई हमारी प्रोडक्ट, आप मुझे एक रिव्यू दे दें उसका कि मेरे जाके रेटिंग बढ़ा दें थोड़ी सी, तो क्या आप ऐसा कर सकते हैं, नहीं कर सकते, वो एक मैसेज टेम्पलेट आप ChatGPT से निकाल लीजिएगा तो आपके लिए वो भी बेस्ट रहेगा। आप इधर उसको मैसेज कर सकते हैं रिव्यूज एंड रेटिंग्स के लिए कि मेरे अकाउंट रिव्यू एंड रेटिंग दे दो। अक्सर ऐसा होता है 10 साल पुराने अकाउंट हैं या 2 साल पुराना अकाउंट और कितनी रेटिंग्स हैं जी, टोटल 13 है 14 है 15 है, मजा नहीं आता, जितनी रेटिंग ज्यादा होती है वो नहीं होता, सेलर्स कितने तगड़े बैठे हुए हैं जी, 1000 के अंदर अंदर देखना है रेटिंग उसकी हो, 1000 के अंदर अंदर उसका रिव्यू हो, वो ये वाला चक्कर होता है कि आप कस्टमर की मेहनत करके आप अपने अकाउंट को स्ट्रॉन्ग करते हैं, दिन ब दिन रिव्यूज लेते हैं, नेगेटिव रिव्यूज को खत्म करवाते हैं, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पर हम लोग आगे थे, ये मैंने आपको बता दिया है और मैनेज ऑर्डर्स बता दिए सारे आपको, इधर हम आ जाते हैं। अच्छा, इसके अंदर ऑर्डर्स के अंदर मैं देख लेता हूँ, वो ऑप्शन आई थिंक सो अकाउंट हेल्प के अंदर है, फिर भी मैं देख लेता हूँ जी ये। अच्छा ठीक है, इसमें नहीं है वाला ऑप्शन। अच्छा, ऑर्डर्स में आपने देख लिया तमाम चीजें जी, ऑर्डर्स रिपोर्ट्स है ये ओपन कर लेते हैं, मैनेज रिटर्न्स कर लेते हैं, दिखा देता हूँ इंटरफेस, ठीक है। इधर डिफरेंट थिंग्स आ रही होती हैं कि आप ऑर्डर कि कब से कब तक डेट चाह रहे हैं, टैक्स शेक्स के चक्कर में काम आती है, डाउनलोड करना चाहते हैं नहीं तो लमसम बता दें बैलेंस कितना पड़ा हुआ है और क्या हिसाब किताब है। अच्छा, ये कैंपेन्स हैं जी, कैंपेन्स वगैरह कहाँ से आप लोग जो है वो करते हैं रन वगैरह, कैंपेन मैनेजर अगर खोलना चाहते हैं, अगर PPC वगैरह रन कर रहे हैं, स्टोर्स क्या है, ग्रोथ की अपॉर्चुनिटीज आपको बता देता है जी, क्या रिपोर्ट्स है, इसमें आपके पास बिजनेस रिपोर्ट्स आ जाती हैं वो आपको दिखा देते हैं जी, एडवर्टाइजिंग रिपोर्ट अभी आपकी जरूरत नहीं है उसकी, परफॉर्मेंस है, अकाउंट हेल्थ हम ओपन कर लेते हैं, और बाकी वॉइस ऑफ कस्टमर बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा जी, यही चीजें बिजनेस रिपोर्ट्स पर आगे, इधर हम लोग जिस तरह वो सेल्स दिखा रहे होते हैं मोबाइल के ऊपर, इतनी सेल्स हो गई जी, इतनी हो गई आज, 30 दिनों की है, 40 दिनों की है, इस पे आप कर सकते हैं जी, लेट्स सपोज ईयर टू डेट कर देता हूँ मैं और अप्लाई कर देता हूँ, मुझे बता दी थी इसने $27,000 की आपकी सेल हुई है जब से साल शुरू हुआ है, और एवरेज सेल्स जो है आपकी $87 की जो है एक यूनिट आपका, ये एवरेज इतनी की आपकी सेल होती थी, 311 यूनिट ऑर्डर हुए हैं, 309 यूनिट टोटल ऑर्डर हुए हैं, और टोटल ऑर्डर आइटम्स इतनी है और उसमें से इतनी बिकी हुई है 311, तो इसका ये मतलब है कि रिफंड रेट काफी कम है, 9, 10, 11,
दो टोटल समझेंगे रिफंड लगे, बाकी ये कस्टमर तक तोड़ प्रोडक्ट्स पहुंची हैं। $27 की सेल है, नीचे ग्राफ आ गया आपके पास, ये भी सेल्स बता दी इसने, यूनिट्स का बता दिया, सारी चीजें आप लोगों के सामने इसने बता दी। जो आपकी बिजनेस रिपोर्ट के अंदर कोई भी बंदा पूछता है, हाँ जी भाई सेल दिखाओ, सेलर सेंटर खोल के, तो दस्ती उसी वक्त खोला, ईयर टू डेट कर दिया या कस्टम कर दिया, आपको कस्टम पे ये होता है जी आपने ये खोली, जहां तक जा सकता है ये 22 है, इसको हम लेके जाते रहेंगे जी। अच्छा ये आपको ना स्पेसिफिक 18 महीनों की, 22 महीनों की देता है, आप बेशक 2019 से बेच रहे हैं मगर वो आपको लिमिटेड सा देता है ये सेलर सेंटर भी, 6 अगस्त से आज तक की तारीख तक कर दिया। और ये $1,09,000 की इसकी सेल हुई है 2021 से 2023। ये अकाउंट मेरे सामने गालबन 2019 में तकरीबन शुरू हुआ था, और इस पे ये है कि तकरीबन एक बच्चा चला रहा है, मैं भी चलाता रहूँ इसको, हमूद भी चलाता रहे, और ये बड़ा जबरदस्त हमारा माशाल्लाह अकाउंट है। तो ये 2019 से चल रहा है, ये हमारे हाथ के अकाउंट है सारा, और इसमें चक्कर ऐसा है कि अब एक बच्चा हमने आगे रखा है, वो मैनेज कर रहा है सारी चीजें, 6 तारीख से हम लोग लेके ये आगे, ये तकरीबन 2 साल का लमसम कर लें ये बता देता है, उससे पुराना आपको नहीं बताता सेलर सेंट्रल। बेशक आप 2025 में जाएंगे तो आपको फिर ये 2023-24 का दिखाएगा या 24-25 का दिखाएगा। तो 2023 तक ये सेल्स हैं जी अकाउंट की, अच्छी सेल्स हैं, और आप लोग भी ये लोग कर सकते हैं, बहुत अमेजोन एंड सेलर। अच्छा इस पे FBM तो हम लोगों ने किया ही नहीं है कभी। अच्छा जी बिजनेस रिपोर्ट हमने आपको बता दी जी, अब चले जाते हैं अकाउंट हेल्थ के ऊपर। हेल्थ अच्छी जा रही, कोशिश किया करें, 204 हेल्थ है तो इसकी हेल्थ तकरीबन 215-20-30 जितनी आपकी ज्यादा जाएगी आपको अपॉर्चुनिटीज मजा आएगा। इस पे ये होता है कि आपको IP कंप्लेंट वगैरह जब आती है कोई भी, अकाउंट की हेल्थ अगर 400 है, 450 है, तो वो टेंशन ही नहीं होती आपको, जितना 1,000 के करीब है 10 आ जाएंगे IP कंप्लेंट तो थोड़ी सी हेल्थ गिरेगी, ज्यादा नहीं, आप हेल्दी रहेंगे। यहाँ से नीचे वाला रोल है फिर 200 से पीछे वाला जो है ना, बहुत सखर रोल है, 199 वाला भी बड़ा सखर रोल है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। अगर आपको IP कंप्लेंट आई होगी, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कंप्लेंट जो ब्रांड करता है, यहाँ पर शो हो जाएगी, अपील का ऑप्शन होता है इसको ओपन करने के बाद, रिसीव इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जो आपकी कंप्लेन आ जाती है, ठीक है। अच्छा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी वॉयलेशन अगर आप कर रहे हैं, ट्रेडमार्क का इशू है, वर्ड उनका यूज कर रहे हैं, वो अलग है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कंप्लेंट जो है ब्रांड करता है, और जो जिस तरह के आपको इजाजत नहीं दी होती, कहता है जी मैंने इजाजत के बगैर मेरी प्रोडक्ट बेच रहा है, प्रोडक्ट ऑथेंटिसिटी, कस्टमर कंप्लेंट्स हैं, इसमें ऑथेंटिसिटी का पता लगता है, कस्टमर कंप्लेन करता है कि भाईजान आपकी प्रोडक्ट ओरिजिनल नहीं है, जेन्युइन नहीं है, Amazon आपको कंप्लेन दे देता है। प्रोडक्ट कंडीशन कस्टमर कंप्लेंट्स हैं, फूड एंड प्रोडक्ट सेफ्टी, लिस्टिंग पॉलिसी वॉलेशन ये भी अक्सर आ जाती है, रिस्ट्रिक्टेड प्रोडक्ट पॉलिसी वॉलेशन ये भी आ जाती है, डिफरेंट इनके मतलब है, टेंशन नहीं लेनी अगर आ भी जाती है क्योंकि बिजनेस का हिस्सा होता है सब चीजें। ऑर्डर डिफेक्ट रेट हमारा 0% है क्योंकि हम FBM नहीं कर रहे। लास्ट शिपमेंट रेट है अंडर टारगेट, अंडर 4%, 2.5 बिल्कुल ओके जा रही है सब चीजें, जबरदस्त जा रही है, ठीक है। यूएस इन्फॉर्म कस्टमर कंप्लीट ऑल ओपन सपोर्टिंग दिस वेरिफिकेशन। अभी देखें ये आइडेंटिटी हमारी कंफर्म हुई है माशाल्लाह जी, इस अकाउंट पे फोन नंबर हुआ है कंफर्म, बैंक अकाउंट कंफर्म हुआ है, बिजनेस एड्रेस 1 साल बाद 2 साल बाद अमेजोन करता है, बिजनेस एड्रेस आपका कंफर्म हुआ है, टैक्स आई डी चेक करता है, हाँ जी किसी और के एड्रेस पे तो नहीं सिस्टम बनाया था, ख्वाह ये पहुंचा भी है उस एड्रेस पे या उधर रह रहा भी है या नहीं रह रहा। OTP भी आपको एक भेजते हैं गार्ड के जरिए, फेडेक्स के जरिए US से आता है, रिसेंटली हमें रिसीव हुए हैं तो 3-4 अकाउंट्स पे। अच्छा जी इसमें नेक्स्ट ऑप्शन हमने ओपन किया हुआ है ऑलरेडी, टैब वॉइस ऑफ कस्टमर, इसमें आपको चीजें पता लगती हैं कि आपकी कौन कौन सी प्रोडक्ट कितना कितना वेल परफॉर्म कर रही है, ये बेसिकली आपको ऑल का शो करा रहा है। हम वेरी पुअर लिस्टिंग की तरफ चले जाते हैं कि मसला क्या था उसमें, ये बर्की है इसमें ये इश्यू आया हुआ है जी, ठीक है, वेरी पुअर कस्टमर ने कहा है, स्टिल आया हुआ है वेरी पुअर, ये भी वेरी प्योर, ये मेस्टो की गाड़ियाँ गाड़ी को सेल होती रही है, ये भी कहते हैं जी वेरी पुअर पुअर, फिर एक और आ जाती है ये जेन्युइन टोयोटा की लाइट्स हैं, ये कहते हैं बहुत पुअर है। फेयर लिस्टिंग हम देख लेते हैं कि कौन सी, ये फोर्ड OEM ठीक है बस गुजारा है, कुछ कस्टमर ने नेगेटिव फीडबैक दिया होगा, कुछ ने अच्छा, वो एक एक आया हो तो वो कहते हैं यार चलो फेयर है, या उसने रेटिंग कम दी होगी, 3 स्टार दिए होंगे तो वो उस पर आ जाता है। गुड लिस्टिंग जो है जी हमारी 4 हैं, 1, 2, 3, 4, और एक्सीलेंट लिस्टिंग जो है हमारी 13 जा रही है, हम इनको ही दोबारा सोर्स कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं जो कस्टमर्स को पसंद आई है इन्वेंट्रीज जो हमने सेल की है। अच्छा इसके ऊपर अब आपका कस्टमर या क्लाइंट कहता है जी मुझे अकाउंट की इन्फो खोल के दो, वो यहाँ से खुल जाएगी आपकी अकाउंट की इन्फो प्रॉपर टोटल जो है, इसमें आपकी लिस्टिंग स्टेटस बता दिया उसने, सेलिंग ऑन amazon.com में बेच सकते हैं, यहाँ पे अमेजोन बिजनेस भी रजिस्टर आपका, फुल FBA फुलफिलमेंट बाय अमेजोन वाली चीज़ें भी आपकी सारी A to Z जो हैं वो अवेलेबल हैं, और रेडी टू OPT इन स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट्स हैं आपकी amazon.com, ये डिफरेंट चीज़ें बता रहा होता है। या आपका डिपॉजिट मेथड यहाँ से चेंज हो जाएगा, चार्ज मेथड है,
बिजनेस एड्रेस वगैरह, इंश्योरेंस, ये आपको देखते साथ ही ना अकाउंट इन्फो में समझ आ जाएंगी चीजें क्या क्या कहाँ कहाँ पुट करनी है। ये टैक्स इन्फॉर्मेशन है, वैट इन्फॉर्मेशन यूके के लिए होती है, आरएफसी आईडी ऑस्ट्रेलिया के लिए होती है, और डिस्प्ले नेम आप चेंज कर सकते हैं यहाँ से, और ब्रांड्स वगैरह अगर आपके हैं वो, बिजनेस इंश्योरेंस आपकी जब आपकी सेल सेल तकरीबन, क्योंकि लास्ट टाइम मैंने इंश्योरेंस करवाई है, और ये $10,000 की पहली सेल पे होता है, $10,000 की सेल पे होता है, ये $1,00,000 की सेल पे होता है। मेरे उसमें ऐसे जहन में नहीं है क्योंकि मैंने लास्ट टाइम करवाई है दो तीन अकाउंट्स की, मेरे भी ये जहन में नहीं है, आप लोग कंफर्म कर लीजिएगा, इतनी टेंशन की बात नहीं है, आपको खुद ही अमेजोन भेज देगा ईमेल, इतनी सेल कंप्लीट हो गई है, चलो बिजनेस इंश्योरेंस कराओ, शाबाश पैसे लगाओ। अच्छा जी, ये आपको सारी चीजें बता दी जी, चार्ज फॉर एडवर्टाइजमेंट है, सेलर प्रोफाइल है जी, ये अकाउंट का नाम है, चेंज भी कर सकते हैं, और डिफरेंट थिंग्स इसमें हम लोगों ने कवर की हैं। क्वेश्चंस मैं आप लोगों से ले लेता हूँ, नीचे भी कुछ चीजें आ रही होती हैं, इधर ऑप्शंस आ रहे होते हैं ऐड प्रोडक्ट्स का, मैं ये यूजर मैनुअल होता है बेसिकली, इधर डायरेक्ट आप जंप करके जा सकते हैं, काफी ज्यादा चीजें आ रही होती हैं, बट हमें तो मेन थिंग्स पता लगी, हम तो जो चीजें काम की होंगी हम वही जो है अलर्ट से वो ओपन करेंगे। पीपीसी रहेगी है वो, उसमें मैं लेके जाना नहीं चाह रहा, आई थिंक सो पीपीसी आप सर मौत को गइएगा, वो कवर करा देंगे, वो काफी ज्यादा चीजें आपको एक दिन में हो जाएंगी, तो वो क्योंकि पीपीसी एक अलग दुनिया है, वो होती तो यहीं से ऐसा ऐसा, मैं आपको बता देता हूँ ऑप्शन कहाँ से आता है इसका, यहाँ पर आता है जी एडवर्टाइज लिस्टिंग का ऑप्शन, इसको आप क्लिक कर लेते हैं, अल्लाह अकबर। अच्छा जी, ये इसके लिए डिफरेंट, ये आपको सर मूड अच्छा कवर करा देंगे, वो लंबी राम कथा है, इसमें तकरीबन चार पांच छह छह तरीके हैं हमारे पास, वो छह तरीके वाला फिर वो तकरीबन अभी 8-32 हो गया, मेरा ख्याल है वो निकल जाएगा कोई 10-10.5-11 तक निकल जाएगा, उसमें काफी डीप थिंग्स हैं, उसमें फिर चार पांच छह सात टूल्स आपके यूज होते हैं जिसपे आप कीवर्ड्स निकालते हैं, कीवर्ड गेम होती है, पीएल की अलग है, होलसेल की अलग है, ऑनलाइन आर्बिट्राज के लिए छह तरीके हैं, तो वो हर चीज के लिए अलग है, ये काफी लंबी राम कथा है, ये आप लोग काइंडली उनसे कह दीजिएगा, कहीं वो सिखाएंगे जरूर, मगर क्या आप तो उनके भी जहन से ना निकल जाए, कोशिश कीजिएगा आपने मैसेज कर दीजिएगा, नेक्स्ट लेक्चर में बता दीजिएगा, या ये लेट्स सपोज रह भी जाता है, नॉट अ बिग डील, आप लोग एंड पे उनसे जेनेरिक का बता दें, जेनेरिक यार ऐसे ही होता है वो बेसिकली, मेरा ख्याल है कवर करेंगे, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ जेनेरिक का, इस पे आप ऐड प्रोडक्ट करते हैं, और लेट्स सपोज जी मैं बेचना चाहता हूँ हेयर ड्रायर, रैंडमली बता सकता हूँ, आप कुछ भी कर सकते हैं, डी आर वाई ई आर ड्रायर। अच्छा ये ऑप्शन हैं सारे आपके पास, यहाँ पर एक ऑप्शन आ रहा होता है जेनेरिक, जेनेरिक को क्लिक किया, यहाँ पर सारी जेनेरिक लिस्टिंग आ गई, 3,34,94 था नहीं खोलेंगे, 83,7 लाख, 5,82,000, इसको हम चेक कर लेते हैं, कोई एक अदी प्रोडक्ट जेनेरिक, ब्रांड का बेसिकली नाम ही होता है जेनेरिक, और ब्रांड की जगह लोगों ने जेनेरिक लिखा हुआ होता है, अभी इस पे कोई अच्छी नहीं आ रही, तो हम बेसिकली ऐसे कुछ सर्च कर लेंगे, आपका एक लग होगा इस पे क्योंकि इस पे अली बाबा भी रिलेट होगा ना सारा, मैं तो आपको सर्च करना सिखा रहा हूँ सिर्फ, तो आपका अली बाबा पे सारा काम शुरू हो जाता है। अच्छा हर बार सर्च करने के बाद ना ऑप्शन डिसलेक्ट हो जाता है, आप लोगों को सिलेक्ट करना पड़ेगा, अब इधर जेनेरिक आ रहा है, हर के सर्च के बाद आपको खुद करना पड़ेगा, 35 आ रहा है जी इसका सेल्स रहेंगे, अगर लेट्स सपोज खोल लेंगे, ये कोई भी बेच सकता है, ये छह ये जेनेरिक आ गई लिस्टिंग, किसी ने लगाई हुई है, और ये आप लोग लेट्स सपोज कर सकते हैं, मगर ये एक दूसरी राम कथा है, मैंने आपको सर्च करना बता दी है, बाकी आपका ये कि वो एक जेनेरिक का लक लेक्चर होगा प्रॉपरली, उस पर आपको चीजें जो है वो बता देंगे। रेज कर ले हैंड, में क्वेश्चन ले लेता हूँ, इस बार भी पानी पिलाएं, मैं एक मिनट अनम्यूट करता हूँ आप लोगों को। नाम ले लेता हूँ, रबाब आजे, पूछे क्वेश्चन आप। वालेकुम अस्सलाम वालेकुम सलाम। सर, मुझे एक तो ये पूछना था, अकाउंट हेल्थ में अगर 200 है तो ये बहुत गंदी कंसिडर होगी कि हम इसे नॉर्मल कंसिडर कर सकते हैं? ग्रो करें क्योंकि 200 ऐसा चक्कर है, वो बात हुआ है कि एक कदम आगे डू और डाई है, पीछे आगे जो है जन्नत है, पीछे दोजख है, कुछ भी हो सकता है, और एक पैर पे आप किसी पत्थर के ऊपर खड़ी हुई है,
और कभी भी कुछ भी हो सकता है। और सर ये जो आपने सॉफ्ट अप्रूवल बताया था काइंडली वो दोबारा क्लियर कर दीजिएगा, थोड़ा क्लियर नहीं हुआ। यह सॉफ्ट अप्रूवल ऐसा होता है कि आपसे अमेज़न एक वीडियो आपको देता है और वीडियो के ऊपर आपका टेस्ट ले लेता है। आपको वीडियो में 5-6 चीजें बताएगा, उसी के नीचे छह सात ऑप्शन दे देगा, आपने सेलेक्ट करना है। वो मैं ऐसा करूंगा, मेरे पास अक्सर, मैं काम कर रहा होता हूँ, मैं असल में बिजी इतना हूँ आजकल, काम नहीं कर रहा, बट जब भी मैं काम कर रहा हूँ 1-2-3 दिन में, मैं ऑप्शन अगर मेरे सामने वो आता है, मैं उसकी वीडियो बना के ना एक ग्रुप में सेंड कर दूंगा कि उसमें ऑप्शन याद कर ले बस आप। आपकी जरूरत नहीं वीडियो देखने की, ठक 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 ऐसे किया उसी वक्त अप्रूव। एक भी ऑप्शन गलत सेलेक्ट करोगे तो वो फिर अमेजोन के पास अप्रूवल के लिए चला जाता है, अमेजोन अप्रूव नहीं करता। चल, और सर जो थर्मल पेपर है वो उसमें और दूसरा जो आपने कहा था हमने सिलेक्ट किया उसमें क्या डिफरेंस है? थर्मल पेपर और स्टैंडर्ड में वो 3PL सर्विस प्रोवाइडर की रिक्वायरमेंट होती है, वही पूछता है आपसे कि यार आप उससे पूछते हो कि किस पे प्रिंट कर रहे हो, आपके पास थर्मल पेपर है या आपके पास यूएस लेटर है। वो कहता है मेरे पास यूएस लेटर है या थर्मल है, आप उसी वगैरह उसको उसी फॉर्म में भेजते हो ताकि उसके लिए ईजी हो, वो प्रिंट कर ले उसी पेज पे प्रिंटर से उसी वक्त। चलिए ठीक है, थैंक यू सर। बस ये है कि बाकी अब दोबारा एक दफा इसको देख के कुछ हुआ तो वो मैं सर से ही पूछ लूंगी क्वेश्चन कोई इशू यहाँ नहीं। पे। अच्छा नेक्स्ट, असनैन, हसनैन अली, मेरा ख्याल है ये भूल गए हाथ खड़ा करके, इर्तजा शर्मा था जी। सर आपने शिप फ्रॉम एड्रेस का नहीं बताया शिपिंग प्लान क्रिएट करते हुए कि जब हम बिल्कुल यूके नहीं बताया, सेलेक्ट बिल्कुल बिल्कुल नहीं बताया, मेरे जहन से बिल्कुल क्यों निकल गया था। शिप फ्रॉम एड्रेस आप चेंज कर सकते हैं वैसे वो। अच्छा मजे की बात आपको बताऊं, शिप फ्रॉम एड्रेस अक्सर ऐसा हुआ है कि मैं भूल गया हूँ अपने जाती अकाउंट के, जब मेरा फ्रीलांसिंग का दौर होता था उसमें मैं शिपमेंट प्लान के ऊपर एड्रेस भूल गया और मैंने उसको गलत एड्रेस का बना के भेज दिया। मजे की बात फिर भी आइटम तो जाके यूपीएस के पास छोड़ के आया और वहां से ही टोटल प्रोडक्ट्स है मेरी एफपीए भी गई और एक्टिव भी हो गई। तो ये कि नहीं वो सर, मेरा जी कंसर्न ये था कि जब हम 3PL से उसको डिलीवर कराएंगे तो उसको पिकअप एड्रेस भी तो देना ना उधर। नहीं, पिकअप एड्रेस का तो आपका तो काम ही नहीं है, पिकअप एड्रेस का तो 3PL वाले बहुत कम ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं। वो उनको यूपीएस की वेबसाइट पे जाके एक $5 लगा के एक फॉर्म डाउनलोड करना पड़ता है, वो फॉर्म वो फिल करते हैं तब वो ट्रक लेके तब वो गाड़ी लेके उनके पास आते हैं। 90% जो इस वक्त 3PL वाले हैं उनको इस ऑप्शन का पता ही नहीं है और वो अपनी गाड़ी में माल रख के जो है तोड़ जाके छोड़ के आ रहे होते हैं फुलफिलमेंट सेंटर में जो उनका करीबी यूपीएस का होता है। ठीक हो गया, ठीक हो गया? ठीक हो हाँ गया। जी अस्सलाम नेक्स्ट। वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम, आगे आप। जी सर, जी तो जी सर मेरा नाम हुसैन था, तो हुसैन दूसरा लड़का। तो सर अच्छा मैं अच्छा ये हुसैन पूछना है। था आपसे, फ्लोरिडा और टैक्सिस में डिफरेंट क्या है? अगर हम LLC करवाते हैं इसमें तो इसमें कोई इशू तो नहीं होता अगर मैं फ्लोरिडा में करवा लेता हूँ, टैक्सिस में नहीं करवाता, इनका आपकी एक टैक्स दुकान डिफरेंट? है, आपकी एक दुकान है, ठीक है। आप अभी मेरे पास एक ब्रांड आया हुआ है, मैं आपको दिखा देता हूँ, मेरे वो उन्होंने भेजा हुआ है एडवर्टाइजमेंट के लिए। उन्होंने रोज के पेटल में एक उन्होंने लेट सपोज चीज भेजी हुई है, परफ्यूम्स आए हैं मेरे पास, ये भी एक परफ्यूम आया हुआ है मैच्योर होने के लिए। अच्छा आपकी एक दुकान है परफ्यूम की, और मैं आपके पास आता हूँ जी भजन राजा बाजार से उठ के। राजा बाजार का पता हो या आप किस शहर से हैं? मैं लाहौर से हूँ अनारकली से आता हूँ मैं, जी। ठीक है आपके जी पास। और दूसरा ब्रांड है वही वाला, एक इस्लामाबाद से आता है आपके पास, एक अच्छी जगह ले गए कि मेरे पास ये स्टोर फ्रंट है, ये लोकेशन है, ये मेरी क्रीम अवाम है और आपका ब्रांड मैं वहां रिप्रेजेंट करूंगा। और एक बंदा आपके पास आता है अनारकली से, आप लेट सपोज किसको अकाउंट देना पसंद करेंगे? सर, मैं नारकली वाले को पसंद करूंगा क्योंकि वो पास होगा इस वजह नहीं से। नहीं पास। और अगर आपका ब्रांड आपने बेस्ट रिप्रेजेंट कराना है एज अ बिजनेसमैन सोच के, फिर आप किसको अकाउंट देंगे? फिर तो मैं आउट ऑफ लोकेशन सिटी वाइज में आउट ऑफ सिटी इस्लामाबाद, जाऊंगा इस्लामाबाद को देंगे। वो यही फर्क है, नारकली फ्लोरिडा जी। ठीक और टेक्सास जो है वो इस्लामाबाद है, क्योंकि इस्लामाबाद के किराए भी ज्यादा है, ब्लू एरिया में चीज रिप्रेजेंट हो रही है, ब्यूरोक्रेट्स आके चीजें ले रहे हैं वहां पे। है। तमाम जो आवाम 90% जो इस वक्त इस्लामाबाद की आवाम है वो बैठी हुई है, डिफरेंट एनजीओ बैठी हुई है। गोरे आपको दिन में जाके फेट आप चले जाए, कचहरी चले जाए, आप इस्लामाबाद E8 चले जाए, आपको गोरे मिल रहे होते हैं, आपको पढ़े लिखे लोग मिल रहे होते हैं। क्यों? इस्लामाबाद महंगा है, वहाँ पे कॉस्ट ज्यादा है चीजों की, वहाँ पर लाइफ स्टाइल लिविंग ऑफ लिविंग वे जो है वो डिफरेंट है लाहौर से या कराची से, किराए भी ज्यादा है, सब चीज़ ज्यादा है, एक लाइफ स्टाइल ही डिफरेंट है वहाँ का। डस्ट भी नहीं है, आप समझे यूरोप में घूम रहे हैं किसी में आके, जो डिफरेंट मेन इस्लामाबाद के 4-5-6 सेक्टर्स हैं, तो उधर आपकी चीज अच्छी टारगेट होगी। यही फर्क है टेक्सास का कि ब्रांड, हालांकि आपने अमेजोन पे चीज बेचनी है मजे की बात, जी मगर ब्रांड देखता है कि यार ये किस स्टेट से आ रहा है मेरे पास, तगड़ी स्टेट से आ रहा हो, अच्छे एड्रेस से आ रहा हो, ब्रांड बड़ा अच्छा वेलकम करता है। मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ, वायोमिंग
हो गई हमारे पास, ठीक है, और एक टेक्सास हो गई या फ्लोरिडा होगी, तो उधर फ्लोरिडा फ्लोरिडा, अगर वायोमिंग को फ्लोरिडा का टारगेट करेंगे तो फ्लोरिडा की ज्यादा चांसेस हैं, बट अगर टेक्सास और फ्लोरिडा है तो टेक्सास आई थिंक सो बेस्ट है। और सर जब ये हम क्रिएट करते हैं तो कितने दिन में अप्रूव हो जाती है एलएलसी अगर हम इसकी अप्रूव नहीं, रिक्वेस्ट करते अप्रूव हैं? शूव कोई नहीं होती, ये वो रजिस्टर करानी पड़ती है, जैसे पाकिस्तान में आप कराते पैसे दो तो यूएस वाले दस्ती उसी वक्त, हाँ जी भाई जान ये लो, 14 दिनों के अंदर अर्जेंट करानी हो 3 दिन में भी हो जाती है। तो सर अगर हम मतलब मेरे पास अमेजोन का अगर अकाउंट है तो उसके ऊपर होलसेल ऑनलाइन आर्बिट्राज अगर मैं दोनों इसी एक अकाउंट के ऊपर कर लूंगा या हाँ अलग? करें, खुल के करें, पीएलबी करें बेशक साथ, और सर एक ये अकाउंट में जो सब। होलसेल के अंदर तो इस तरह होता है ना कि हम जो ऑथराइज डीलर से ब्रांड से अप्रूवल लेते हैं उससे लेटर लेते हैं अप्रूवल लेटर, और जो ऑनलाइन आर्बिट्राज है उसके अंदर तो हम ऐसा कुछ भी नहीं लेते और रिटेल से हम प्रोडक्ट उठा लेते हैं। तो अगर हाँ कभी वो अमेजोन उसमें हम सेफ साइड रख के चलते हैं, आप ऐसे प्रोडक्ट उठाते हैं कि जो आपको लगे कि यार इस पे काफी ज्यादा सेलर्स हैं, 10 से 12 सेलर्स हैं, आप वही प्रोडक्ट उठाते हैं, 8-9 सेलर्स जी हैं, 10-12 सेलर हैं, ताकि सेफ साइड हो, पता है यार सेलर्स जा रहे हैं, इसका जी कोई ऐसा चक्कर नहीं है इनवॉइसिंग वाला। नहीं सर, मतलब कि उसमें तो यही हम चेक करेंगे ना कि उसमें कम से कम 20 के न्यू सेलर्स हों और उसका बी एस 20 आर का ये मतलब है कि मार्केट में 20 ही बहुत ज्यादा है, और जिस तरह सेलर बढ़ते जाते हैं प्राइस नीचे आती जाती है, आप नोट कीजिएगा। ठीक है, तो लाइव इसका मतलब एग्जांपल कहते हैं, मैं दिखा सकता हूं आपको। नहीं सर, मुझे समझ आ गई है इस बात की। और इसमें वैसे जब हम ऑनलाइन आर्बिट्राज करते हैं तो इसके अंदर ज्यादा से ज्यादा बीएसआर कितना होना चाहिए? ऑनलाइन आर्बिट्राज में ज्यादा से ज्यादा बीएसआर जो बहुत हुआ हद मार ली, वो लाख तक हो, 1 लाख 10 तक हो, ठीक है। और लाख सर एक लाख दस इसमें वैसे सेल्स की जो मतलब कितनी होनी चाहिए कि हम जिस प्रोडक्ट में जाएं उसकी सेल फिर कितनी होनी आपके हिस्से में चाहिए? 10-20 आए महीने के। ऑनलाइन आर्बिट्राज में तो सर अगर हमें वो जो है मतलब कि इनवाइस नहीं मिलती अप्रूवल, तो अगर अमेजोन अगर नहीं तो आप मांग ले, क्योंकि प्रोडक्ट बेचेंगे नहीं ना, बेचेंगे कैसे अगर अप्रूवल नहीं मिलेगा? आप तो हम अनगेटेड रिटेल प्रोडक्ट ही करते हैं, जाएंगे। लेकिन हम रिटेल से वो जो अनगेटेड प्रोडक्ट्स होंगे हम तो वही प्रोडक्ट्स पे काम ऐसे ही है, करेंगे ना, ऐसे ही है, तो उसकी तो वो हमें इनवाइस नहीं देगी ना ऑनलाइन आर्बिट्राज में, या हम बिल्कुल नहीं उससे पहले होगी। लेंगे। नहीं 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 लेंगे, आप डायरेक्ट बेचेंगे क्योंकि और लेकिन सेलर भी अगर आएंगे, क्योंकि उनका ट्रेडमार्क रजिस्टर नहीं हुआ हुआ, आईपी जी कंप्लेंट आप कीपा से देख लेंगे, सेलर्स का ड्रॉप डाउन देख लेंगे। जी लेकिन अगर वो अमेजोन इनवाइस कभी मांग ले तो, या मांगता है या नहीं मांगता? अक्सर मांग लेता है, अक्सर नहीं भी मांगता, दो सिनेरियो होते हैं इसमें, या तो ईबे की हमारे कुछ अकाउंट्स हैं उस पर ईबे की भी इनवॉइस अमेजोन ने एक्सेप्ट की है, चैट जीपीटी से केस बना के हमने अटैच की, एक वर्ड डॉक्यूमेंट के अंदर तमाम चीजें हम दे देते हैं, पिक्चर भी दे देते हैं प्रोडक्ट की, इनवॉइस भी दे देते हैं ईबे की, और वो तमाम चीजें भी। नहीं तो अगर अक्सर ऐसा होता है कि प्रोडक्ट के लिए इनवॉइस मांग लेता है, उसके लिए तो आपको ईबे की मजबूरन देनी पड़ेगी अमेजोन को इमोशनल ब्लैकमेल करके, या उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, प्रोडक्ट अनफुलफिलेबल अनसेलेबल हो जाएगी। और दूसरा ऑप्शन इसका ये होता है कि आप अगर ब्रांड में अमेजोन आपसे कोई चीज ऐसी मांग लेता है, तो आप कोशिश यही करते हैं कि आपका सबसे ज्यादा सेल होने वाला ब्रांड होता है, लेट्स सपोज नेट गेयर है, आप महीने में 4 प्रोडक्ट उसकी ऐड कर रहे हैं, तो कोशिश करें अप्रूव डिस्ट्रीब्यूटर से एक बार माल ले लें, और माल लेने के बाद जो है वो प्रोडक्ट बेशक लॉस में जा रही हो, नॉट अ बिग डील, इन फ्यूचर अगर अमेजोन ब्रांड की इनवॉइस आपसे मांग लेता है, ब्रांड की, कि इस ब्रांड में सेल अप्रूव हो तुम या नहीं हो, ये किससे माल ले रहे हो, आप किसी भी एक प्रोडक्ट की इनवॉइस जमा करा दें, वो कहेगा अमेजोन कहेगा ये अप्रूव्ड जो है डिस्ट्रीब्यूटर से माल ले रहा है, आपको तंग नहीं करेगा इन फ्यूचर। तो फिर इसमें इनके आप पहले एक प्रोडक्ट एक दफा सबसे जो स्टार्टिंग है वो होलसेल में किसी अथेंटिक डिस्ट्रीब्यूटर से पहले अप्रूवल लेके प्रोडक्ट लगाएं, उसके बाद ऑनलाइन आर्बिट्राज करते रहें, ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसा ही है? ऐसे ही है, मगर आप ड्रग भी हो ये करना चाहे नॉट अ बिग डील, लोग रिस्क लेने वाले ले लेते हैं, रिस्क में दो काम होते हैं, या तो आप तर जाते हैं या डूब जाते हैं। सर इसकी बाय बॉक्स वैसे कितनी प्राइस होनी चाहिए अगर हम ऑनलाइन आर्बिट्राज कर रहे हैं, मतलब देखो कम से ऑनलाइन कम आर्बिट्राज के प्रोडक्ट अगर ढूंढते रहोगे ना, जिसमें हमें बीस पच्चीस प्रॉफिट मिलेगा? 20-25-30 डॉलर, $40 की ढूंढते रहोगे, उसमें आपको 4-5-6 डॉलर, $10 बचेगा इससे, फिर अच्छा होलसेल कर लो, ठीक है, और ये सब तमाम बच्चों के लिए, आपको नहीं मैं कह रहा, एक ओवरऑल बात कर रहा हूँ, जो लोग आजकल कर रहे हैं $40 की ऑनलाइन आर्बिट्राज की प्रोडक्ट है जी, 21 की मिल रही है, $8 बचा रहे हैं, लानत है, ऑनलाइन आर्बिट्राज करके भी इतने बचाने हैं तो फिर होलसेल कर लो, उसमें आपको इससे ज्यादा ही बचेंगे, खुआरी भी ज्यादा होगी, इसमें भी खुआरी कर रहे हो, तो जो होलसेल जो ऑनलाइन आर्बिट्राज है उसकी कोशिश करेंगे $70 प्लस का फिल्टर लगा के प्रोडक्ट ढूंढने, $70 का मतलब है कि 20-25 की भी प्रोडक्ट मिलेगी तो बचत उसमें कम अज कम $15 से $20 $30 की बचत हो जाएगी, वो आप महीने के 10-20 बेचते हैं तो $300 सीधा कर लेते हैं एक प्रोडक्ट से। मैं ना सर कुछ भी प्रोडक्ट सर मोद ने कहा था निकालनी है शीट में डालनी है, तो मैंने ना निकाल के डाली थी, तो ठीक अभी है, तक उनके आगे कोई कमेंट नहीं, मतलब शायद चेक नहीं हुई, तो अगर मैं बिजी ना होंगे आप उनको चेक कर लिया करें, रात के टाइम अक्सर वो 2-2:30-3 बजे शायद, होते हैं फिर। हाँ मैं शायद मुद भाई ने कहा था कि कोई और चेक कर रहा है, शायद शायद रिजवान वो है कोई,
वो चेक कर दो। तो सर मैंने, मेरा ये क्वेश्चन था कि जब हम एक प्रोडक्ट मतलब कि उसके मतलब प्राइस ही $45 और उसके पीछे जो मुझे प्रॉफिट आ रहा वो 26 आ रहा था मतलब, ठीक है, तो उसकी सेल 4, 5, 6 थी। मुझे नहीं समझ आई क्वेश्चन आपका, दोबारा दोहराएंगे सर। मेरी मतलब कि ना जो प्रोडक्ट मैंने निकाली थी उसकी ना $45 की वो प्रोडक्ट थी, उसकी कॉस्ट जो थी वो आ रही थी 8 की, और उसके पीछे जो प्रॉफिट आ रहा था वो $26 आ रहा था, तो उसकी सेल 450 थी। हाँ तो आपके सेलर सेलर कितने थे टोटल उसमें? 12 सेलर थे। 12 सेलर, 13वें सेलर आप हुए, आप उसको डिवाइड कर लें। फिर भी अगर लेट्स सपोज 20 यूनिट भी आ रहे हो तो पहले अटेम्प्ट में रिस्क नहीं लेना, 5 पीस लो अगर बहुत ही हाई टिकट आइटम है, ठीक है, या 2 ले लो या 3 ले लो अगर वारे की आ रही है कुछ, और $500-600 का ऑर्डर लग रहा है अगर इतने हैं पैसे या बजट ज्यादा है क्लाइंट का, तो फिर 10 पीस ले लो, ठीक है, टेस्ट होती है ट्राई सबसे पहली, ठीक है। और सर दूसरा ये कि इस टाइम जब हम मतलब कि ये प्रोडक्ट्स वगैरह फाइंड करते हैं लाइक ईबे वॉलमार्ट पे, और हम अली एक्सप्रेस और अली बाबा पे भी कर सकते हैं इसकी ऑनलाइन आर्बिट्राज की प्रोडक्ट फाइंड? नहीं उस पे ना करें क्योंकि आपको लिमिटेड टाइम में चाहिए होती है प्रोडक्ट, 3-4-5 दिन में, ठीक है, ठीक तो है। और 3PL सर्विस जो अभी आपने बताया है हमें सर, ये तो जब हम अकाउंट्स वगैरह रन करेंगे उस दौरान जो प्रेप सर्विसेज लेते हैं ये वही है? बिल्कुल ऐसे ही है, प्रेप सर्विसेज लेते हैं आप, वही 3PL सर्विस प्रोवाइडर है। सर आप लोग किन से ले रहे हैं वो बता देंगे या हम लोग अपने खुद से फाइंड करेंगे अलग से ये जाके? यार मुझे तो फिलहाल एड्रेस नहीं पता, मैं जिनके साथ काम कर रहा था 2 ही हो गया काम करते हुए, मैंने तो अभी तक लड़के आगे रखे हुए सारे, मैं उनसे चेक करके जो बहुत ज्यादा अच्छा लिजिट होगा जो आपकी इन्वेंट्री फास्ट निकालेगा मैं कोशिश करूंगा आप लोगों को रिकमेंड कर दूंगा। क्योंकि सर हम उन्होंने तो हमें वो भी रिकमेंड किया ना कि जो मतलब LLC करवाना चाहते हैं उसके लिए उन्होंने हमें वो ब्रोचर्स वगैरह सेंड किए थे ग्रुप में। हाँ बिल्कुल, तो वो मैं इसीलिए मैंने पूछा कि अगर इन केस के अगर हम LLC करवाते हैं तो कल को फिर हमें प्रेप सर्विसेज भी लेनी पड़ेंगी, तो वो भी हमें रिकमेंड किया जाएगा या नहीं? कर देंगे सर, उम्मीद कर देंगे रिकमेंड आपको। चलिए ठीक है सर, और मेरा लास्ट क्वेश्चन यही है कि सर कोई अच्छा सा VPN बता दें। VPN यार अच्छा मैं रख ला, एक्सप्रेस VPN है, हॉटस्पॉट शील्ड है। असल में VPNs का इशू जो आ जाता है ना आजकल, हमने वो प्रोटॉन की भी सब्सक्रिप्शन एंड की है, खत्म की है, उसमें भी इशू यही आ रहा था कि आपको US का VPN लगा हुआ है तो वो UK की प्रोडक्ट शो करा रहा है, UK का लगा हुआ है तो वो आपको कनाडा की प्रोडक्ट शो करा रहा है ऑनलाइन आर्बिट्राज में। तो इसके लिए मेरा ख्याल है डिफरेंट आपको ट्राई करते रहने होंगे जब तक, और वो स्लो भी कर रहा है ब्राउजिंग जो प्रोटॉन है। तो इसमें आई थिंक सो, मैंने एक दो बंदों से बात की वो यही कह रहे हैं कि एक्सप्रेस VPN है। मैं इंशाल्लाह आज बैठा हूँ कुदरतन, मैं आज चेक करूंगा कि कौन सा बेस्ट रहेगा हमारे लिए। जी ठीक है सर, अपडेट कर दीजिएगा फिर ग्रुप में। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। वकास खान, अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम, कैसे हैं आप? ठीक हैं? ठीक ठाक, आप ना सर? ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सर, मेरा एक क्वेश्चन ये था वेबसाइट से रिलेटेड के जो होलसेल में हम वेबसाइट बनाते हैं LLC के साथ, तो ये जो वेबसाइट है मतलब ये बिल्कुल हमें प्रोफेशनल बनानी पड़ेगी या हम उसको ऐसे ही मतलब प्रोफेशनल मतलब उससे गुजारा नहीं होगा, मतलब उसमें पेमेंट गेटवेज वगैरह वो सारे थीम्स प्लग नहीं लगाने पड़ेंगे? अक्सर ब्रांड चेक करते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर भी चेक करते हैं अक्सर। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है सर, थैंक यू। ओके, थैंक यू सो मच। हमना सिद्दीकी, हमना सिद्दीकी है या अभी तो मैं नाम भी सही प्रोनाउंस किया है, ये भी कि आगे पीछे गई होंगी। जी हेलो, आपकी आवाज नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही, आप कहीं माइक चेक कर लें, तब तक मैं नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेता हूँ। शॉपिफाई स्टोर, बच्चे नाम क्या आपका? अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर हम एक प्रोडक्ट हंट करें तो हमारा तो क्राइटेरिया ये है कि उसमें अमेज़न ना बैठो, लेकिन उसमें एक और सेलर शो हो रहा होता है अमेज़न वेयरहाउस, उसकी खैर है कौन सा सेलर है? वो उसकी खैर है, वो यूज्ड में बैठा होता है अक्सर, न्यू में भी नहीं बैठा होता उसका। सर कोई मसला नहीं है? नहीं, अमेज़न वेयरहाउस का कोई इशू नहीं है, उस पर चेक कर लिया करें, अक्सर आ रहा होता है UK
के अंदर वो अवेलेबल बैठा होता है या यूके वाला बैठा होता है अमेजोन, ऐसे करके आ रहा होता है डिफरेंट? जी सर, कुछ प्रोडक्ट्स मैंने हंट की थी यूके की ना, और भी मैंने एक प्रोडक्ट उसमें ना लाइव किया है, उसमें मैंने 4 प्रोडक्ट सेल कर दिए जिसमें 15 पाउंड का मेरा प्रॉफिट मार्जिन है। ठीक है। तो एक और सर क्वेश्चन था कि अगर हम एक प्रोडक्ट फाइंड कर रहे हैं और उसमें एक तो ये क्राइटेरिया कि ब्रांड ना बैठा हो, लेकिन अगर ब्रांड बैठे और ब्रांड को सेल आ ही नहीं रही, अभी मैंने एक प्रोडक्ट फाइंड किया है उसमें ब्रांड को 1% सेल आ रही है लास्ट 90 डेज में, इसमें क्या इशू है? वो इश्यू ये होगा कि ब्रांड को तो, वो तो एज अ सेलर है ना, बेशक ब्रांड है, वो तो एज अ सेलर आया हुआ है, अकेला नहीं बैठा हुआ, हमारी तरह ही वो सेलर है। अमेज़न को नहीं पता कि ब्रांड है ये नहीं है, क्योंकि उसका ट्रेडमार्क नहीं, जिस तरह उसने दूसरे सेलर्स को नहीं उठाया हुआ। तो बेशक 1% में, तो अच्छी बात है कि आप तो उसके रेटिंग रिव्यूज कम हो, ये भी वजह हो सकती है। वो एज अ सेलर ही आप उसको कंसिडर करें, बट उसमें कोशिश करें कि ना जाएं, क्योंकि ब्रांड कल या परसों कभी भी जो है वो करा सकता है अपना जो है लाभ का भला करे, ब्रांड जिससे करा सकता है। ये होलसेल साइड की क्वेश्चन था कि मैं पीएल कर रहा हूँ यूएई मार्केट में, तो ठीक है। जिस लिस्टिंग मैं कर रहा हूँ ना, वहाँ पे दो हाईजैकर्स आ गए, उन्होंने आके मेरी लिस्टिंग हाईजैक कर लिया, तो ठीक उनको है। रिमूव करने का कोई क्राइटेरिया बताएं? ट्रेडमार्क, ट्रेडमार्क करो। हाँ ट्रेडमार्क रजिस्टर करवाएं, वो हटेंगे ही नहीं आपसे। आप ट्रेडमार्क रजिस्टर कराएंगे, मैं 7-8 महीने लग जाएंगे आपको, उसके बाद आप लिस्टिंग के ऑनर हैं, कोई नहीं आ सकता आपकी इजाजत के बगैर। अमेज़न खुद रिमूव किया करेगा पीछे से। नेक्स्ट और क्वेश्चन है आपका? सर बहुत शुक्रिया, बस होंगे बस। फरवा हुसैन, हुसैन फरवा हुसैन नहीं है आई थिंक सो अवेलेबल। असनैन अली, अच्छा आ गई, हेलो सर, वालेकुम अस्सलाम। जी सर मेरा ये क्वेश्चन था, जब हमारी प्रोडक्ट वेब सेंटर जाती है तो क्या हमें खुद बताना पड़ता है कि हमारे इतने आइटम्स इतने बॉक्स में बना दो, या फिर वो वो खुद? आपको 3PL सर्विस प्रोवाइडर वाला ना 2-3 ऑप्शन देता है। एक तो ऑप्शन उसके पास ये होता है कि वो अगर तो लोकल है, पाकिस्तानी है, वो आपसे व्हाट्सएप पे कम्युनिकेशन कर रहा होता है, आप उसे व्हाट्सएप पे बता रही होती है मेरी ये वाली प्रोडक्ट आ रही है, ये वाली आ रही है और ये वाली आने लगी है, ठीक है। और दूसरा ऑप्शन आपको ये अक्सर एक्सेल शीट दे देता है, आप वहाँ पे जाके अपडेट कर देती हैं ट्रैकिंग नंबर शंबर ये वो, आपको बिल्कुल अपडेट करना पड़ता है। जी सर। और सर जब हमारे प्रोडक्ट्स रिटर्न आ रही होती है, कस्टमर हमें रिटर्न कर देते हैं, तो क्या ऐसा हो सकता है कि हम उन्हें ये कहें कि आप हमें रिटर्न नहीं को रख लो, लेकिन हमें नेगेटिव वो जो है ना वो रिव्यूज ना देना, ऐसा हो हाँ सकता आप, है? हाँ ऐसा होता है, और आप एज अ अपॉलोजी आप उन्हें दूसरी प्रोडक्ट भी भेज देती हैं, जी उसी सर। अच्छी और जी वाली। सर, और सर ऑनलाइन आर्बिट्राज में जब हम देख रहे होते हैं कि काफी सेलर्स ऐसे होते हैं जिनके रिव्यूज काफी हाई होते हैं, लेकिन बाय बुक्स रोटेट हो रहा होता है, तो काफी सेलर्स होते हैं तो बाय बुक सबके पास होता है लेकिन सबकी रेटिंग्स हाई होती है, तो ऐसा क्या क्या ऐसा होगा कि हम उसमें उसमें जाएंगे, ये हम कि न्यू अगर होंगे? तो, अगर तो बेशक आप न्यू है ना, अगर न्यू अकाउंट वैसे स्ट्रांग होता है, उसकी 100% वो होती है, रेटिंग्स होती हैं जो आपका बेसिकली अकाउंट होता है, क्योंकि उस पर नेगेटिव फीडबैक नहीं होता, आपको सेल्स रैंक मिल जाता है। बट आप ये कि उसको 1-2 प्रोडक्ट्स पे जो है आप टोटल उसे ट्राई कर सकती हैं, रिस्क ले सकती हैं, 2-1 प्रोडक्ट भिजवा दें पहले चेक कर लें, अगर 2 वो बिक जाती हैं अच्छे टाइम पीरियड में, आप फिर 10-20-30 जितने दिल करते हैं और ले लें। जी सर। और सर FBA फी जो अमेजोन की होती है वो हर प्रोडक्ट की डिफरेंट होती है, ऐसे ही है ना? ऐसे ही है। जी सर। और सर मैंने अक्सर प्रोडक्ट में ऐसा देखा है कि जो जिनका वेट ज्यादा होता है उनकी फी कम होती है, और जिनका वेट कम होता है उनकी फी ज्यादा होती है, ऐसा क्यों होता है? जिनका वेट कम होता है उनकी उनकी फी ज्यादा डिमेंशंस, होता है। उनकी फी ज्यादा होती है, डिमेंशंस अक्सर होती है उनकी बड़ी, क्योंकि इसमें डिमेंशन भी आ रहा होता है ना, या तो जी डिमेंशन सर। बड़ी होगी इस वजह से फी ज्यादा होगी, और अगर आप कहती हैं डिमेंशन बड़ी है और फी कम है तो उसका वेट ज्यादा होता होगा प्रोडक्ट का। और अक्सर ऐसा होता है कि आप ये ना FBA के उसमें जाके देख सकती हैं, यू कैन से जो FBA कैलकुलेटर है ना अमेज़ोन का,
उस पर जाके आप जी देख सर, सकती हैं। अगर लेट सपोज एक प्रोडक्ट की जो FBF ये आपके जहन के मुताबिक आपके नहीं यार ये प्रोडक्ट का वेट भी कम है, डायमेंशन भी कम है और इसकी फीस ज्यादा है, तो आप उस पर जाके डबल चेक करें। नहीं तो एक ऑप्शन मैं आपको बता देता हूँ, ये जी स्क्रीन शेयर करके ना, इसमें जाके ना आप देख सकती हैं कि ये सेल सेंटर पे लेट सपोज प्रोडक्ट है, तो मैं यहाँ से जाके करता हूँ व्यू मोर आपको। अच्छा ये इसमें नहीं आ रही अभी तक, इसमें वैसे आनी चाहिए, यहाँ पे पहले प्रॉपर एक चार्ट आ रहा होता था, बिल्कुल अभी आ रहा है, ये लोअर प्राइस है, मोर मोर प्राइसिंग स्टेटस है, और अच्छा सॉरी ये वाला ऑप्शन है, रेवेन्यू कैलकुलेटर वाला आ रहा है, और $30 इंक्लूड 7.97 FBA फी है। आई थिंक सो इनके पास एसेस पूरी नहीं है, क्योंकि इधर प्रॉपर एक ऑप्शन आ रहा होता है, जब एसेस पूरी होगी आपके पास ना, इधर आपके पास एक ऑप्शन आ रहा होता है, इसी का ड्रॉप डाउन आ रहा होता है, और आपको वो पता लग रहा होता है कि आपको पे आउट कितना मिलेगा इस प्रोडक्ट का, स्पेसिफिक प्रोडक्ट का, उस पे आप कंफर्म कर सकती हैं। अक्सर FBA कैलकुलेटर पे फी कम आ रही होगी, मगर आपको प्रोडक्ट का पे आउट कम आ रहा होगा। आप Amazon के साथ केस खोल सकती हैं कि ये प्रोडक्ट है और इसकी फी आप काइंडली रिवाइज करें, इसकी डायमेंशन भी कम है, वेट भी कम है, मेरे ख्याल से इसकी फी ज्यादा है, अमेजोन रिवाइज करेगा। और मजे की बात है, मैंने जब ये एक काम एक बार हमारे साथ ये काम हुआ है, स्विफर ब्रांड की प्रोडक्ट थी और गालबन यही अकाउंट था, उस पे हुआ ऐसे कि हमें जो FBA का कैलकुलेटर था वो शो करा रहा था $7, और जो अमेजोन हमें पे आउट भेज रहा था वो हमें लॉस में जा रहा था, क्योंकि वो होलसेल था, $2.5-$3 $4 की बचत थी उस प्रोडक्ट पे। तो वो हम लोगों ने बेचना शुरू की, जब मैं उस प्रोडक्ट को $20 का बेचूं तब मुझे $2 का प्रॉफिट आए, जब मैं उस प्रोडक्ट को $24 का बेचूं प्राइस भी ऊपर करूं तो मुझे टोटल जो प्रॉफिट है वो 2 से बढ़ने के बजाय $1.5 का प्रॉफिट आ रहा है। मुझे चीज नहीं समझ आई, मैंने अमेजोन के साथ केस खोला, जबकि मैं 1000 यूनिट उसका सेल कर चुका था, बहुत ही एक्सट्रीम लेवल की सेल थी। अक्सर आपको ऐसी जूस वाली प्रोडक्ट्स मिलेंगी जो 3-4 महीने आपको सही पैसा दे के जाएंगी। अब वो दिन की सेल 50 यूनिट 60 यूनिट 70 यूनिट दिन का जाता था उस प्रोडक्ट का। मैंने केस ओपन किया, अमेजोन ने उसकी फी रिवाइज की, रिवाइज करने के बाद अमेजोन ने मुझे एक्स्ट्रा पैसे दिए जो अमेजोन के पास थे फी रिवाइज करने के बाद, कि इसका इतना यूनिट बिका हुआ है और इसका इतने पैसे हमारे पास पड़े हैं, वो अमेजोन ने मुझे रिवर्सल भेजा उसका। जी सर। सर हम ये देखते हैं कि अमेजोन ना हो जिस प्रोडक्ट में, हम वो प्रोडक्ट देखते हैं, लेकिन सर अगर अमेजोन है लेकिन उसकी प्राइस भी हाई है और बाय बॉक्स भी ज्यादा उसी के पास है, क्या अगर ऐसा हो सकता है कि हम अपनी प्राइस को थोड़ा सा अमेजोन की प्राइस से कम करते हैं और बाय बॉक्स हमें मिल जाए? बेसिकली अमेजोन अगर एक लिस्टिंग में बैठा हुआ है तो अमेजोन खुद बिजनेस कर रहा है, अमेजोन की अपनी वेबसाइट है, उसने एल्गोरिथम ही ऐसा रखा हुआ है कि वो बाय बॉक्स शेयर नहीं होने देता। हाँ ऐसा हो सकता है कि ये सिनेरियो सारे मेरे साथ हुए हैं इसमें। अब एक लेट सपोज प्रोडक्ट है, मैं आपको रेंडमली, अब मुझे प्रोडक्ट का नाम जहन में नहीं आ रहा, मैंने एक मिनट में आपको बल्कि चेक कर लेता हूँ, आई थिंक सो ऑक्सीडेंटल लेदर है, मैं आपको दिखा देता हूँ अभी, ऑक्सीडेंटल लेदर था, और उसमें मैं आपको स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ, एक बार मुझे प्रोडक्ट मिल जाए, 138 की, ऐसे ही है बिल्कुल जी, यही प्रोडक्ट है, मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ। अच्छा जी ये प्रोडक्ट है जी ऑक्सीडेंटल लेदर, अभी इसके हम नीचे जाके देखते हैं कि अमेजोन बैठा हुआ या नहीं बैठा, अभी जेबी टूल्स के पास है और ये अमेजोन आया हुआ है, जेबी टूल्स वाला बेच रहा है जी 138 की प्रोडक्ट, और फ्री डिलीवरी दे रहा है जी भाईजान, FBM कर रहा है, और इसको हम देख लेते हैं इसके मजीद सेलर्स ओपन करके, इससे अमेजोन भी बैठा हुआ होगा, और जेबी टूल्स है ये यूज में अमेजोन बैठा हुआ है, और न्यू में अभी तक आई थिंक सो नहीं है, चेक कर लेते हैं, अक्सर आउट ऑफ स्टॉक होता रहता है इस लिस्टिंग से। अमेजोन न्यू, लाइक न्यू है, और न्यू है, न्यू है, न्यू है, ठीक है। अच्छा इसमें अभी फिलहाल अमेजोन नहीं है, इसी लिस्टिंग में मैंने सेल किया हुआ है, इसी लिस्टिंग के अंदर मैंने सेल किया हुआ है। मैं आपको स्क्रीन शेयर हो रही है ना आप लोगों के साथ? जी सर। अच्छा जी अमेजोन का स्टॉक पड़ा हुआ है इस वक्त, शो नहीं हो रहा, पता नहीं क्या चक्कर है, 1000+ का पड़ा हुआ है, 97% अमेजोन लेके जा रहा है बाय बॉक्स, और इसी प्राइस पे, इसी के अंदर ये प्राइस इसकी तकरीबन जो उस वक्त जा रही थी लंप सम ज्यादा जा रही थी, जहां तक मेरा ख्याल है, क्योंकि मैंने ये प्रोडक्ट जो है 125 130 की बेची है खुद लोएस्ट रख के, 2 पीस थे मेरे, बड़ी मुश्किल ओके सो के करके मैंने कोई महीने में 2 यूनिट बड़ी मुश्किल निकले, उसका भी एक रिफंड ला गया बाद में इस प्रोडक्ट का, हालांकि इसकी सेल्स बड़ी जबरदस्त है, जनान सेल्स है इसकी, अच्छा अभी तो 60 भी आई हुई है इसकी सेल्स टोटल, उस वक्त ठीक थी सेल, ये बेसिकली मुझे क्लियरेंस से मिली थी ये प्रोडक्ट,
ओकू लेदर 5055, बिल्कुल यही प्रोडक्ट है, सेम बिल्कुल वही है। इसमें ये मुझे क्लियरेंस सेल पे मिली थी लास्ट ईयर ये प्रोडक्ट, और ऐसी आती है, बट वो ओके ही होता है निकालना, दो यूनिट होते हैं, फिर मार्जिन बहुत खुला डुला देना पड़ जाता है। फिर अच्छा मजे की बात है कि वो बाय बॉक्स हो सकता है मुझे ना मिला हो, कोई परचेजर आया हो सयाना, उसने यहाँ से ओपन किया और उसने देख लिया हो, हाँ यार ठीक है ये अमेजोन लेट सपोज 140 की दे रहा है, तो मैं लेट सपोज 125 की ये सेलर बेच रहा है, तो मैं इसकी प्रोडक्ट परचेज कर लूँ, ऐसा होता है। जी सर, थैंक ठीक है, यू सर। जी सर, थैंक यू सर। वेलकम। अच्छा हसनैन अली, जी अस्सलाम वालेकुम सर। अच्छा वालेकुम अस्सलाम। सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि मैंने कोई तकरीबन 4 महीने पहले अपना एक सेलर अकाउंट बनवाया था किसी अच्छा बंदे से। उस टाइम पे मेरी कुछ इनिशियल स्टेजेस थी, तो ठीक है, उस बंदे ने बस बड़ी गेम की कि मैं रह रहा हूँ यूरोप के अंदर, पुर्तगाल में हूँ, अच्छा और उसने मेरी जो एड्रेस वगैरह दे दिया, वो सारे का सारा उसने उस टाइम पे दिया पाकिस्तान का। ठीक है, उसके बाद उसने मेरी वीडियो कॉल वेरिफिकेशन भी नहीं करवाई, पता नहीं उसने क्या गेम की, मुझे नहीं समझ। ठीक बहरहाल, है, उसके बाद फिर वो मेरा अकाउंट जो है वो अंडर वेरिफिकेशन चला गया, और मुझे वो प्रूफ ऑफ एड्रेस में मैं जाके फंस गया। ठीक वो है, कुछ मुझसे बैंक स्टेटमेंट मांग रहे थे, और या तो फिर कोई यूटिलिटी बिल वगैरह, तो मेरे पास तो बाई नेम कोई नहीं था। बहरहाल, मैं उस चीज से तो निकल आया। मैंने उनको बड़ी मुश्किलों से अपीलें कर करके कर करके मैंने उनके साथ को वीडियो कॉल वेरिफिकेशन की तरफ उनको लेके आया। ठीक है, उसके बाद फिर मैंने अपना एड्रेस चेंज कर लिया पुर्तगाल का। अभी ठीक है, मैंने इसके ऊपर कोई सेलिंग वगैरह नहीं की, तो ठीक है, मैं चाह रहा हूँ कि मैं अब LLC बनवा लूँ। ठीक है, अगर मैं LLC सर बनवाता हूँ, तो उसमें मुझे दो चीज़ें बता दें। क्या मैं वो LLC को इसी के ऊपर अपडेट करूँ, इस अकाउंट के ऊपर, या अगर पॉसिबल है तो मैं ये अकाउंट क्लोज करके LLC पे नया अकाउंट जो है ना वो क्रिएट हो सकता है मेरा। हेलो, हेलो, ये सर के सिग्नल खराब हो गए हैं या मेरे खराब हैं? मेरी आवाज आ रही है किसी को? जी आ रही। अच्छा, ये सर के फिर हो गए सिग्नल खराब आई थिंक। तो आवाज आ रही है आपके? हाँ अच्छा, वो फिर उनका कुछ हो गया है। हो सकता है लाइट चली गई हो वहाँ। ज़ाहिर है जी, पॉसिबल है पाकिस्तान में। भी है ठीक ठाक है हसैन भाई, जी सर, अल्हम्दुलिल्लाह, दुआ कर दिया करें। जी आप भी दुआओं में याद रखा करें। इंशाल्लाह सर, क्यों नहीं क्यों नहीं। कोई काम शाम कर रहे हैं, मतलब कोई किसी बंदे ने कोई अपना बनाया सैलर अकाउंट? नहीं अभी तो सिर्फ लर्निंग ही हो रही है, आप ही ने बोला था लर्निंग कर रहा हूँ अभी। जी, लर्निंग बड़ी ज़रूरी है इसमें सर जी। बड़ी प्रोफेशनल किस्म की चीज़ें हैं जो आपको बेसिकली इस टाइम पे करने की। क्या चीज़ें हैं कि एक तो मार्केट के अंदर कंपटीशन बहुत है, ऐसे ही है। हाँ और सेकंडली सर फ्रॉड बहुत है। अब इन दोनों चीज़ों को कम्पीट करने के लिए ना प्रोफेशनली स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है। सही कह रहे हो, मैंने सर जितनी मार्केट इस टाइम पे एक्सप्लोर की है, और मेरे साथ जो भी इस टाइम पे हुए हैं, मतलब फ्रॉड वगैरह सब कुछ यार, सर आ गए। अच्छा जी, अब सर की आवाज नहीं आ रही। सर आपकी आवाज नहीं आ रही, थिंक अब आप आ रही है म्यूटेड हैं। आपको? अब आ रही है? जी, अभी आ रही है। अच्छा बोले, वो असल में बच्चे ने किसी ने इंटरनेट हिला दिया था वायर ना। अच्छा, सर तो उसमें मैं ये पूछ रहा था कि अभी मैंने इसका अपने अकाउंट का एड्रेस चेंज करवा के, मैंने पुर्तगाल का एड्रेस जो है ना वो हो गया मेरा, चेंज तो हो ठीक गया है, है, ताकि अगर इन फ्यूचर मुझे कोई ऐसी किसी स्टेटमेंट की ज़रूरत पड़ती है तो मैं वो यहाँ से प्रोवाइड कर सकूँ।
ठीक है अब मैं चाह रहा हूँ कि मैं एलएलसी बनवा लूँ, और क्या सर मुझे आप रिकमेंड करेंगे, क्योंकि मेरे अकाउंट के साथ पिछले 4 महीनों में बहुत सारे पंगे हो गए हैं और मैंने कोई इनके साथ हजारों केसेस अच्छी जो पंगे स्टेट में, हैं। अच्छी स्टेट में करा लें रजिस्टर, और यूएस की मार्केट प्लेस सेलेक्ट करके वहाँ पे जो है बिस्मिल्लाह करें, वाइज का अकाउंट बनाएं, कोई ट्रांजेक्शन इन एंड आउट करें वाइज में, बैंक चार्ज मेथड, डिपॉजिट मेथड डालें, जी जी वेरिफिकेशन सर दोबारा मेरा होगा। क्वेश्चन असल में ये है कि आप क्या रिकमेंड करते हैं कि मैं एलएलसी बना के इस ये जो अकाउंट मेरा है अभी फिलहाल जो मैंने अपना बनाया इंडिविजुअल प्रोफेशनल अकाउंट है, इसको अगर मैं क्लोज करके नया अकाउंट एलएलसी पे बना लूं कोई नहीं, इशू? एलएलसी पे तो अकाउंट बनेगा ही नहीं आपका। जी जी मतलब मेरी हर चीज तो वही यूज होगी, लेकिन अगर मैं अपना ईमेल अपनी जो है ना वो उसको चेंज करके बना लेता हूँ और एड्रेस। हाँ बिल्कुल, एड्रेस आप चेंज कर लें, पाकिस्तानी एड्रेस पे पहले बनाया था ना। जी वो तो मैंने उधर का बनाया था, उसके बाद फिर यहाँ का भी इनको मैंने दिया है, चेंज करवाया अपना एड्रेस पुर्तगाल ठीक है का। बट डन हो गया, पुर्तगाल के एड्रेस पे बेशक नया साइन अप कर लें, बट आई थिंक सो अगर वो पुर्तगाल वाली चीज़ें डल गई हैं तो बिस्मिल्लाह करें, एलएलसी रजिस्टर करें, कुछ भी इशू नहीं आएगा मतलब इसके इंशाल्लाह। साथ कोई इशू तो नहीं होगा, क्योंकि नहीं मेरे नहीं इनके साथ मैंने इनके साथ पिछले 4 महीनों में बहुत सारे वो मतलब की हैं चीज़ें, नहीं नहीं कोई इशू नहीं अकाउंट होगा इंशाल्लाह, हेल्थ तो मेरी ठीक है। कोई इशू नहीं अच्छा सर होगा। एक यूके मार्केट प्लेस के रिलेटेड कोई अगर मैं आपसे सवाल पूछना चाहूँ तो रेलिवेंट है पूछे 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 सर, आप यूके उसमें? सर ये पूछे, है दुबई कि पूछे, खलीज अच्छा पूछे, अच्छा कुछ पूछे। श्योर सर, उसमें ऐसा है सर कि मेरे पास दो और अकाउंट्स हैं और उनका भी ऐसा ही हुआ कि इनिशियल स्टेजेस के अंदर मुझे पता नहीं था और एक मैंने नाकस बंदे को ये सारी चीज़ें मैंने करवाई और उसके बाद उसने मुझे एक चीज़ ये नहीं बताई कि भाई साहब जब यूके मार्केट प्लेस को आपने नहीं ओपन करना, क्योंकि उसको जैसे ही ओपन हम करते हैं तो वो फिर विदाउट एलटीडी जो है वो आपकी नहीं होती रजिस्टर्ड, वेरीफाई नहीं होती। यूके उनको मैंने की नहीं, आप जी क्या कह रहे, आपने यूके की कंपनी रजिस्टर कराई है यूएस की कराई है? सर अभी जो मैंने करवाई नहीं थी, पहले मैंने अच्छा 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 इसको इंडिविजुअली अकाउंट बनाया, ठीक है उस बंदे ने मुझे बना के दिया, उसके बाद ठीक उसने है मुझे कहा जी आप मुझे इतने पैसे दे दो तो मैं आपकी 17 मार्केट प्लेसेस ओपन कर दूंगा तो फला फला फला। तो वो बिल्कुल अच्छा, एक इनिशियल स्टेज थी और उसके बाद मेरे वो तो आप पास खुद कुछ कर सकते हैं बैठ के 2 मिनट के जी अंदर। जी 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 अनेबलर्स के कुछ मेरे साथ स्टूडेंट्स थे तो उन्होंने मुझे बहुत अच्छा गाइड किया जिसकी वजह से मैं उसके आगे जाना फंस गया। उसके बाद सर मैंने उसने वो वेरीफाई तो नहीं हुई, अंडर वेरिफिकेशन थी तो उसने मुझे दे दी। यूके की मार्केट प्लेस में मैं गया हूँ, मैंने जाके उसको वेरीफाई करने के लिए ओके किया है, डिटेल सारी वही दी है जो मेरे पास थी ऑलरेडी पाकिस्तान की। उसके ऊपर फिर मुझे उन्होंने ईमेल भेज दी जी आपकी जो लीगल एंटिटी है वो करेक्ट नहीं है, तो एज अ इंडिविजुअल आप इसको नहीं कर सकते रजिस्टर, तो आप इसको करो। वो फिर काफी अरसे के बाद चीजों को करते करते अमेजोन से बातचीत करते उन्होंने मुझे बताया जी ये आपका जो बिजनेस है या तो ये वहां पे होना चाहिए जो है ना रजिस्टर्ड, या तो फिर आप यूके में रह रहे हो तो फिर उस सूरत में आप इसको वेरीफाई ऐसी होगा। है। फिर उसके बाद सर मैंने एलटीडी बनवाई दोनों 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 अकाउंट की, सिर्फ उसको वेरीफाई करने के लिए कि मुझे यूके में कोई खास इंटरेस्ट भी नहीं था, मैं काम भी नहीं करना चाहता था, लेकिन सिर्फ मुझे उसको बेसिकली सिर्फ वेरीफाई एक दफा करवा के तो उसको क्लोज करना था, या तो फिर उसको ठीक मैं उस पे डाल दूं लोकेशन है मोड पे। ठीक है अब सर पंगा कहाँ पे आ गया कि उसके बाद मैंने एलटीडी बनवाने के बाद उसको मैंने सबमिट करवाया, सबमिट करवाने के बाद फिर वो एक उन्होंने मुझे एक ईमेल भेज दी जी जो आपका जो प्राइमरी रेजिडेंट है सॉरी क्या था रेजिडेंटल अच्छा एड्रेस वो आपका जो है ना वो अप्रूव नहीं है। फिर उनके साथ बिल्कुल, मैंने एक हाँ चैट उस की, पर चैट ओटीपी करने आता के है आजकल, बाद एक कार्ड आता है। जी जी वो फिर उनके उसके बाद फिर मैंने सर उनको जो है ना कॉल की अमेजोन को, फिर उन्होंने मुझे कहा जी आपका प्राइमरी एड्रेस और रेजिडेंटल एड्रेस सेम होना चाहिए। ठीक है मैंने फिर उसमें क्या किया कि मैंने रेजिडेंटल एड्रेस के अंदर भी यूके का डाल दिया एड्रेस, फिर उसके यूके बाद का तो, प्रूफ यूके का ड्रेस तो नहीं था ना आपके पास, आपने पाकिस्तानी ड्रेस डालना था, और यूके का जो पहले एड्रेस था डाला वो था सर, उसकी कंपनी। अच्छा पहले डाला था पहले डाला था प्राइमरी में मैंने डाला था यूके का जिसके ऊपर मेरी कंपनी थी, ठीक है, रेजिडेंटल एड्रेस में मैंने अपना पाकिस्तानी पाकिस्तानी एड्रेस डाल के नीचे ठीक जो है ना है प्रूफ ऑफ एड्रेस में मैंने बैंक स्टेटमेंट दी थी, ठीक है लेकिन वो उन्होंने नहीं अप्रूव किया। बाद में फिर मैंने अमेजोन के साथ जो है ना कांटेक्ट किया, उनकी अकॉर्डिंग जो भी मेरी बातचीत हुई तो उन्होंने उन्होंने मुझे कहा जी प्राइमरी एड्रेस और आपका रेजिडेंटल एड्रेस जो है ना वो सेम होना चाहिए, ठीक है वो भी सर मैंने कर दिया। उसके बाद फिर ये हुआ कि वो प्रूफ ऑफ एड्रेस में आके मैं जो है ना फंस गया। अब एक अकाउंट के ऊपर जो है ना प्रूफ ऑफ एड्रेस में मैं जो है ना फंसा हूँ, उसके ऊपर वाइज का अकाउंट की मैंने उनको दी थी स्टेटमेंट, वो एक्सेप्टेबल नहीं थी, उन्होंने कहा जी डिजिटली आपकी कोई भी इनवाइस जो है ना वो हम एक्सेप्ट नहीं करते प्रूफ ऑफ एड्रेस अच्छा, में। उधर ऐसा करें ना, फिलहाल जाके पाकिस्तानी एड्रेस डालें, दोबारा से वो सर वेरिफिकेशन करवाएं, और एडिट नहीं अमेजोन हो रहा, को,
एडिट नहीं हो रहा, अमेजोन के साथ केस ओपन करें, उनको समझाएं, अच्छा सर इस सिनेरियो में मैं थोड़ा सा कोई पॉलिसी भी निकाले आगे अमेजोन चलता की हूँ। ना। जी ठीक जी है जी मैं इस सिनेरियो में मैं आगे थोड़ा सा चलता हूँ। मैंने दोनों अकाउंट्स के ऊपर अब थोड़े डिफरेंट हो गया ना। ठीक है। अब एक अकाउंट का मसला सर ये आ रहा है कि प्रूफ ऑफ एड्रेस में तो चलो मुझे थोड़ी बहुत समझ लग गई कि उसके बाद मैं गया जो है ना गिफ्ट गैस से मैंने जो नसीम वहां पे भिजवाई, उसके ठीक बाद है उसके ऊपर मैंने एक बैलेंस दिलवाया, उसकी इनवाइस उनको मैंने दी, उसके ऊपर भी ठीक थोड़ा है। सा इशू आ गया कि मैंने जो उसकी पेमेंट की थी वो थर्ड पार्टी अकाउंट से थी, तो वो मुझे अच्छा समझ लगी कि वो यूके के अंदर अगर हो तो वो मे बी अप्रूव्ड है। हाँ, इनवॉइस अर्न गेटिंग के लिए। जी नहीं नहीं सर इसमें जो प्रूफ ऑफ एड्रेस है अच्छा प्रो, सॉरी। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक वो तो चलो सर एक इशू हो गया क्लियर, लेकिन अब दो है। अकाउंट हैं। एक के ऊपर मसला ये आ रहा है कि वो कह रहे हैं जी जो आपका रेजिडेंटल एड्रेस है वो मीट नहीं कर रहा आपका जो सेलर सेंट्रल की इंफॉर्मेशन है। ठीक है। चलो इसमें एक ऐसा तो होगा, इसमें ऐसा होगा, इस जी पे ना चाइल्ड लाइसेंस आप मुझे भेज दीजिएगा ना, जो जी लॉगिन क्रेडेंशियल्स हैं, मैं इस पे एक जी बार सर चेक कर लूंगा खुद ओपन करके ठीक वो हो मेन गया इश्यू दे रहे कहाँ पे। अक्सर ग्लिच भी आया होता है, अक्सर आप चीज़ें इंफॉर्मेशन सही भी दे रहे होती हैं। अमेजोन को अपनी पॉलिसीज खुद नहीं याद रहती। जेनेरिक लिस्टिंग्स भी हम लोग अक्सर बेच रहे होते हैं तो उसमें भी हमें आईपी कंप्लेंट भेज देता है, उसको बताते हैं अमेजोन के भाई तुम्हारी पॉलिसी में कोई भी बेच सकता है आके, किसी की राइट नहीं है, लिस्टिंग ऑन द राइट ही नहीं है इसका कोई। तो ये कि सही। वो आप मुझे दीजिएगा, असेस मैं चेक कर लूंगा खुद पर्सनली। अच्छा सर अब दूसरे अकाउंट का एक इशू मैं आपको बताता हूँ। अब उसके बस जब आपके साथ सर ये चीजें होना शुरू होती हैं तो फिर ये एक से बढ़ के एक होना शुरू हो जाती हैं। कोई मसला एक नहीं, अकाउंट खैर का है, सर सीखा क्या यहाँ पे हो करें। गया, अब सेकंड अकाउंट आ जाता है जी। सेकंड अकाउंट के ऊपर सर अब क्या इशू आया हुआ है, उसके ऊपर भी सेम इशू था कि उन्होंने मुझसे कुछ आइडेंटिटी जो है ना वो मुझसे मांगी थी और मैंने पहले उनको आइडेंटिटी दी हुई थी पाकिस्तान का जो आईडी कार्ड है उसके ऊपर ही बेसिकली वो मेरा सारा कुछ ठीक था। है अमेजोन के साथ मैंने कॉल की, उनके साथ को मेरी राउंड अबाउट 55 मिनट्स बात हुई, उसके ऊपर मैंने उनको तमाम चीज़ें बताई उस बंदे को। मैंने कहा यार देखो मेरा मसला ये है कि मुझसे बाई मिस्टेक ये जो है ना यहाँ पे ओपन हो गई और मैं इसको कंटिन्यू नहीं करना चाहता था। उसके अकॉर्डिंग फिर जो भी चीज़ें हुई हैं मैंने उनसे बात की, LTD बनवाई, सब कुछ किया। मैंने कहा यार मुझे इसका ना हाल बताओ, मुझे सिर्फ इसको वेरीफाई करना है, वेरीफाई करने के बाद मैं इसको वेकेशन मोड पर डाल दूंगा, मुझे काम करना ही नहीं है, छोड़ दो बाकी सारी चीज़ें। उसके ऊपर फिर उसने मुझे कहा हाँ ठीक है, उसने मुझे एक हाल बता दिया कि यार आप ऐसा ऐसा करो मैं आपका एक जो है ना वो आगे जो वेरिफिकेशन टीम है उनको मैं आपका वो पूरे का पूरा केस मिला देता हूँ। तो जो चीज़ें उसने मुझे कहा कि ये दे दो, मैंने कहा सही ये दे देता हूँ। अब उसके ऊपर सर मसला ये आ गया कि जिस बंदे से मैंने LTD बनवाई थी उसने को फिजिकल एड्रेस यूज़ किया हुआ था। ठीक है। फिजिकल एड्रेस जो उसने यूज़ किया था वो उसका कोई दोस्त था, अब पता नहीं क्या कोई होगी जो है ना गड़बड़, और मैंने वहां पे जो है ना सिम अपनी जो है ना शिपमेंट करवाई, शिप मेरी हो गई सिम, अब वो जो है ना सिम मुझे नहीं मिल रही क्योंकि उसने कहा जी वो मेरा दोस्त बिगड़ गया है तो मेरी कॉल नहीं उठा रहा नहीं, था ऐसा दोस्त सारा का कुछ कॉल नहीं किया था। उठाया, चक्कर होगा दोस्त ने उस एड्रेस पे, क्या पता एक नया अकाउंट साइनअप कर लिया हो, पता नहीं सर लेकिन वो मुझे ऐसा नहीं दे हो रहा था। सकता है, ऐसा हो सकता है वो आपको नहीं देगा उसका। फिर तो दो तरह के चक्कर हैं, अगर तो दोस्त दूर पार के हेलो आए वाला, फिर तो लीगल केस हो जाता है, उस पर वकील चील कुछ करना पड़ता है, नहीं और नहीं तो फिर फिर उस बंदे ने जिससे मैंने LTD बनवाई थी उसने मुझे एक नई LTD बना दी है ठीक इन्हीं है। सेम जो है ना डिटेल्स के ऊपर। अब इस नई सेंस में एलटीडी, मुझे जी मेरे पास अब यूं समझें कि एक सेम डिटेल्स के ऊपर दो LTDs आ गई, एक जो पहले मैंने डिटेल्स दी हुई हैं अमेजोन के ऊपर वो अब उस बंदे ने मुझे नई LTD विदाउट मुझसे पूछे कुछ किए वो मुझे नई बना के दे दी है, यार वो मुझसे पुराना एड्रेस जो है ना वो खो गया तो आप ये नई LTD ले लो। नहीं उस पे आपको दो, अब एक एक अकाउंट पे आपको एक ही एलटीडी लगानी पड़ेगी। आप मुझे ना ये दोनों अकाउंट की चाइल्ड एसेस भेजें, मैं ये पर्सनली चेक करके आपको बताता हूँ। ये थोड़ी लंबी राम कथा है सर इसकी, फिर मैं आपको जूम जी पे ले बस लूंगा, ये मुझे थोड़ा सा मसला मेरा हल कर दें क्योंकि मैं मैं कर दे दूंगा अपना जी। होगा, मैं सर हो सके पांच महीने थोड़ा सा लेट हो जाऊं, एक दो तीन दिन सर 4 दिन, मगर ये कि कोई मैं मसला नहीं है इसी हफ्ते में इंशाल्लाह कर दूंगा। असल में वो काम इतने होते हैं ना कि वो सुबह मैं घर सिर्फ रात को सोने जाता हूँ, अच्छा और सुबह नाश्ते पे मुलाकात होगी घर वालों से, अम्मा से हो जाती है, वालिद साहब से होगी तो होगी, नहीं बहन भाइयों से होगी तो होगी, बस नाश्ता किया और फिर ऑफिस आ जाता हूँ, फिर इधर के 100 लंजे खुल जाते हैं। तो ये कि सर मैं आप आपको यकीन इंशाल्लाह कर ऐसे सकते हैं कि भेजूंगा, मैं पिछले 4-5 महीनों से इन सारी चीजों के अंदर अब मैं ना थक गया हूँ तो हो जाएगा, कोई मसला नहीं। इन आपको एक स्टेज आती है एक आप अकाउंट मतलब थक रेडी कर जाते हैं। देंगे, आपको एक अकाउंट रेडी कर देंगे बेचने के लिए, ठीक है सर तो इसमें ठीक है। सिर्फ ना मेरा मसला सिर्फ इतना सा, मेरे बाकी हर चीज हो गया, सिर्फ ये जो यूके की मसला है ना पड़ा वेरिफिकेशन का, अगर ये हो जाए इसको वेकेशन मोड हो पे जाएगा डाल के आराम से इंशाल्लाह, जो है ना साइड पे हो जाऊँ। इंशाल्लाह हो तीन जाएगा। अकाउंट है आपने सर अब मेरे पास, मैं मतलब यकीन करें कि बस उसने बड़े पैसे एक जाए किए, अकाउंट आपको एक ही मार्केट टारगेट करनी पड़ चाहिए थी। सर जी मैं कोई ये अमेजोन सीखने के ऊपर मैंने राउंड अबाउट मैं अगले दिन भी हिसाब कर रहा था, राउंड अबाउट मैंने 11 साढ़े 11 लाख रुपए अभी तक खर्च हो चुके हैं मेरे,
और ज्यादा ये जो ऐसी असल हमारी में राइट पाकिस्तानी कौम है ना, इतनी अजीब से बंदे हैं कि 4 दिन जो है ना किसी बंदे से क्लास लेते हैं, 5वें दिन अपना इंस्टीट्यूट खोल के बैठ जाते हैं, या तो ऑनलाइन कोई आपको जो है ना देना देना शुरू कर देते हैं सर फीस। नहीं चले, वो तो एक अलग सिनेरियो होता है, मगर मुझे नहीं सर पता। उन्हीं की मैंने वजह से मैं ये सारा कुछ फेस कर रहा हूँ, यकीन करें, असल में बंदे से लोगों के बात पास करता हूँ। राइट जी नॉलेज जी नहीं है किसी के पास ना ऐसे ही सर मसला है काम ना, यही करने का। मसला है। तो वो एक दिन सीखा, 2 दिन सीखा, हर कोई कहता है कि यार मैं ट्रेनिंग लेट सपोज दे के तो करोड़पति बन जाऊं, तो वो वाला सिनेरियो कई सर कई कामयाब ट्रेनिंग के हो जाता अलावा है। भी जितनी सर्विसेज हैं सभी की सभी फजूल किस्म की दे रहे हैं। अगर आप किसी बंदे से, मैंने ये जिस बंदे से मैंने एलटीडी बनवाई है, इसको मैंने पूरा सिनेरियो समझाया है कि यार मुझे इस मकसद के लिए एलटीडी चाहिए, ये चीजें मुझे साथ में चाहिए, अगर तुम कर सकते हो तो बताओ। मैंने कहा यार देखो पैसों के लिए तुम जो है ना कुछ भी अगर करना चाह रहे हो मुझसे पैसे ले लो, अगर तुम्हें किसी चीज की इंफॉर्मेशन नहीं है, लेकिन मुझे राइट चीज बता देना यार, मुझे इस चीज का पता है लोगों को इसका नहीं नहीं है पता। नॉलेज, नहीं है, नहीं नहीं है नॉलेज लोगों को। और जो असल में चक्कर ऐसा है कि कुछ ने तो लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए कोर्स सीखा और आगे सिखाना शुरू कर दिया, और किसी ने 50,000 रुपये पे ट्रेनर हायर कर लिया, 70 पे वो आता है और करोड़ों के ख्वाब दिखा रहा है लोगों को, चीजें गलत गाइड कर रहा है। तो ऐसा हुआ है पाकिस्तान में, असल में पैसा कमाने के चक्कर में लोगों ने किया है, जो सच्ची सीधी बात है। नौसरबाज सर रहे हैं हुआ मार्केट नहीं, में, अभी हो रहा है सर, अभी हाँ हो रहा है, मजीद हो अभी रहा है, भी और ऐसे मैं ही है, सच में ऐसे बड़ा ही है। परेशान हूँ ऐसे लोगों से। और बट ये कि हम इसी चीज को थोड़ा सा कवर करने, हालांकि जब अभी हमें नहीं आना चाहिए था मार्केट में, क्योंकि स्पेस कम था, इतना सा स्पेस था बिल्कुल, क्योंकि इतना पहले स्पेस था वो डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स ने आके वो कवर कर लिया, इतना सा स्पेस था जो मार्केट में, वो इसी चीज के लिए है कि यार राइट नॉलेज, राइट चीजें। अब इतनी डिटेल में चीजें, मैंने आपको सच्ची बताऊं, पाकिस्तान के तकरीबन एक ही होलसेल के एक्सपर्ट्स हैं जो हैं भी, उन्होंने काम भी किया हुआ है हमारे से, शायद पहले के कर रहे हैं, 2015-16 से कर रहे हैं। मैंने उनकी भी ना पेड ट्रेनिंग के लिए, एक मसला था छोटा सा मेरा जो हल नहीं हो रहा था पिछले 4-5-6 महीने से, उस वक्त 2018 में जी मैंने उनको 75,000 रुपये, $450, $160 का जमा पूंजी उनको दे दी, मेरी पे ही नहीं थी, 2300-2400 रुपये मेरी पे थी जिस क्लाइंट के साथ मैं काम कर रहा था। मैंने उनको पैसे दिए, बड़ी मुश्किल उनसे मसला छसला ए टू जी जो है वो सॉल्व कराया, बट वो उनका एक तो जुबान का चक्कर आ गया था बीच में कि वो जुबान उस तरह नहीं थी, सेकेंडली उनको मसलों के हल पता थे बट वो हेल्प नहीं करते थे किसी की मजीद डीप में जाके। और जब हमने उनसे काम सीखा, मैंने कुछ सेलर सेंट्रल का ऐसे ही, मैंने कहा यार चलो, मुझे हालांकि काम आता था, मैंने उनसे मसला सॉल्व कराया 75,000 रुपये में उस वक्त, और बड़ी रकम थी मेरे लिए उस वक्त, उस वक्त होंडा सी डी 70 था 69,000 का। और बहरहाल उनसे मोटरसाइकिल नहीं लिया, उनको पैसे दे दिए। सेलर सेंट्रल के अंदर जिस तरह आज मैंने आप लोगों को ना एक चीज सिखाई है, आप अभी जी भी जी उनका ना, बल्कि मैं नाम नहीं लूंगा, हो सकता है आपके जहन में आ गया हो, होल सेल के बेसिकली वो एक्सपर्ट्स हैं, आजकल इट्सी वगैरह भी कर रहे हैं आप उनके, अभी भी इसके जो उनकी वेबसाइट है उन पे जाके आप फ्री कोर्स को पढ़ा हुआ है, सब असेस कर सकते हैं। एक एक्सट्रीम कॉमर्स अलग है ना, वो तो जी जी अच्छे जी लोग मैं हैं समझ रहा हूँ, जी जी सपोर्ट के मुझे में, बिल्कुल हाँ आपकी बात समझ आ रही आप उधर चले जाएं अभी भी, तो वो उधर इंस्ट्रक्टर का ना कोर्स पढ़ा हुआ है, हमने तो वो, मैंने एक ही क्लास, जिंदगी पूरी एक क्लास अटेंड की है टोटल उनकी, उधर है। जाके मैंने वो अटेंड की, उसमें उन लोगों ने स्क्रीन शॉट्स लेके और स्लाइड्स से वो सिखा रहे थे उस वक्त सेलर सेंट्रल का, कि किस तरह एसेस होती है चीजें, क्या होता है क्या नहीं होता। तो वो हर किसी का ट्रेनिंग का डिफरेंट है, मेरे सामने चीज ऐसी है कि हलाल इज हलाल एंड हराम इज हराम, ठीक है। वेरी गुड सर, आज वेरी लेट गुड सपोज मेरे बैच की क्लास नहीं थी, ठीक है, मैं जी कहूँ क्योंकि मैं क्लास देते ही नहीं हूँ, मेरे पास टाइम ही नहीं होता क्लास देने का। लेट्स सपोज हमूद के बैच की क्लास है, उसका सिस्टम चल रहा है, तो मैं कहता यार ठीक है, बस इनको ऊपर ऊपर से चीजें बताता हूँ, मुझे क्या जरूरत है, मैं 7:30 बजे का बैठूँ, अब क्या टाइम हो रहा है, 9:18 हो रही है, ठीक है, मुझे तो कोई जरूरत नहीं है कि मैं इतना लेट्स सपोज डीप में जाऊँ, बट वो बात वही आ जाती है हलाल हराम के, हलाल करना है। अब लेट्स सपोज आप लोगों से पेमेंट्स कंपनी को आई हुई है, कंपनी की जो पेमेंट आप लोगों के पास आई है, आप लोगों का पैसा हलाल करना है, आगे आपके नसीब में आपने कैसे पैसा कमाना है, क्या करना है, किधर जाना है, कितने अकाउंट संभालने हैं, हमारे से कितने अकाउंट लेने हैं, वो एक अलग सिनेरियो, बट हमारा तो यही मानना है कि यार अगर कोई चीज फ्री में भी कुछ सीख रहा है तो हम उसे सिखाते हैं, कोशिश ऐसा करते सर हैं कि यहाँ पे डिलीवर मैं एक और चीज करें। आपके साथ शेयर अगर कर दूं यहाँ पे, अगर जी जी उसको जी आप जी ओपन कर दें, जितने चले स्टूडेंट्स तो कम ही रह गए जी हैं। मे बी के मैंने एक ना कमेंट बॉक्स में आपको एक सेंड किया लिंक, उसको काइंडली जरा ओपन करें। एक इनको मैं आज मजीद ना प्रोफेशनलिज्म के रिलेटेड शायद ये कुछ इनके काम आ जाए, क्योंकि सर मेरा मसला ये है कि मैंने अभी तक अपनी कोई भी प्रोफाइल जो है ना उसको क्रिएट नहीं किया। उसकी सिर्फ एक वजह, मेरे पास अगर नॉलेज की बात करें, मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं 11-11.5 लाख रुपए खर्च कर चुका हूँ और मैंने बहुत सारी चीजें सीखी भी हैं। पिकअप वैसे भी मेरा एक जो फील्ड एक्सपीरियंस है वो भी अल्हम्दुलिल्लाह काफी है, 12-13-14 साल का है, या तो आपने मैं कर वेबसाइट सकता क्यों हूँ। बनाई हुई, अपना पोर्टफोलियो बनाया हुआ ना। जी सर, अच्छा ये है एक इसको हम कहते हैं जी अपना
अच्छा, ये बेसिकली ये कंप्लीट करने के बाद आपको ये सनी अली के साइन हुए ना नीचे? ये मैंने, ये सर मेरे ही हैं, अच्छा, आपका नाम क्या नाम है आपका? सनी अली नाम है हसनैन, आपका? अच्छा, हसनैन अली हसनैन है, तो अली। वो बस वैसे ही डाल दिए, ये एक अच्छा रैंडम अच्छा फॉर्मेट है, और ये ये सर्टिफिकेट सर है। एक बिजनेस बिजनेस प्रपोजल है ये। अगर आप किसी भी क्लाइंट के साथ काम करना चाहते हो, किसी को आप भेजना चाहते हो, ऐसे अभी ही ये है, सिर्फ एक फॉर्मेट है, अभी मैं ऐसे इसको ही है। मजीद जो है ना वो प्रोफेशनल करूंगा, काम ठीक है, इसके ऊपर अभी इसमें मेरा इसमें होना है। ऐसा होगा ना, इसमें ऐसा होगा ना, आप अपना करेंगे कोर्स रिकॉर्ड, ठीक है, इसके ही एक वीडियो, दो जी वीडियो, तीन वीडियो आप रिकॉर्ड करेंगे, वो आप जी मेरे से जी शेयर करेंगे, बेशक आप क्लास वालों सारों को कहेंगे यार आओ आज बिजनेस ये चीज बनाना सिखाता हूँ, वो हम यूट्यूब पे भी अपलोड करेंगे, वो हम और जगह भी आपको रिप्रेजेंट करेंगे। हमें तो ऐसे बच्चे चाहिए, हम तो चाहते हैं कि बच्चे आए अच्छा डिफरेंट सर, अगर फील्ड्स के इसकी अंदर। थोड़ी सी स्क्रीन शेयर करें, और मुझे एक दो चीज़ इसके अंदर मज़ीद आपसे पूछनी है, अगर वो मुझे इसमें क्लियर कर दें, ताकि मैं इसको मज़ीद जो है ना वो थोड़ा प्रोफेशनल कर दूं, क्योंकि जाहिर है आप क्लाइंट के साथ बात करते हैं, आपको एक उनकी नेचर का पता है कि क्लाइंट क्या हाँ चीज़ जो है ना ये आ गया है। वो आपसे मांगते हैं। अच्छा सर, मैंने यहाँ से इसको जो है ना स्टार्ट किया, और सबसे पहले मैंने एक बिजनेस आउटलेट दे दी, ठीक है, आउटलाइन दे दी। अच्छा, इसके ऊपर मुझे एक अमेजोन की भी डिटेल, एक चीज मतलब जो है ना बतानी चाहिए फॉर बिगिनर्स, एक बंदा उसको अमेजोन का पता ही नहीं है, मतलब इसमें एन ये भी तो हो सकता है ना कि हम पहले अमेजोन को जो है ना वो कम्प्लीटली उसमें आप मतलब ऐसा कर सकते हैं उसको शॉर्ट करने के लिए ना, क्योंकि जब इन्वेस्टर खोलेगा वो इतनी ज्यादा चीजें खुली होंगी, वो कहेगा इसको भी देखूं इसको भी देखूं, उस पे आप रेफरेंस के लिंक्स डाल सकते हैं अपनी ही, इसका सब लिंक बना के, ये जो आपकी ऊपर ऐप ग्रॉस पैरो है जो भी है, जी इसके जी साथ आप एक एक्स्ट्रा एक और अटैच करके यहाँ पे लिंक्स दे सकते हैं, अमेजोन एफ पी होलसेल 1 2 3 4 5 यहाँ पे लिखे हुए हो, या जिस तरह भी जी आप फॉर्मेट उसका रखना चाहते हैं, वो उस पे लेट्स सपोज क्लिक करे तो एक लिंक नेक्स्ट खुल जाए, अगर वो उसको देखना चाह रहा है, उस बिजनेस मॉड्यूल को समझना चाह रहा है, पोर्टफोलियो जितना शॉर्ट होगा, जितना मजेदार होगा, जितने की पॉइंट्स बुलेट पॉइंट्स उसमें ज्यादा होंगे, वो ज्यादा बेस्ट रहेगा। क्लास अच्छा, इसमें मैंने सर नीचे कुछ स्टैट्स दिए हुए हैं, अगर के उनको जरा आप एक दफा देख लें, वो सही है क्या चीज स्टैट्स जो मैंने दिए हुए हैं, इसके जो एक ये वाले अल्टीमेट गाइड है, ये भी कुछ मैटर करती अल्टीमेट है? गाइड? हाँ बिल्कुल करती है, मतलब क्लाउड प्लेटफॉर्म कंट्रीब्यूट 20%। नहीं ये एज सच नहीं, AWS ये तो अमेज़न वेब सर्विसेज है ना, ये तो CS के स्टूडेंट स्टूडेंट्स के लिए होता है, अमेज़न ऑन योर यूएस ईकॉमर्स मार्केट प्लेस, ये अगर वो अमेज़न पे आ रहा है उसको ये चीजें ज्यादा बेहतर पता होंगी, फिर भी आप इसको शॉर्ट कर सकते हैं, ज्यादा हाँ इन्वेस्टर इतनी बिल्कुल ज्यादा सही चीजें कह रहे पर हैं, नुकसान मतलब ही नहीं करता, सही होगा, मतलब इसमें जैसे ही ऊपर जो है ना वो एक अगर आउटलेट है छोटा तो सा उसमें मैसेज, छोटा सा मैसेज। छोटा सा हम मैसेज तो साथ जब में हम नीचे हाँ लिंक दे मतलब दें। कि हम तो जब मैसेज करते थे ना क्लाइंट को, तो हम कहते थे कि हे लेट्स सपोज हे क्लाइंट ठीक है, होप यू आर डूइंग वेल, आई एम डूइंग बिजनेस ऑन अमेज़न, ये सेलिंग सर्विसेज इतने साल से भेज रहा हूँ और मेरे पास बड़ी अच्छी सेल्स की स्टैट्स हैं और बड़ा जबरदस्त हमारा बिजनेस है, हम ये भी करते हैं वो भी करते हैं, ऐसे क्लाइंट को रन करते हैं, एक छोटा सा मैसेज 4 5 6 लाइनों का, और नीचे जी लिख देते हैं आर यू इफ यू आर इंटरेस्टेड तो यू कैन टेल मी, वी कैन हैव अ जूम कॉल और जूम मीटिंग। अगर जब आप जूम कॉल जूम मीटिंग का नाम ले लेते हैं ना, उसमें ज्यादा मजा आ जाता है। पोर्टफोलियो बेशक शेयर करें, आगे पीछे जी लिंक्डइन पे लिंक्स दे दें, आगे पीछे लिंक धड़ाधड़ लोगों को दें, क्लाइंट्स को भेज दें डायरेक्ट लिंक, बट वो एक शॉर्ट मैसेज होगा, ये बेशक वो खोल के देखेगा, एक अच्छा सिनेरियो होगा, मगर जी उसमें ज्यादा बेहतर मैं जहां तक मैं समझता हूँ, ये भी बहुत अच्छी चीज है, इसको भी आप जितना प्रमोट करें, अक्सर लोग ये पसंद करते हैं जो क्लाइंट्स होते हैं वो कहते हैं यार हमें, अब मेरा एक क्लाइंट था वो कहता था कि मुझे गूगल शीट में प्रोडक्ट्स ना दो, मुझे आप वर्ड की वर्ड का जो फॉर्मेट होता है जिसमें हम लिखते हैं पैराग्राफ्स, मुझे जी उस जी फॉर्म में चीज चाहिए, तो मैं उसको उस फॉर्म में चीज देता था, ये भी आप शेयर करें। और उसके बाद क्या है कि अगर आपको इसमें से कोई चीज नहीं समझ आ रही, यू कैन रीच मी और हम एक जूम कॉल कर लेते हैं, एक जूम मीटिंग कर लेते हैं, उसमें ये होगा, उसको ज्यादा डिटेल में समझा देंगे। वैसे हम तो, मैंने तो घोरों के साथ काम किया पूरी जिंदगी, पाकिस्तानियों के साथ, दो पाकिस्तानियों के साथ टोटल काम किया जो सर्विसेज बेची हैं आज तक, तो हम तो उन्हें अगर चीज ऐसी दिखाते भी थे जिसमें बिल्कुल आपने ये चीजें हमने भी लिखी होती थी तकरीबन, ये जो आपने लिखा हुआ ना इस पैराग्राफ में ये बुलेट पॉइंट्स, ये हमारी चीजें होती थी, हम उन्हें बताते थे, जूम कॉल पे ले आते थे, फिर हम कोई और राम कथा सुनाते थे उन्हें, उनको किसी और तरफ ले जाते थे, सेल्स जी दिखाया, जी प्रॉफिट दिखाया, अपने मामला बताए, टीम दिखा दी उसी वक्त, अगर रूम में चार लड़के जी बैठ के पीसी खोल के बैठे हैं, चारों की तरफ कैमरा घुमा दिया उतार के उसी वक्त, वेब कैम के चार जी दोस्त है और हम एज अ टीम काम कर रहे हैं। बिल्कुल सही होगा। अच्छा सर, बेसिकली मैं एक ला फर्म के साथ अटैच हूँ। कौन सी? हेलो, अच्छा जी सर। अच्छा सर, बेसिकली मैं एक ना ला फर्म के साथ अटैच हूँ एज अ बिजनेस डेवलपर मैनेजर। मोबाइल देखे मेरा किधर है, वो 14 Pro किधर पड़ा हुआ है, इस पे देख ले, नहीं तो अंदर मैंने ट्रेड की उसमें चेक कर ले, वैसे पड़ा तो इधर ही होना चाहिए। अच्छा 1 मिनट यार, मैं 1 मिनट होल्ड जी लूंगा जी आपसे, श्योर असल में श्योर वो हमारी पोस्टिंग का टाइम हो जाता है इस टाइम ना, चेक चेक करें उधर अंदर, चेक कर लें ब्लैक पेंट में, चेक कर लें।
उसमें ना हो, या तो इधर पड़ा हो सकता है जो ऊपर खिड़की नहीं है। आप कैरी ऑन करें। जी सर। अच्छा सर, मैं ये कह रहा था कि मैं असल में एक लॉ फर्म के साथ अटैच हूँ एज अ बिजनेस डेवलपर मैनेजर। तो मुझे बेसिकली ये उनके लिए भी एक जो है ना बिजनेस प्लान को तैयार करना था ई कॉमर्स के हवाले से। अच्छा ये तो मैं उनके लिए भी कर रहा था, तो इसमें मैं सोच रहा था कि अगर हमें नेक्स्ट फ्यूचर में कोई ऐसी चीज़ इसके रिलेटेड मिल जाती है, अपने इस तरह के ऐसे जो क्लाइंट हैं जो अमेजोन को समझते हैं, इसमें उनके लिए क्या चीज़ें ऐड हो सकती हैं, तो उसमें मुझे कुछ हिंट्स आपने दिए वो भी बहुत मेरी आपको, अकल में आप आए हैं। उनको अमेज़न पर लेके जाना चाह रहे हैं जो बिजनेस लॉ फर्म्स हैं आपके साथ। बिजनेस लॉ फर्म है लेकिन हमारे पास सर क्लाइंट्स हैं, उनके पास इन्वेस्टमेंट होती है लेकिन उन्हें ये चीज़ नहीं पता होती कि हम जो है ना बेसिकली सारे लोग आजकल ये यूरोप में जो बेसिकली है ना काम ऐसा होता है सेटल कि होना चाह कॉल रहे हैं। कॉल कॉल सेंटर टाइप, जिस तरह वो काम नहीं करते अपने प्रोडक्ट के लिए, वो राजी करते हैं फोन करके, ए जॉन आई एम कॉलिंग फ्रॉम लेट्स वो मेट केयर एलएलसी, हाउ आर यू डूइंग टुडे। जी आपको जी वो लगाम करना पड़ेगा इसके लिए। इसके लिए कुछ थोड़ी इंफॉर्मेशन लेनी पड़ेगी, थोड़ी वीडियोस देखनी पड़ेंगी, और जितना भी अमेज़न का नॉलेज है आपके पास, तो जी आप जी उसके ऊपर एक पेपर के ऊपर लिख के, एक स्क्रिप्ट तैयार होती है, वो आपके जबान पे चढ़ जाती है। स्क्रिप्ट भी जी आपने ऐसा ही खुद है। तैयार करनी है, ठीक है। चैट जीपीटी है, मुख्तलिफ बहुत सॉफ्टवेयर, थोड़ा जहन लड़ाना पड़ेगा। जी उसमें आप उनको बताएंगे कि मैं आपको ये ऐसी, क्योंकि अगर आप मुझे ये बताएं, गोरे को टारगेट कर रहे हैं या पाकिस्तानियों को टारगेट कर रहे हैं? सर, मेरे पास जो हमारे पास जो असल में आते हैं ना क्लाइंट्स, वो बेसिकली मोस्टली तो हैं हमारे अपने जो है ना खित्ते से हैं, पाकिस्तान से हैं, इंडिया से हैं, बांग्लादेश से हैं, ठीक है, और कुछ देखिए ऐसे पाकिस्तानी ऐसे क्लाइंट्स हैं पाकिस्तानियों जो को तो अफ्रीका से हैं। एग्री करना ना, पाकिस्तानी तो आपसे कहेगा हाँ जी भाई पर मंथ कितनी फिक्स दोगे, या पर मंथ कितनी परसेंटेज आ जाएगी, ठीक जी है। जी उसको तो एग्री करना एक डिफरेंट टर्म्स पे आ जाता है। तो मैं, मेरा एक्सपीरियंस ज्यादा गोरों के साथ है, जी तो जी मैं उसके सिलसिले में आपको इतना बता सकता हूँ कि पाकिस्तानियों को तो बंदा डिफरेंट तरीकों से कैचअप कर सकता है, बट ये आप तरीका पाकिस्तानियों पर भी आजमा सकते हैं कि नहीं उसको नहीं सर, बताया ये कि तो उनकी एक जरूरत है क्योंकि डेली बेसिस पे जो है ना वो क्लाइंट्स बेसिकली करते हैं जो है ना टारगेट, तो वो बेसिकली यूरोप में सेटल होना चाहते हैं, सारे के सारा माइंडसेट उनका ही, लोगों के पास जो है ना पैसा बहुत है, हमारा ऐसे काम ही ही है रोज का यही काम है सर आप कि उनसे कहें कलेक्ट जी करना भाई पैसा है लोगों के आपको पास। बिजनेस बिजनेस स्टार्ट करके देते हैं, साइड हसल जी स्टार्ट करके देते हैं, दुकान आपको दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट प्लेस में डाल के देंगे, जी जी और करोड़ों रुपए का बिजनेस होगा। जितनी इन्वेस्टमेंट डालेंगे उतना होगा। आपको पहले तो उनको सेल्स दिखानी पड़ती है, सेलर्स सेंट्रल दिखाना पड़ता है उन्हें कि इतनी सेल्स जी है, फिर पीकेआर में कन्वर्ट करके दिखाना पड़ता है, ठक 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 ये रेट आ रहा है, इतनी सही रोज की है सेल सही हो है रही है, सही दो कह लाख रहे। 2.5 लाख या 5 लाख रुपए की। अब मेरा, मेरी एक ब्रांड में पार्टनरशिप है, आपको शायद नाम पता हो, यूनिवर्थ का, जी इधर बिल्कुल हमारा यूनिवर्थ आप चेक कीजिएगा, इधर पाकिस्तान में बहुत बड़ी एक चेन है कपड़े की, अच्छा सही। और उनके साथ मेरी एक फ्रेंचाइज में पार्टनरशिपिंग है। तो उधर अब हमारी जो, मेरी जो जिस फ्रेंचाइज में पार्टनरशिपिंग है 30% की, उसमें जो सबसे हाईएस्ट सेल ईद में आ रही होती है ना, ईद वाले दिनों में, वो आती है 15 लाख रुपया डे की। अब मैं 15 लाख को लेट सपोज डिवाइड करता हूँ जी, डिवाइडेड बाई 287 करते हैं, तो ये तकरीबन आप एज यू कैन से 5,000 डॉलर की सेल, जी ठीक है, जो उसकी हमारी ईद के दिनों में जाती है। तो वो आप उनको डिफरेंस भी बताते हैं कि यार ये फिजिकल दुकान है या पाकिस्तान में ईद के दिनों में, या पाकिस्तान में सबसे बड़ा हाईएस्ट जो ब्रांड है इस वक्त बैठ के बेच रहा है, वो लेट सपोज ईद के दिनों में 15 लाख रुपए की सेल करता है, तो हम लोग एक दिन में 10,000 डॉलर की भी सेल कर लेते हैं, 12,000 डॉलर की भी सेल कर लेते हैं, वर्चुअली बैठे हुए। दुकान का किराया 40 डॉलर, थोड़े से मजे दिखाने पड़ते हैं और उनको एग्री करना पड़ता है। आपके पास जितना नॉलेज होता है ना अमेजोन का, आपको डिलीवर करना आना होना चाहिए। अब जी अगर, बिल्कुल सही। अब लेट सपोज मैं आपको ट्रेनिंग की अगर बात करूं, तो डिफरेंट लोग आपको ट्रेनिंग देते हैं मार्केट में, मगर चीज ऐसी है कि आपको, अब मैं, तीन इंस्टीट्यूट हैं पाकिस्तान में इस वक्त, ठीक है, जो जी जी अल्लाह पाक के करम से, फजल से, क्योंकि हर किसी का अपना बस रिस्क मैंने अल्लाह सर ने मांगा किया हुआ है। सारों को एक्सप्लोर किया हुआ, मुझे उनकी हाँ कंप्लीट ए टू जी हिस्ट्री पता है।
ऐसे ही है ठीक, उस अच्छे भी हैं बीच में ना, एक आधा है अच्छा भी है बहुत सर ज्यादा। अच्छे का मसला नहीं है सर, मुझे मसला है उनका जो एक बेसिकली सिस्टम है ना, मुझे उसके चले साथ मसला उसमें हम उसको चीज को चले फिलहाल छोड़ देते हैं। अब लेट सपोज 3 इंस्टीट्यूट है या 4 है या 5 है, वट एवर, है। उसमें हो सकता है कि आपको एक बंदे की अच्छी समझ आती हो, ठीक है, जी जो उनका स्ट्रक्चर है। जी अब मैं शाम सर्वर की बात कर लेता हूँ, बहुत ही अच्छा बंदा है, ठीक है, जी उनका वो बेसिकली लोगों को 1 रुपया पाके आसानी से लेता, वो उल्टा लोगों को सिखाता है काम में, उनका सिखाते फॉलोअर हैं। हूँ, जी जी ठीक है, बिल्कुल मैं ऐसा तो ही है। हर जी अच्छे बंदे का फॉलोअर हूँ, जी मैं बिल्कुल सर। किसी से मेरा लड़ाई तो नहीं है, उसने अपने हर किसी ने अपने नसीब का खाना है। जी जी मेरे पास लड़ाई तो अल्लाह है ही पाक नहीं। ने, मैं जब जिस दिन सब खा लूंगा अपने नसीब को, तो उसी दिन मुझे मौत आ जाएगी, जमीन पर चलने के लिए कदम नहीं होगा, पीने के लिए पानी नहीं होगा, खाने के लिए नवाला नहीं होगा, और रिस्क हासिल करने के लिए एक टुकड़ा जमीन पर नहीं बचा होगा, तो उस दिन तो मैंने चले जाना है। तो वो ये कि हर किसी का सिखाने का स्टाइल अलग होता है, काफी और लोग भी आपको मिल जाते हैं, हर किसी का वे ऑफ डिफरेंट, वे ऑफ टीचिंग डिफरेंट होता है, चीज समझाने का, बताने का, हर चीज का, तो वो भी डिफरेंस आ जाता है। बहरहाल ये कि सर उम्मीद करते हैं कि ये, अच्छा जी मैं अपनी बात असल में सही से कन्वे शेयर नहीं कर पाया, ये आपको समझ नहीं। असल में सर ये जो एक बिजनेस मॉडल मेरे पास तैयार हो रहा है ना, मेरे पास इसके अलावा भी और भी यहाँ पे जो यूरोपियन अपॉर्चुनिटीज हैं ना बिजनेस के हवाले से, बेसिकली जी जी मैं नहीं, उनको जो बात है मैं कह रहा था ना कि अपना रेडी डिलीवर कर जो रहा हूँ। डिलीवर है ना, डिलीवर आप जी जी पीड बैठ करते हैं, डिलीवरी डिलीवरी जी जी आप सर किस डिलीवरी तरह तो बिल्कुल उन्हें मेरे पे डिलीवर डिपेंड करते करता है हैं। सर। जी आप एक बार किसी को कन्विंस करेंगे ना, मैं लेट्स सपोज एग्जांपल देता हूँ, 10 क्लाइंट्स हैं आपके जी पास, ठीक है, और आप 10 क्लाइंट्स को आप अकेले के लिए ब्रीफ कर रहे हैं, एक दिन एक को, दूसरे को, तीसरे को, चौथे को, उसको चाय के लिए बुला लेते हैं आप, गपशप लगा रहे हैं, उसको चीज बता रहे हैं, या वीडियो कॉल पे आपने उसको बुला लिया, अब उसमें से हो सकता है कि 2 एग्री होती हैं, तो जी आपको साइकी समझ आ जाएगी कि यार मैंने उसको अगर इतनी ब्रीफिंग दी थी तो उसमें हो सकता है मेरे से ये गलती हुई हुई है, अगर इसको मेरी ये बातें समझ आई हैं तो इन फ्यूचर मैं उसमें और इम्प्रूवमेंट लेके आऊंगा, और वे ऑफ जिसे कहते हैं कन्वेइंग जो है मैं कोई और डिफरेंट यूज करूंगा, ये यही तरीके जो है उसमें यूज करूंगा। जी जी सर जैसे आपने अभी मुझे बताया कि इसके ऊपर आप एक छोटी सी जो है ना वो शॉर्ट में दे दो, और डिस्क्रिप्शन नीचे आप हर सेक्शन का एक जो है ना लिंक दे दो, हाँ 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 बिल्कुल तो जिस तरह से एक ये बेसिकली चीज थी ना, तो बिजनेस प्रपोजल के अंदर अमेजोन के हवाले से मुझे आपकी एक थोड़ी सी हेल्प इसमें इसके अलावा भी आप चाहिए। सिर्फ बिजनेस मॉड्यूल्स बताएं, बिजनेस मॉड्यूल्स अमेज़न की, और उनका जी पोटेंशियल बताएं, ओए का पोटेंशियल बताएं, AWS का पोटेंशियल बताएं, आप दोनों का पोटेंशियल मैं बता देता हूँ। होलसेल स्लो ग्रोइंग बिजनेस है, एक बार जब ग्रो कर जाता है तो बड़ा VIP मजा आ जाता है। ऑनलाइन आर्बिट्राज है कि लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए बिजनेस है आपका, ठीक है, जी आप डेली नई प्रोडक्ट्स निकाल रहे हैं, आपको नहीं पता अगले महीने वो प्रोडक्ट मिलेगी नहीं मिलेगी, इस तरह आपको पोटेंशियल बताना पड़ेगा डिफरेंट। और मैं ज्यादातर आपको यही कहूंगा कि बुलेट पॉइंट्स बनाएं, बहुत जी शॉर्ट सा पोर्टफोलियो, आपका पोर्टफोलियो या सॉरी बिजनेस प्रपोजल हो, शॉर्ट सा हो, ज्यादा जितना शॉर्ट होता है ना उतना लोग मजा आता है। हालांकि जो वैसे अगर देखा जाए, अगर यू कैन से कि जिस तरह हमें यूनिवर्सिटीज में बताया जाता है कि बिजनेस प्रपोजल कम से कम 3 तरह के होते हैं, ठीक है, एक होता है आपका 6 से 12 पेजों का, एक होता है आपका 12 से 18 पेजों का, एक होता है आपका 18 से 55 पेजों का, ठीक है, अब 3 तरह के जी बिजनेस प्रपोजल्स आ जाते हैं आपके पास। तो सही हमने अब ऑनलाइन चल रहे हैं, हम तो फिजिकल किसी को बिजनेस प्रपोजल नहीं भेज रहे, हम तो प्रिंटिंग में करना है, तो आजकल बिल्कुल उसके ना डिस्क्रिप्शन भी ऐड करें, ठीक है, जी और 3 4 पेजेस हो जाएं, बेशक 2 पेजेस हो जाएं, या एक ही पूरा लंबा सा पेज होता है अक्सर वो कर लेते हैं, मैं तो यूज नहीं करना आता मुझे, तो वो उस पर प्रपोजल बना के, और लिंक्स अगर सब लिंक्स बने हो वो बहुत बेस्ट थिंग है, मैं खुद बिल्कुल वही सही पसंद आपने कहा करूंगा कि यार वो अगर होलसेल लिखा हुआ FB होलसेल, आप बेशक एक ब्रैकेट में लिख दें कि इसको अगर आप मजीद एक्सप्लोर करना चाहते हैं, आपने अमेजोन के बारे में बता दिया जी कि $62 बिलियन की मार्केट है, उसमें ये होता है ये होता है, इतने सेलर्स हैं, इतने परचेजर्स हैं, इतने ब्लड सपोज बायर्स हैं, इस कंट्री से लेते हैं, इतनी कंट्रीज में शिपिंग प्रोवाइड करता है, वो आपने एक जनरल डिस्क्रिप्शन दे दी अमेजोन की जो जी आप दे सकते थे अच्छी से अच्छी, नीचे आपके बुलेट पॉइंट्स वो आगे उस पे तमाम का वो लिंक ओपन होने के लिए हो, तो वो लिंक ओपन करें उनको होलसेल का, फिर बेशक आप 2 पेज लिख दे, राम कथा लंबी लिखी हो कि भाई जन देख लें, सुन लें, चेक कर लें, मैं बिल्कुल समझ गया सर, बिल्कुल समझ गया आपकी बात, ठीक है, ऐसे होगा तो मैं बिल्कुल कहता हूँ ठीक। ज्यादा अच्छा प्रोफेशनल सर लगेगा, मैंने ज्यादा आपको मजा अपना आएगा। नंबर सेंड किया, काइंडली जरा अगर इसको आप सेव कर लें और मुझे एक छोटा सा अपने व्हाट्सएप से मैसेज कर दें, क्योंकि मैं आपको अपना नंबर मुझे सेंड करता हूँ, ये लें। मुझे सर असल में 2 चीजों के ऊपर जो है ना वो आपसे एक तो बात करनी, एक तो मेरे अकाउंट हैं जिनके ऊपर जिनको लेके मैं फुली इस टाइम पे स्ट्रेस में हूँ, थक गया हूँ बस, अब इसका कोई नहीं, हल मैं चाहिए थकने मुझे। चलता नहीं है यार, इधर मैं फ्रीलांसिंग करता था तो मैं भी थक जाता था, पता क्या होता था, वो सही क्लाइंट है मिला जी 6 महीने, वो अल्लाह पाक उसे लंबी जिंदगी दे, वो था आई थिंक सो उसे कहते हैं जी, मुझे नाम ही भूल गया, वो किसी चीज को नहीं मानते, खुदाओं का कोई भी नहीं होता दुनिया में, वो अच्छा पता नहीं क्या कहते हैं जी, इथिस कहते हैं, इथिक्स कहते हैं, मुझे तो फिलहाल याद ही कोई नहीं है क्या कहते हैं, बहरहाल अच्छा वो फिलिप उसको हम प्यार से कहते थे, वो कहता मुझे फिलिप को, उसका नाम था ZVP, तैवानी था उनका अपना ही, मैं चीजें गिरा के नाम रखते हैं,
टंटन है, वो तो टंटन नाम रख देंगी। अच्छा वो 2 साल तक मुझे पे देता रहा, और पहले 6 महीने तो मैंने उसको जीरो चीज दी, जीरो, कोई एक प्रोडक्ट नहीं दी, और बस रात को आके बैठे बेड पे भी ना, यकीन माने खुदा गवाह है कि बेड के ऊपर भी रात के वक्त मोबाइल पे मैं डिस्ट्रीब्यूटर ढूंढ रहा होता था, मैं ब्रांड ढूंढ रहा होता था, मैं होलसेलर ढूंढ रहा होता था, यकीन माने। हालांकि 18 घंटे काम किया और थक बिल्कुल ऐसी हिम्मत होगी कि बेड पे जाके सोचे, फिर भी 2-3 घंटे मोबाइल पे, 3 घंटे 4 घंटे नींद टोटल, और वो चीजें निकालें, और एक बार फ्रस्ट्रेट हो गए कि यार छोड़ो ऐसा परे कराओ काम, छोड़ दो बिल्कुल, मगर वो घर वाले फिर किसी और फील्ड की तरफ ही नहीं जाने देते, तो कहते थे जो करना पुत्र कर, बैके कर, बाकी ना गाड़ियां का काम करना, मोबाइलों का, मेरा तो बेसिकली मोबाइलों का काम था। अच्छा। मेरा तो गाड़ियों का काम था, मैं तो रोडों पे फिर के या लारी अटो पे फिर के मोबाइल बेचा करता था, मेरा तो एक काम ही नहीं था वो। बहरहाल वो घर वालों की वजह से मजबूरन जो है हमें फिर इधर काम करना पड़ा। बहरहाल ये कि जी सर, इसके अलावा मेरे पास अपॉर्चुनिटीज हैं फ्रीलांसिंग के लिए, जितने भी फ्रीलांसर्स हैं ना, ठीक है, बेसिकली मेरे पास उनके लिए बहुत अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज हैं। आप एक काम करें ना, आप मुझे अपना प्रपोजल भेजें, आप ई कॉमर्स पे D86 के लिए क्या क्या कर सकते हैं, उस पे बेसिकली नाम आपका अपना बनेगा, लोग आपको अपनी प्रोफाइल से जानेंगे, आपके अपने फॉलोअर्स होंगे। एग्जाम्पल मैं आपको दे देता हूँ, जिस तरह सनी अली के साथ सोहेल तारिक थे, हाफिज अहमद थे, अब्दुल वहाब थे, वो किस तरह उठे, ऐसे ही उठे, आप लोगों के सामने उठे हैं, ठीक है। सर मेरे पास जो ये लॉ फर्म है, ये कोई छोटी लॉ फर्म नहीं, इनका जो हमारा बेसिकली मेन ऑफिस है वो है इस्लामाबाद में, लंदन में हमारा ऑफिस है, और एक हमने यहाँ पे बनाया पुर्तगाल में, एक हमारा ओमान में फिलहाल जो है ना वो इन प्रोसेस है, ठीक है, तुर्की में हम इंशाल्लाह बनाने जा रहे हैं। मेरे पास जो मेरे साथ जो बंदा बेसिकली काम करता है वो है आपका असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल, अभी ये जो रिसेंटली रजीम चेंज होने की वजह से वो यहाँ पे आ गए हैं, ठीक है, तो हम एक इंशाल्लाह इसके ऊपर एक मीटिंग भी कर लेंगे, और इसके ऊपर जो भी चीजें होंगी फिर वो फिर हम इंशाल्लाह फर्दर उनको आगे लेके चलते हैं, क्योंकि इसमें फिर सर इसके अलावा भी ये चीजें हो सकती हैं कि अगर आपको अपनी पाकिस्तान में कोई भी ऐसी जो है ना लॉ के रिलेटेड कोई भी अगर आपको मशवरा चाहिए, सर्विस चाहिए, तो उसके ऊपर भी हम इंशाल्लाह सकते हैं। दुनिया के ऊपर, दुनिया से रिलेटेड, पूरी दुनिया में? जी जी सर बिल्कुल, क्यों नहीं। अच्छा यार चलें, आपका अगर कोई यूके में कोई ऐसा इशू है तो यूके में अलर्ट यूएस में मुझे न्यू माना चाना सर वहां पे एक ऑफिस है न्यू जर्सी में, यूएस में मुझे आप कोई दे दें, एक लॉयर दे दें बिल्कुल, मेरी इसमें एक $12,000 की, तकरीबन $12,000 की इन्वेंटरी जो है मेरी गुम हुई हुई है, उधर एक वेयर हाउस वाला है उसमें, क्योंकि यूपीएस वाले जब उठाते हैं ना तो वो लाजमन एंट्री करते हैं आपकी ना, पिछले 3-4 महीने से मेरी भी इन्वेंटरी है, कोई काफी ज्यादा ऑफिस के बच्चों के भी है, वो इंस्पायर्ड 3PL वाला, उसके भी 4-5-6 लाख फॉलोअर है बंदे के, मैं समझ को लीगल एक्शन लेना चाह रहा था मैं काफी दिनों से। सर ये ना एक हमारी ई कॉमर्स की पूरी टीम बैठी हुई है इस्लामाबाद ऑफिस में, ठीक है, वो काम ही ये करती है। आप यूएस का मुझे ना लीगल एडवाइस वो देते, सॉरी वो सर जब आप उनके साथ काम करेंगे ना, वो अभी लास्ट टाइम इधर एक बंदा था यूके में, अच्छा ये उसने उसका मसला ये था कि वो कोई ग्लव्स वगैरह जो है ना बेच रहा था, और वो उसके ऊपर जो है ना पीएल कर रहा था, लेकिन उसका मसला ये बन गया कि उसका जो ट्रेडमार्क था वो किसी और बंदे के साथ जाके कुछ कहीं पे जाके लिंक हो गया, उनका उनका इशू आ गया, उसकी कुछ $20,000 की इन्वेंट्री जो है ना वो इस तरह से जो ना गुम हो गई थी, और बड़ा वो मतलब, लेकिन वो जो हमारी टीम बैठी हुई है पाकिस्तान में, उन्होंने वहीं से बैठ के उनको मतलब पूरे का पूरा वो सारा उनका जो है ना प्रोसेस देखा, उन्होंने सारे के सारे जो भी आगे जो है ना फर्दर चीजें थी यूके के अंदर वो सारी की सारी उन्होंने जो ना, मैं ऐसा करता हूँ मैं डॉक्यूमेंट तमाम रेडी कर लेता हूँ ना, जो जो हमने उनकी डिलीवरियां ईबे से वॉलमार्ट से उनके उनकी तरफ गेम ही है, और उन्होंने प्रोडक्ट नहीं निकाली, तो उनपे ये लीगल एक्शन लाजमी लेना पड़ेगा, और तगड़ा लेना पड़ेगा, क्योंकि मैं अभी मुझे लोकल भी काफी मिल रहे हैं जो वहाँ पे ऑलरेडी काम कर रहे हैं लॉयर्स, बट मैं कोई तगड़ी गेम डालना चाहता हूँ कि बस 1-2-3 बार जो पेशेंस इश्यूज की हो उसमें हमारा जो इशू है वो सॉल्व हो, और वो पैसे जो है या तो पैसे दे या इन्वेंटरियां दे, तो काम करे। सर हमारा मसला यह है कि अभी अगर मैं एक जनरल बात करूं आपके साथ, मेरा एक अगर स्टूडेंट और एक उस्ताद का रिश्ता है, अगर मैं इसमें सर बात करूं तो जो मैं आपको लॉ फर्म रिकमेंड कर रहा हूं, इनका एक बेसिकली पीछे जो है ना पूरे का पूरा बैकग्राउंड है, प्रोफाइल है, ठीक है, अगर इनके पास कोई सोल्यूशन होगा तो ये हाथ डालेंगे, वरना ये आपको बिल्कुल भी जो है ना साफ साफ जो है ना मना कर देंगे, क्योंकि इनको अपनी अपनी बेसिकली जो है ना फिक्र होती है, ये अपनी प्रोफाइल खराब नहीं करना चाहते। ऐसे ही है इधर भी, ऐसे ही है इधर भी, तो हम ऐसे सिनेरियो पे चल रहे हैं। आप जी जी, आप जिस बंदे का तगड़ा प्रोफाइल होती है वो कभी भी आपके साथ 2 नंबर ही नहीं कर सकता, ऐसे ही सिनेरियो है। मैं जिस तरह आप लोगों का बैच है इसमें हमारे पास तकरीबन 172-71 बच्चा तकरीबन एनरोलमेंट हमारे पास आई थी, जो इंटरव्यूज के लिए हम लोगों ने कॉल्स की थी तमाम को, सारों को, उसमें से आप लोग सिलेक्ट हुए हैं, तो इधर ये बिल्कुल ऐसी सिनेरियो, जो बंदा लॉन्ग टर्म चलना चाहता है मार्केट में वो बिल्कुल अपना नाम नहीं खराब होने देता।
जी सर बिल्कुल ऐसा ही है। चलें फिर इंशाल्लाह इसके ऊपर एक जूम मीटिंग रख लेते हैं, आप भी जरा इंशाल्लाह खुद को प्रिपेयर कर लें, फिर जैसे ही कोई टाइम सिलेक्शन होती है तो एक इंशाल्लाह बाकी भी चीजें इसके इंशाल्लाह ऊपर करते हैं इंशाल्लाह डिस्कस। ठीक है इंशाल्लाह। जी सर, ठीक है जी, ओके सर, थैंक यू थैंक यू सो सो मच मच। जी, और तमाम बच्चों को बहुत बहुत शुक्रिया जो हैं, उनका बहुत बहुत शुक्रिया जो बाकी हैं, उनका भी शुक्रिया। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़। नहीं, ओनली कलर।